हाय गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म के रिकॉर्डिंग बात की जाएगी उस फिल्म का नाम है देवरा पार्ट वन तो दोस्तों एक पिन इंडिया लेवल फिल्म है तेलुगु लैंग्वेज की साथ ही इस फिल्म को आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटरिकली पर रिलीज़ कर दी गई है तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्ज़न तमिल वर्ज़न उसके साथ ही मलयालम वर्ज़न कन्नडा वर्जन ये सभी वर्जन में जो आप सभी फ़िल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों इस सब फिल्म को कहाँ पर कैसे ऑफिशियली जैसे कि आने वाले टाइम पर आने वाले समय पर देखोगे उसके बारे में बात की जाएगी तो दोस्तों इस सब फिल्म को कौन से ओ पर कौन से सेटेलाइट पर ऑफिशियली फ्री में देख पाओगे उसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ और साथ ही फिल्म की प्रोडक्शन की बात की जाएगी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस की भी बात की जाएगी साथ ही म्यूजिकल डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट की भी बात की जाएगी इसके, इस इसके अलावा इस फिल्म का प्लॉट का एक्सप्लेनेशन देने वालों और साथ ही फिल्म के डीप रिव्यू एंड फैक्ट्स की भी बात की जाएगी फिल्म का बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर की जितने भी बातें उससे भी की जाएगी इसके अलावा इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या रखा गया उसकी भी बात की जाएगी साथ ही दोस्तों फिल्म की जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्टिंग की बातें हैं वो से भी की जाएगी तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक यानी कि एंडिंग तक ज़रूर वॉच करिएगा तो दोस्तों देवरा पार्ट वन साल 2024 में रिलीज़ हुई यानी इसी साल रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर रोमांटिक फिल्म है तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किए हुए कोरटला शिवा सिवाशर ने शिवा सर के सर सर के डायरेक्शन के अलावा जैसे कि इस फिल्म में उनकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में ओवरऑल उनकी देखने को मिलती है फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए लाइक जैसे इस फिल्म को कौन से प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए तो सुधाकर मिक्की कलैनी उनके अलावा जैसे कि कोसा राजू कृष्णा उनके अलावा नंद मुरली कल्याण उसके साथ ही राम आपको इस फिल्म में जो कि प्रोड्यूस करते हुए नजर आई जो कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं अब दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एन टी रामा राव जे आर जहाँ पर सैफ अली खान जाह्नवी कपूर प्रकाश राज श्रीकांत सायन टोम चाको आपको इस फिल्म में देखने को मिलते है स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात कर रहा करूँ वहीं पर तो दोस्तों इस फिल्म को टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फिल्म को आर जो कि रत्ना वेलू का इस फिल्म में जैसे कि सिनेमाटोग्राफिक उन्होंने करके दिए हुए फिल्म में पूरा उनका इरादा सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलता है वहीं पर ये श्री कार प्रसाद का इस फिल्म में जो कि एडिटिंग देखने को मिलता है उन्होंने इस फिल्म को जैसे कि पूरा फिल्म को उन्होंने एडिट किए हुए थे लाइक जैसे फिल्म में बोल सकते कौन सा आर्टिस्ट के ऊपर किस तरह से मतलब कौन सा डायलॉग कहाँ पर रखना चाहिए कौन सी टाइमिंग पूरा का पूरा इन्होंने एडिट करके दिए हुए सभी के सभी अच्छे के साथ जहाँ पर उन्होंने वन मिनट का रन टाइम दिए हुए थे इस फिल्म में जहाँ पर अगर इसको हिंदी में अगर बात की जाए कितना होता है तो दो घंटा अंठावन मिनट की पूरी फिल्म देख सकते हो इतने लेंथ के इतने लेंथ के साथ जहाँ पर हाँ थोड़ी बहुत तो आपको लेंथ कम भी मिलेगी जहाँ पर बारह तेरह मिनट का लेंथ फिल्म की थोड़ा से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कम हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली आप इसी लेंथ के साथ वॉच करना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनुरोध रविचंद्र का इस फिल्म में जैसे कि उनका ही म्यूज़िक साउंड ट्रैक एल्बम और वो बीच चीज़ के अलावा जैसे कि कंपोजिंग भी उनका ही रहा इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी जैसे कि बीजीएम बजती है सभी की सभी चीज़ें उनका इस फिल्म में मेहनत देखने को मिलता है तो उन्होंने ऐसे भी चीज़ें जो कि करके दिए हुए साथ ही सॉन्ग में सुनने को मिलती भी है हम सभी अगर साथ ही दोस्तों सॉन्ग सुनना चाहते जैसे कि म्यूज़िक या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से क्या रखा गया है जैसे कि टाइटल लिरिक्स सिंगर लेंथ किस तरह से कितना है वो सभी आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अनगेवा तवसी जो तेलुगु प्रोजेक्ट की बात की आफ्टर 2018 में जो फिल्म आई थी उसके साथ जर्सी 2019 में एंड नानिस की गैंग लीडर 2019 में उनके साथ आफ्टर ये सभी मतलब मतलब सिंगर में जो कि अनिरुद्ध रविचंद्र काम कर करते हुए नज़र आए थे आप दोस्तों दी फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किया तो फेयर सॉन्ग वजह रिलीज की गई थी नाइनटीन के डेट पे जहाँ पर मे के मंथ में 2024 के साल पे उसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल रिलीज़ की गई थी जहाँ पर चुट्टम बल्ली सॉन्ग का टाइटल रखा गया था उसको रिलीज़ की गई थी पाँच अगस्त के मंथ पे जहाँ पर 2024 के साल पे इसी साल पे रिलीज़ की गई थी इसी के साथ थर्ड सिंगल टाइटल की बात की तो कि दाबोडी जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी चार सेप्टेम्बर कि महीने पे 2024 के साल के साथ इसी के साथ द फोर्थ सिंगल टाइटल आयुधा पूजा जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी 26 सितंबर 2024 के साल पे इसी के साथ अलोंग विथ द फोर साउंड ट्रैक एल्बम में रिलीज़ की गई थी अब दोस्तों फिल्म की सॉन्ग्स की बात की जाए जैसे कि पाँच डब्ड वर्जन में रिलीज़ की गई लाइक जैसे फिल्म तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके साथ ही जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी ये से भी जो मतलब वर्जनस है कनाडा ये से भी वर्जन्स में आप अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी डब वर्जन में आप अपने हिसाब से जाके एंजॉय कर सकते हो वैसे मुझे दो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आए जहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग मैं बार बार जो कि सुन चुका हूँ ऑडियंस भी पसंद कर रहे जहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग्स अड्ड किए हुए जहाँ पर धीरे धीरे जो सॉन्ग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक म्यूजिक है बीजीएम में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्रिएट करती है जो कि एक सॉन्ग सुनने का जो एक मजा है वो सॉन्ग सुनने के बाद आपको पता चलेगी किस तरह से क्या होता है अदरवाइज दो एक सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग का बात करूँ तो यहाँ पर दाऊदी जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई अब इसी के साथ तीसरे सॉन्ग और भी सॉन्ग है जैसे कि पानी में जो लाल रंग ऐसा खून जो समुंदर वाला गा गाना है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सॉन्ग्स जाके इन्जॉय कर सकते हो तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस फिल्म को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो दोस्तों येवा सुधा आर्ट्स एन टी आर आर्ट्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस फिल्म को बनाई गई थी अब दोस्तों इसी के साथ फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाया जैसे कि बता दें आपको धर्मा प्रोडक्शन के से जो कि ए फिल्म्स की ओर फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी उसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स की ओर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कम्प्लीट करवाई है के प्रोडक्शन जहाँ पर आपको पता होगा तेलंगाना का उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई है नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई इसी के साथ लक्ष्मी मूवीज़ जहाँ पर आपको पता होगा केरला के उनके जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ओर से भी करवाई गई थी जो कि जहाँ पर वे वेर फिल्मस की ओर से तो इसी के तरह इसी साथ पूरी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई उनके ओर से अब दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जैसे लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ जैसे कि किस नाम के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे वही आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों एन टी रामा राव जे आर इन ड्यूल रोल एज ए देवारा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर वर्धा वारा जो कि देवारा इसके सन का भी रोल निभाते हैं जैसे कि लाइक इसमें एन टी रामा राव जो कि जे जूनियर आपको इस फिल्म में नजर आएंगे जैसे कि दो रोल में नजर आएंगे एक बेटे का एक बाप का जैसे कि सन का जो रोल है वो देवारा मतलब रोल निभाएंगे और वारदा का जो रोल है वो वारा करके फिल्म में बुलाते जो इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी सैफ अली खान एज ए भैरावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भैरा करके फिल्म में बुलाते हैं जहाँ पर वॉइस डब्ड उनके ऊपर की गई थी जहाँ पर पी रवि शंकर का उनका ही वॉइस सुनने को मिलेगी आपको फिल्म में इसी के साथ जानवी कपूर एज ए तंगम का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे इसके साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है उनके ऊपर वॉइस जो कि डब्ड किया गया था आर जे स्वेता का और उसमें जो कि वारास को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है सूरती महाराथे एज ए देवरास वाइफ एंड वारास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इसी के साथ उनका माँ का रोल भी निभाते हुए फिल्म में देखने को मिलेगी और जरीना वब एज ए देवराज मदर एंड वारस की ग्रैंड मदर का रोल भी फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर उनका माँ और दादी का भी रोल निभाएंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आनेंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएगी तल्लूरी रामेश्वरी एज ए जोगुला का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे प्रकाश राज सिंगप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे श्रीकांत ऐस ए रायप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आते जहाँ पर तंगम्स के फादर रहते इस फिल्म में उनका पिता का रोल निभाए हैं साइन टोम चाको एज ए कोरा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे नारायण एज ए इरफान का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर का रोल निभाते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको नजर आएंगे कालिया रायन एज ए कुंजारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर कोरस के ब्रदर रहते इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ए मुर्गा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियन सी एम स्मगलर रहते आपको फिल्म में नजर आएंगे अजय एज ए टार्स का फोर्स जो की चीफ शिवम का रोल फिल्म प्ले करेंगे इसी के साथ आपको देखने को मिलता है सुदेव नायर एज ए सामारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे कुंजारास के सन रहते हैं फिल्म में उनका बेटा रहता है इस फिल्म में उसी के साथ फिल्म में नजर आते हैं तारक पुन्नप्पा एज ए बासारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर बाहरा भैरास के सन रहते हैं इस फिल्म में उनका जो कि लड़का रहता है जैसे कि इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलेगी चैत्रा राय एज ए भैरव के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जो कि उनका वाइफ रहता है इसमें जो कि उनका बता सकते हैं उनकी बीवी रहते हैं उसी के साथ शहानु सना के वाइफ का रोल फिल्म प्ले करेंगे अभिमानी सिंह एज ए टी एस पी तुलासी का रोल फिल्म प्ले करते नजर आएंगे गेटअप सिरनो एज ए मेथावा का रोल फिल्म प्ले करेंगे जहां पर वारास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उनका दोस्त रहते हैं उसी के साथ हरि तेजा एज ए तंगम्स का फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी हेमा एज ए वाली का रोल फिल्म प्ले करेंगे जहाँ पर तांगम्स के फ्रेंड एंड सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जहाँ पर तंगम्स के दोस्त रहते हैं और उनको जैसा यहाँ पर सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ देखने को मिलेगी रोहन कन्नुमा रेड्डी एज ए वायरस के फ्रेंड रहते हैं उसी के साथ देखने को मिलेगी निहाल कोटाडी एज ए वायरस के गैंग मेंबर uh, रहते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सोनाक्षी वर्मा एज ए द प्रोटेक्ट आपको इसी के साथ आपको फिल्म में रोल नजर आएंगे और लता विश्वामाथ लता विश्वनाथ रेड्डी एस चंद्रकला का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर भारत के मिस्ट्रेट रहते फिल्म में इसी के साथ ओवरऑल हर एक कास्टिंग जिस तरह से मैंने बताई उसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आने वाले तो दोस्तों देवरा पार्ट वन अब फिल्म को रिलीज की मतलब रिलीजिंग की बात की जाए तो जहां पर देवरा पार्ट थेट्रिकली रिलीजिंग की गई थी ट्वेंटी सेवन के महीने में चूँकि सत्ताईस तारीख को इसी तरह मतलब इसी महीने के 2024 को जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जिसकी डब्ड वर्जन में रिलीज़ की गई थी हिंदी तमिल मलयालम कन्नडा ऐसे भी लैंग्वेज में जो आप सभी फिल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसी के साथ दी आ, फिल्म की वजह ओरिजिनली अनाउंसमेंट की गई थी विद य रिलीज डेट जहाँ पर पाँच अप्रैल दो हज़ार के साल पर रखा जाएगी ऐसी कोडिंग विद दी वीकेंड पर बताई जा रही थी ऑफ ओ गार्डू उसके साथ ही वेयर इट वाज साथि की गई थी उसके चलते टेन अक्टूबर 2024 को अकॉर्डिंग विद द इवन ईवी ऑफ दुशेरा के मौके पर बताई जा रही थी और ऐसे कुछ ड्यू टू द एक्शन दिन सेव पोस्ट प्रोडक्शन एंड वीएफएक्स वर्क्स के चलते काम कुछ अधूरा था इसी के चलते बिफोरिंग बिगिन प्री जो कि बिग इन टू टू इट इज करंट की गई थी डेट पर प्रीव्यू uh, जो कि प्रिव्यूर टू दी रिलीज डेट के चलते मेकर्स बता रहे थे जहाँ पर ट्रीम सेवन मिनट की फॉर्म दी हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फीथिंग सेम ऑल्सो स्लो सीन्स की ऑफ तेलुगु एक्टर इन ऑर्डर टू जो कि कैरेक्टर टू जो ब्रोडर जो कि ब्रोडर ऑडियंस के चलते बताई जा रही थी इसी के चलते हुआ था अब दी फिल्म की रिलीजिंग के चलते जहाँ पर स्टैंडर्ड पे फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ परस इसी के साथ डी बॉक्स एम एक्स फोर डी एंड आई सी ई फॉर्मेट पर दी फिल्म की हार्ड एस से वर्ल्ड प्रीमियम तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी फिल्म को जो देख पा रहे थे तो जब देवरा पार्ट वन फिल्म को थेटिकली पर रिलीज़ की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो मिक्स टू पॉजिटिव भी रिव्यूज़ मिल रहा था जी हाँ दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म चल रही थी तो दोस्तों फिल्म को आई पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली है जो कि समझ सकते हैं एक मीडियम एवरेज है और इसी के साथ रोटेन टमोट की तरफ से थर्टी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया है और गूगल की तरफ से नाइन्टी इस फिल्म को लाइक्स मिली है जो कि समझ सकते नाइन्टी परसेंट कितना हद तक होता है और इसी के हिसाब से मिला था साथ ही फिल्म की बजट की बात की जाए तो एक काफ़ी हाई बजट पर फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर तीन करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दें थ्री पर तो वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए जिस हिसाब से अभी चल रहे जहाँ पर अभी हम समझ लीजिए फिल्म को रिलीज़ किए हुए छः दिन ही हो रहा है छः दिन का ही सिर्फ कलेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड फोर प्लस कलेक्शन हुआ है जहाँ पर तीन सौ चार प्लस कलेक्शन हुआ है जी हाँ दोस्तों तीन सौ से चार तीन सौ चार कलेक्शन से भी ज़्यादा हुआ है इसी के साथ वॉक्शिप कलेक्शन पर आ, मतलब चल रही है। अभी थेट्रिकली थेट्रिकल पर जिस हिसाब से फिल्म चल रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ अब आगे देखते हैं फिल्म किस तरह से क्या करेगी क्या चलेगी वो आगे जाके आपको पता चलेगी अब आपको बता दें जिस हिसाब से फिल्म रन कर पा रही है तो दोस्तों अब फिल्म की मतलब चल रही है जिस हिसाब से मतलब रन कर पा रही है थेट्रिकली पर जहाँ पर जूनियर जो कि जूनियर एनटीआर की, की फिल्म एक्टर की समझ सकते हैं देवरा पार्ट वन जिस सबसे चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हाइप करे क्रिएट करेगी जहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि फिल्म को लेकर तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट जो बना के रखे थे वो उसकी वजह से रखे हुए हैं अब देखते हैं फिल्म आगे जाके क्या हो पाती है मुझे तो लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर जरूर बनेगी अब देखते हैं ये निर्भर करता है एक्टर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर कई सारे और मेकर्स के ऊपर तो देखते हो आने वाले समय पर क्या हो पाता है बट इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रही है तो कहीं ना कहीं फिल्म रुकेगी नहीं चलेगी ज़्यादा अब देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें फिल्म के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊँ जैसे लाइक like, मतलब एक्ट्रेस और एंड एक्टर जैसे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या है तो दोस्तों इस फिल्म में जैसे कि आपको बता दें एन टी आर रामा जैसे कि जूनियर इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे दो रोल में ड्यूल रोल में एक पिता का भी रोल निभाते एक बेटे का भी रोल निभाते वो खुद रोल निभाएंगे अब नज़र आएंगे वही रोल में तो वारा का जो रोल निभाए काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा हाई क्रिएट करते हैं उसके साथ ही देवरा का भी रोल तो देवारा इस फिल्म में किस तरह से इसमें जो उनका जो डायलॉग है जिस तरह से एक्शन सीन्स है एक्शन सिक्वल्स है काफ़ी ज़्यादा हाईट मतलब क्रिएट करते हैं कई सारे फिल्म्स में आप साउथ इंडियन की फिल्म्स में तो आप देख चुके हो उनकी किस तरह से वो मतलब बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग और जो से जिस तरह से वो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उस भी फिल्म में किए हुए अब इस फिल्म में उनकी जो चलने का स्टाइल है जिस तरह से वो हाइप क्रिएट करते एक फिल्म में जिससे लगता है कि एक डर पैदा करता है किस तरह से वो पूरा अपने अंदाज में जो एक्टिंग की पूरी की पूरी इन्होंने न्यू मानो की जाल लगा दी फिल्म में तो पूरा एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएट की हाइप में तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद कर रहे हैं इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए नजर आती है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उनके अलावा जैसे इस फिल्म में उनका बेटा का भी रोल निभा तो वारा का उनका भी ठीक ठाक रोल है उसी के साथ स्मेलर थोड़े बहुत नजर आएंगे आपको बाकी उनके अदर साइड मतलब बोल सकते उनको टक्कर देने में जैसे कि सैफ अली खान इसमें भैरावा का रोल निभा तो भैरा करके बुलाते हैं तो भैरा इसमें किस तरह से रोल निभाए जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी सॉरी बॉलीवुड हम हिंदी जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं तो इस फिल्म में उनका जो एक नेगेटिव रोल रहा जिस तरह से वो विलन का रोल रहा किस तरह से इसमें वो हमारे सामने पेश किया डायरेक्टर और किस तरह से वो उनके साथ बैठते हैं और ये किस तरह से इनका रोल रहा किस तरह से एक्टिंग करते हैं और किस तरह से वो जो इनका जो लुक है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी मतलब वो नेगेटिव रो मतलब रोल में लुक में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र आए तो चीज़ें इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है देखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनकी काम काफ़ी ज़्यादा एक मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा इसमें जो एक्शन पीपल्स है कहीं ना कहीं आपको भरपूर इंगेजिंग करेगी आपको फिल्म की जो रन टाइम है कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से भी बांधे रखती है फ़र्स्ट आप में कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत आपको चीज़ें समझने में टाइम देनी पड़ेगी जब इंटरवल के बाद इनकी जो जिस तरह से वो असली मुद्दा है वो देवरा के साथ जो असली में जो फाइट करते हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक जो मज़ा है फिल्म की वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने पर पता चलेगी और इनके अलावा जैसे कि आपको एक्ट्रेस की बात की जाए तो जहाँ पर जाह्नवी कपूर इसमें तंगम करोल निभाएँ तो उनका रोल में कई सीन्स में आपको पसंद आएगी कई सीन्स में उतना कुछ ख़ास नहीं कर पाए मतलब ठीक ठाक है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं बट सीन्स में उस तरह से लिया गया गाना में कहना कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अदरवाइज सीन्स में उतना कुछ खास है नहीं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ उतना कुछ इन्होंने एक्टिंग किए हुए नहीं ऐसा लगता है तो फिल्म में यूँ मानो कि ऐसे लिया गया था ऐसा कुछ लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे बता रहे हैं बट आने वाले देखते हैं इस तरह से फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगी तो उतना कुछ खास इनका रहा नहीं आ इनके अलावा जैसे कि सूरती मरते इसमें एक्टिंग जिस तरह से रहा उनका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्रिएट करती है अब ये सभी अलावा चीज़ें कि जैसे भी तलवरी रामेश्वरी प्रकाश राज श्रीकांत साइन टैम चाको ये सभी जो रोल आर्टिस्ट निभाए काफ़ी जहाँ हद तक ठीक था ये सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपको फिल्म में कहीं ना कहीं, कहीं आपको देखने में के लिए आपको थोड़े बहुत तो रोक सकती है अब ये सभी चीज़ आप देख सकते हो अदरवाइज फिल्म की थोड़े बहुत आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए थोड़े बहुत चीज़ें कहने के आपको थोड़े बहुत निराश करेगी जैसे कि फिल्म की थोड़ी बहुत लेंथी लगेगी फिल्म के रन टाइम करना कर, कम करना चाहिए था एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एक बिलियन था काफ़ी हाई था वो सभी चीज़ें कहना के पसंद आएगी एडिटिंग में जैसे कि फोटोग्राफी सीन्स लोकेशन जो समुंदर में लाल समुंदर हो जाता है वो सभी सीन्स कहना के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो उसमें जो एनटीआर जैसे कि इसमें जूनियर एनटीआर देवारा का रोल कहीं ना कि वो एक जो जिस तरह से उनका जो ईगो और आँखों का जो अंदाज जो वो उनका जो एक्सप्रेशन है आँखों से जो डर पैदा करता है वो फिल्म में कहीं ना कहीं क्रिएट करती है तो वो से भी चीज़ कहीं ना कि इनकी पसंद आएगी समुंदर पूरा लाल हो जाता है जब फाइटिंग करते हैं सीन्स में वो सीन्स कहीं ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये सभी चीज़ में ठीक था अदरवाइज कई सीन्स थोड़े बहुत आपको निराश करेगी वो सभी माइनस की मतलब बात की जाए तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी यूनिक था थोड़ा बहुत यूनिक लगता है स्क्रीन मतलब उतना कुछ खास नहीं है कमजोरी में नजर आती है फिल्म की फर्स्ट हाफ़ ठीक था सेकंड हाफ़ जिस तरह से वो मतलब देवरा का कहानी कॉन्सेप्ट असली में पता चलता है कहीं मतलब एक समुंदर में जिस तरह से कहानी लिया गया है जहाँ पर आपको बता दें कि मतलब वो इलीगल स्मगलर की तरह से किस तरह से वो काम करते हैं तो वो जाके देवरा पता चलता है देवरा को तो उसके बाद वो अपना असली जो आ, मतलब बोल सकते हैं असली उनका जो मतलब वो वहाँ पर गुस्सा निकालता है उसके बाद उनको बताता है कि ये सभी चीज़ छोड़ दो मतलब गलत है वो उसके बाद वो मानते नहीं बट उसके बाद असली चेहरा देवरा का रोल नज़र आता है उसके बाद फिल्म पूरी तरह से ठीक था वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कुछ क्रिएट करने वाले बट इंटरवल के बाद फिल्म उसी तरह से पूरा नीचे चली गई जहाँ पर एंडिंग तक पूरा फिल्म एकदम ढीले हो गई वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको मतलब यूँ लगेगा फिल्म को थोड़े बहुत और कुछ अच्छी करनी चाहिए था प्लॉट तो सही था कई चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है जैसे कि फिल्म की गाना तो सही है उतन, मतलब दो गाना सही है अदरवाइज गाना उतना कुछ खास नहीं है फिल्म के लिए एक्शन शुक्र काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मजबूती देख देखने को मिलेगी जहाँ पर जूनियर एन टी आर का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक स्टाइल स्टाइल से वो मारते हैं उनका जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग स्क्रीन्स जो भी प्रजेंट करते हैं सामने हमारे एक हाई एप क्रिएट करते एक लेयर अगर उनकी थोड़े बहुत हटा लो तो फिल्म में कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत उनका जो कॉमेडी है थोड़े बहुत हंसाती भी है इसमें उस तरह नहीं है आपको कई सारे फिल्म में देखने को मिलता है लेकिन इसमें उस तरह से नहीं है पूरा फिल्म में उनका एक जो आ, मतलब बोल सकते पॉजिटिवली जो आ, मतलब सीरियसली इंसान किस तरह से होता है पूरा फिल्म में वो बताते हैं कहीं ना है कि आपको एक फैमिली के साथ अगर एक मास ऑडियंस हो मतलब थोड़े बहुत वन टाइम मतलब फिल्म देखना चाहते तो वन टाइम मतलब टाइम पास के लिए मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के साथ तो देवरा का ये फिल्म देवरा पार्ट वन आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्शनल की बात की जाए तो और डायरेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है आपको पता है होगा काफ़ी बड़े बड़े फ़िल्म को इन्होंने हिट करने में कामयाब रहे जैसे कि आपको बता दें कोरटला शिवा सर की जो कि भारत इन नाम दो में जो फिल्म आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही उसके बाद मिर्ची दो में और प्रभास की जो फिल्म थी वो भी और हाल ही में जो आचार्य 2022 में फिल्म बनाई थी उसमें उतना कुछ खास नहीं था तो इस उससे कई गुना ज़्यादा एक कदम आगे है ये फिल्म तो आप उस हिसाब से देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों फिलहाल आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर फिल्म को रिलीज़ कर दी गई है देवरा पार्ट वन की बात करूँ जहाँ दोस्तों इसी के साथ आप फिल्म को एंजॉय कीजिए जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा हिंदी वर्जन कन्नडा वर्जन तमिल वर्जन मलयालम वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके कर इंजॉय कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस तरह से आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर इन्जॉय कीजिए बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर मजा देगी फिल्म देखने पर आप इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा आप दोस्तों थिएटरिकली रिलीज़ के बाद जैसे कि आठ वीक के बाद जैसे कि आठ हफ्ते के बाद इस फिल्म को जहां पर आपको बता दे कि लगभग दो महीने के बाद इस फिल्म को दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के नेटफ्लिक्स पर विथ इंग्लिश सपरेटल विद क्रिशन के साथ तेलुगू लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्जन कन्नाडा वर्जन मलयालम वर्जन तमिल वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ पर विद सब्सक्रिप्शन जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी फिल्म को जाके देख पाओगे अदरवाइज़ आप फ्री में फिल्म को देख नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों अब आने वाले समय पर इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा अब दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब साथ ही सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी किस तरह से क्या किया गया था किस तरह से क्या की गई है मतलब जो भी जानकारी है फिल्म की डेवलपमेंट की वो आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों इन फरवरी के मंथ में 2020 के साल पर जहाँ पर एन टी आर रामा राव जी आर मतलब जूनियर एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास वेर रिपोर्टली बताया बताई जा रही थी कि टू बी कोलेबरेटिंग की गई थी जहाँ पर ऑन द सेकेंड फिल्म फॉलोइंग की गई थी जहाँ पर आरुविदा समिता जो वीरा रंगावा 2018 पे आई थी उसकी बात एन टी टाइटल एन टी आर थर्टीन फिल्म बनेगी ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी दी फिल्म वॉजर टू बी प्रोड्यूसर बाय एस राधा कृष्णा एंड नंदमुर कल्याण राम अंडर दी बैनर पे जहाँ पर हरिका हसनैन क्रिएशन के अंडर एन टी आर आर्ट्स की लेटर और ये भी चीज़ें बताई जा रही थी जूल जुलाई के मंथ में को, जो कि कोरटला सिवा अनाउंसमेंट किए थे अन्ना प्रोजेक्ट पर बनाई जहां पर ये ए ट्वेंटी वन विथ अलू अर्जुन की इन द लीड तो टू बी प्रोड्यूसर बाय फॉरम डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर जो कि मिक्की लाइन्स नेरली लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन स्टूडियो जहाँ पर स्टूडियो यूवर सुधा आर्ट्स सहवेर अप्रैल के मंथ में दो हजार साल पे जहाँ पर रिपोर्टली बताई जा रही थी कि दैट रामा राव एंड शिवा वेड किए की ऑन एन टी आर थर्टीन में मार्किंग दियर सेकेंड आफ्टर जो जनता गराज दो हजार सोलह में जो आई थी फिल्म की वाजा ऑफिशियल अनौंसमेंट की गई थी ऑन उगाडो तेरह पे अप्रैल के महीने पे 2021 में विथ युवा सुधा आर्ट के अंदर प्रोड्यूसिंग द फिल्म इन कोलोबरेशन विथ एन टी आर आर्ट्स की चलते जहां पर वेयर प्रोडक्शन वाजह डिले के चलते ड्यू टू तो शिवास की कमेंटेंस की गई थी टू आचार्या एंड राम राव टू ट्रिपल आर के चलते शिवा डेस्क uh, जो कि डिस्प्रिटेड हुए थे विथ uh, इट एज ये लार्ज सिकल प्रोजेक्ट है इसी के चलते दैट हैज ए मोर कमर्शली अपील इन जो कि जो कि कॉम्प्रेशन टू हिस डिबिट फिल्म थी मिर्ची दो हज़ार तेरह पे जो आई थी फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हुई थी इसी के साथ ऑफ आचार्य शिवा वांट टू फाइनल ट्यून द स्क्रिप्टिंग मेकिंग जो कि निक्री सरी नेसेसरी चेंज बिफोर फिनल एटी सी एम ड्रॉप विच मेन्ट दैट दी कम्युनिटेट ऑफ द फिल्म की वॉजअप बिन डिले थ्रू जो कि लेटर वन बताई जा रही थी दो हजार बाईस के साल पे बाई नवंबर शिवा एस्टेट की थी दे प्रोडक्श प्री प्रोडक्शन वर्क के चलते ऑफ द फिल्म की विथ प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन अर्ली दो हजार तेईस के साल पर बताई जा रही थी इनिशियली शेट टू बिगिन प्रोडक्शन ऑन चौबीस तारीख फरवरी के मंथ में दी कमेंटेंट की गई थी वाजे डीले के चलते ड्यू टू दरका रजे विल भी रामा हाउस की पार्टी पोशन इन दी अवार्ड कैंपेंस के चलते जहाँ पर फॉर टिप्पल आर के चलते दी फिल्म की वाजहे ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन ट्वेंटी थ्री मार्च के मंथ में वित्तीय पूजा के रखा गया था फिल्म के लिए वेल इन हैदराबाद पे प्रेजेंस ऑफ का दी कास्ट एंड क्रियो एंड एस एस राजा मुरली जो कि प्रेसिडिंग वित्तीय मोर्तम असॉर्ट की गई थी दी फिल्म की टाइटल देवरा वाजह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन नाइनटीन के जहाँ पर डेट पे मे के मंथ में 2023 पे दे वी ऑफ रामा रोस के बर्थडे पर ऑन फोर अक्टूबर शिवा के चलते बताए जा रहे थे अनाउंसमेंट की गई दैट द फिल्म की वा विल बी स्क्रिप्ट इन टू जो कि पार्ट्स ये सभी चीज़ें जो फिल्म की डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं इसी तरह रखा गया था जो इस तरह से मैंने आपको बताई है तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया था किस तरह से क्या की है जो भी है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस एक तारीख जहाँ पर अप्रैल के महीने पे 2023 के साल पे हैदराबाद में रखा गया था विथ रामा राव इन अटेंशन की गए थे विथ जानकी अंड खान ज्वाइन हुए थे द सेट इन मेड अप्रैल के महीने पे बताई जा रही इन मेड में के जहाँ पर दी टीम लुक टू वीक पे ब्रेक की गए थे फॉलोइंग रामा राव के डिपेचर के चलते फॉर द फैमिली वक्सन के चलते फिल्मिंग रेसिंग करके जहाँ पर सात तारीख जून के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे विदी क्रोसिकल स्विकल्स बिटवीन रामाव खान एंड अदर कास्ट मेंबर बिगन शूट देयर एंड वाज कंप्लीट की थे 14 फोर्टीन डेज के चलते जहाँ पर सेवरलर एक्शन सिकल्स के चलते एंड बिगन शूट इन शेड्यूल इंक्लूडिंग विच एस बिगिन uh, जो कि फिल्मिंग की थी इन द एक्सट्रीम लो लाइट की चलते जहाँ पर दी टीम देन लुक या जो कि ब्रेक uh, मंथ पे लॉन्ग ब्रेक की गई थी ब्रेक जो कि बिफोर रेसिमिंग करके ऑन थर्टी वन डेट जुलाई के मंथ में दो हज़ार तेईस के साल पे टू शूट की गई थी एंड अंडर वाटर एक्शन पे शिकल्स पे जहाँ पर अमर राव uh, जहाँ पर ट्राइनेट की गई थी विथ एक्सपेट uh, जो कि सिमर के चलते फ्रॉम मुंबई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्ल्स इन सेप्टेम्बर के मंथ पे जहाँ पर सेम ऑफ दी सीक्ल्स के चलते हैूट एट स्पेशली कॉन्सन्ट्रेट की गई थी बीच सेट इन जो कि शमशाद पर जहाँ पर वन फोर तारीख अक्टूबर के महीने पर जहाँ पर दो हज़ार तेईस के साल पर दर्स फाइनल फिल्मिट की गई थी दी अंडर वाटर एक्शन सीक्ल्स एंड हैदराबाद पर विच फील्ड कॉल लूट दे शेड्यूल के चलते पोस्ट जहाँ पर पोस्ट कंप्लीट की गई थी भी कंप्लीट किए थे फिल्मिंग फॉर ईयर प्रोडक्शन और एक तारीख को नवंबर के मंथ में जहाँ पर बताई जा रही थी कि दे टीम देन टू का जो ब्रेक टू जहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी दिवाली के मौके पर जहाँ पर आपको पता होगा फेस्टिवल पर बारह तारीख नवंबर के मंथ में जहाँ पर दो के साल पर एंड रिज्यूम करके फिल्मिंग के टू डेज पे लेटर ऑन अनदर ब्रिविंग शेड्यूल की बातचीत चल रही थी द गोवा शेड्यूल वाजे कंप्लीट की गई थी विथ इन ट्वेंटी नवम्बर के महीने पे जहाँ पर एंड दी टीम रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम अनदर बिगिन शेड्यूल बिच वाजे फिल्म मीट की गई थी डूरिंग मेड दिसंबर के मंथ में कल्याण रामा रिजिम थर्ड दट जहाँ पर एटी परसेंट ऑफ द फिल्म की शूटिंग जहाँ पर हुई थी जहाँ पर द एंड बिन कंप्लीटेड की गई थी बाई लेटर ऑन दिसंबर के मंथ में 2023 के साल पे बताई जा रही थी ये सभी चीज़ें एंड दी फिल्मिंग की वेट भी रैपअप करके जनवरी के महीने पे 2024 के साल पे एवर बी एट दी एंड ऑफ़ दी मंथ पे द प्रोडक्शन टीम रिवर्स की गई थी दैट थर्टीन परसेंट ऑफ द फिल्म की शूट इन टू तो बी जो कि कंप्लीट की गई थी इसी के चलते इन मेड मार्च के मंथ पे जहां पर बताया जा रहा है दो हजार चौबीस के साल पे दी टीम मूवी टू गोवा फॉर फिल्मिंग की या सॉन्ग के लिए स्वीकर्स लिया गया था विथ राम राव एंड जाह्नवी के लिए उनको लिया गया था फॉलोइंग ब्रीफ ब्रेक द टीम फिल्मेंट की गई थी यह जो कि कॉन्ट्रेंट शेड्यूल इन मई के मंथ में 2024 के साल पे एट जहाँ पर विशाखापट्टनम पटनम खान्स खांस की वहाँ पर किया गया था प्रोडक्शन वेयर फाइन फिल्मिट रामा राव वॉज नॉट प्रेजेंट की गई थी इन द शेड्यूल हैज ही वॉज ए फिल्मिंग फॉर वार टू दो में इन मुंबई में जो इन मेड जून के मंथ में, में दियर टीम के शूट के चलते एक्शन शूक सेट एट जो कि फॉरेस्ट पे इन गोवा फीतिंग रामा राव एंड खान के चलते एट दिस सेम मंथ पे किया गया था देव टीम में मूवी टू करबी थाईलैंड फ्रॉम फिल्मिंग की ये सभी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फीतिंग की गई थी रामा एंड जाह्नवी को और जहाँ पर चुट्ट मिले बीच वाजह के मरनी की गई थी बाई बोस को मार्टिस के चलते इन जुलाई के महीने पे 2024 के साल पे दी टीम फिल्म की गई थी अनादर शेड्यूल एट ए में भी किया गया था डू मल्टीपल लेक्स के चलते थ्रू यहां पर दी की गई थी वेयर फिल्मिंग इन साइड क्लोज की सेट विथ दी क्रो मेंबर मेम्बर नॉट टू यूज फोन्स के चलते थ्रू जहाँ पर दी शेड्यूल इन मे इन अगस्त के महीने पे 2024 के साल पे सॉन्ग टाइटल अयोध्या पूजा वाजे फिल्मिंग की गई थी इन सेट के चलते जहाँ पर चौदह अगस्त के दो हजार चौबीस के साल पर रामा राव अनाउंसमेंट की गई थी दैट दी हार्ड कंप्लीट फिल्मिंग इज प्र, के जो कि प्रोडक्शन फॉर दी फिल्म की इन इंटरटेशन विथ संदीप रेड्डी वांगा रामा राव एड दैट इन इनिशियली प्लान कर रहे थे जहाँ पर टू शूट के लिए दियर अंडर वाटर के चलते श्यूकल्स में एट ऑन ऑफ दी बिगेस्ट पुल uh, पे जहाँ पर इन द कापोली बट फॉर uh, uh, जो पर रीसन जहाँ पर री अनोन जो पर पर जहाँ डेसिकेटेड टू सेट ऑफ पुल इन दूडियो वेयर दिल्ड मूवमेंटली शूट द एक्शन सिकल्स द टीम के चलते कॉन्सट्रेट की गई थी यह ट्वेंटी फीट वाटर टैंक टैंक डू फाइव जो पर कॉन्सट्रेट ये ट्वेंटी फीट वाटर टैंक जहाँ पर डूब फाइव फीट विथ टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड से लेकर जहाँ पर एक सौ पचास फीट जहाँ पर विथ इन जहाँ पर डिमेंशंस इन विच दी शूट मोस्ट ऑफ द एक्शन स्वीक चलते फॉर तीन सौ सॉरी थर्टी से लेकर थर्टी माइनस थर्टी फाइव डेज के चलते एडिट की गई थी जहाँ पर एडिट की गई थी वी हार्ड दियर बिग जो पर जो पर डिग्रेस विच केम इन एंड क्रिएटेड जोपर आर्टिकल वियर हार्ड वी मशीन्स के चलते वियर हैव uh, जो कि मोटर बोट्स की मोटर्स पे फिक्स की गई थी इन टू वाटर डू गिव स्मॉल जो कि रिपल्स इन दी पुल देअर ए पुल एंड देयर ए वाटर टैंक वाज एज ए विल सो इट वाज वेरी हाई ऑन एक्शन की फिल्म की फिल्मिंग की जो भी चीज़ें इसी तरह मतलब बताई जा रही है इसी तरह रखा गया था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब दोस्तों आखिर में फिल्म की कहानी कह लो स्टोरी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगा किस तरह से क्या रखा गया है वो आपको बताऊँगा दोस्तों फिल्म की कहानी जहाँ पर बताई गई फिल्म में एक निर्धर आदमी को पता चलता है कि उसका भाई दुश्मन बनकर घातक जो कि हथियारों के तस्कारी कर रहा है तो दोस्तों आगे वही मतलब बताए गए फिल्म कहानी में जैसे कि लाइक जूनियर एनटीआर इस फिल्म में ड्यूल रोल में नजर आए तो दो रोल में एक देवरा का रोल निभाते हैं एक वारा का भी रोल निभाते हैं जहाँ पर देवरा का सन रहते हैं मतलब बाप और बेटे का तो इसमें फिल्म में दिखाया गया कहानी जहाँ पर देवरा एक मतलब एक समुंदर में जीवन खुशहाल ज़िंदगी जीता है बट कुछ जैसे कि बताया जा रहा है कि उन समुंदर में कुछ गलत चीज़ें हो रही है जैसे कि इलीगल स्मगलर के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब इस मतलब इस शहर से उस शहर में लिया जा रहा है जहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें वो सभी चीज़ें किस तरह से क्या वो चीज़ें में मतलब काम करता है जहाँ पर भैरवा भैरवा सैफ अली का खान मतलब सैफ अली खान इसमें रोल निभाए मतलब सैफ अली खान भैरवा का रोल निभाए तो भैरवा इसमें वो मेन गुंडा रहता है तो वही स्मगलर का काम करता है इसमें जो नदी के द्वारा जैसे कि बोट के द्वारा जैसे कि बहुत बहुत सारे शिप में शिफ्ट करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक तो किस तरह से वो सभी वो सभी चीज़ें इसमें फिल्में मतलब इस ट्रांसफर्ट का काम करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक गलत चीज़ें लेके जाता है तो वो सभी चीज़ें आगे जाके किस तरह से देवरा को पता चलता है और देवरा उसको जाके समझाता है कि ये सभी चीज़ें मत करो मतलब गलत है वो मानता नहीं उसके बाद फिर आगे जाके उसके साथ किस तरह से वो लड़ता है फिर वो आगे मतलब उसके बाद वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है आगे जाके फिर किस तरह से दोनों फिर मतलब कौन ज़्यादा इसमें मार खाता है जैसे कि लाइक देवरा इसमें जो मतलब उसको मार के आगे जाके कुछ कर पाता है कि नहीं जैसे लाइक पूरा समुंदर में जहाँ पर इलीगल स्मगलर का जो भी चीजें जैसे कि लाइक इलीगल जो भी चीज़ें काम हैं वो सभी स्मगलर का, का काम करते हैं तो उसको सुधार पाता है कि नहीं देवरा वही आपको जाके आगे पता चलने मतलब चलेगी और जाने भी उसके बाद उनके साथ जो लव इंटरेस्ट दिखाए वो उसके बाद उनके साथ थोड़े बहुत गाने में नज़र आते हैं मतलब कहानी में वही दिखाते हैं मतलब उसके बाद देवरा का जो माह है उसके बाद उनको भी पता चलता है कि किस हद तक ये जाके आगे जाके सुधारता है कि नहीं गाँवाले पूरा वहाँ पर एक छोटे से गांव में नदी किनारे बसते हैं तो उसको जाके किस तरह से सुधारती है चीज़ें कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने में अच्छी भी लगी कुछ चीज़ें आपको थोड़े बहुत निराश भी करेगी तो आप अपने से सबसे जहाँ पर जूनियर एन के आप डाइड फैन हो उनकी फिल्म देखते हो तो ये फिल्म उस हिसाब से एक बार वन टैब वन टैब तो जहाँ पर वन टाइम वॉचेबल मूवी है तो उसी हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों इस सब फिल्म को डायरेक्ट किए हुए कोरटला शिवा सर ने कोरोटेला सिवा सर के सर सर के डायरेक्शन के अलावा जैसे कि इस फिल्म में उनकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में ओवरऑल उनकी देखने को मिलती है फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए लाइक जैसे इस फिल्म को कौन से प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए तो सुधाकर मिक्की क्लैनी उनके अलावा जैसे कि कोसा राजू कृष्णा उनके अलावा नंद मुरली कल्याण उसके साथ ही राम आपको इस फिल्म में जो कि प्रोड्यूस करते हुए नजर आई जो कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं अब दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एन टी राव जे आर जहाँ पर सैफ अली खान जाहवी कपूर प्रकाश राज श्रीकांत सायन टोम चाको आपको इस फिल्म में देखने को मिलते स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात कर रहा हूँ वहीं पर तो दोस्तों इस फिल्म को टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फिल्म को आर जो कि रत्ना वेलू का इस फिल्म में जैसे कि सिनेमाटोग्राफिक उन्होंने करके दिए हुए फिल्म में पूरा उनका इराद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलता है वहीं पर ये श्री कार प्रसाद का इस फिल्म में जो कि एडिटिंग देखने को मिलता है उन्होंने इस फिल्म को जैसे कि पूरा फिल्म को उन्होंने एडिट किए हुए थे लाइक जैसे फिल्म में बोल सकते कौन सा आर्टिस्ट के ऊपर किस तरह से मतलब कौन सा डायलॉग कहाँ पर रखना चाहिए कौन सी टाइमिंग पूरा का पूरा इन्होंने एडिट करके दिए हुए सभी सभी अच्छे के साथ जहाँ पर उन्होंने वन मिनट का रन टाइम दिए हुए थे इस फिल्म में जहाँ पर अगर इसको हिंदी में अगर बात की जाए कितना होता है तो दो घंटा अंठावन मिनट की पूरी फिल्म देख सकते हो इतने के इतने लेंथ के साथ जहाँ पर हाँ थोड़ी बहुत तो आपको लेंथ कम भी मिलेगी जहाँ पर बारह तेरह मिनट का लेंथ फिल्म की थोड़ा से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कम हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली आप इसी लेंथ के साथ वॉच करना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनुरोध रविचंद्र का इस फिल्म में जैसे कि उनका ही म्यूज़िक साउंड ट्रैक एल्बम और वो सभी चीज़ के अलावा जैसे कि कंपोजिंग भी उनका ही रहा इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी जैसे कि बिलजीएम बजती है सभी की सभी चीज़ें उनका इस फिल्म में मेहनत देखने को मिलता है तो उन्होंने ही ऐसे भी चीज़ें जो कि करके दिए हुए साथ ही सॉन्ग में सुनने को मिलती भी है हम सभी अगर साथ ही दोस्तों सॉन्ग सुनना चाहते हैं जैसे कि म्यूजिक या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से क्या रखा गया है जैसे कि टाइटल लिरिक्स सिंगर लेंथ किस तरह से कितना है वो सभी आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अनगेवा तवसी जो तेलुगु प्रोजेक्ट की बात की आफ्टर 2018 में जो फिल्म आई थी उसके साथ जर्सी 2019 में एंड नानिस की गैंग लीडर 2019 में उनके साथ आफ्टर ये सभी मतलब मतलब सिंगर में जो कि अनुरोध रविचंद्र काम कर करते हुए नजर आए थे आप दोस्तों दी फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किया तो फेयर सॉन्ग वजह रिलीज की गई थी नाइनटीन के डेट पे जहाँ पर मे के मंथ में 2024 के साल पे उसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल रिलीज़ की गई थी जहाँ पर चुट्टम बल्ली सॉन्ग का टाइटल रखा गया था उसको रिलीज़ की गई थी पाँच अगस्त के मंथ पे जहाँ पर 2024 के साल पे इसी साल पे रिलीज़ की गई थी इसी के साथ थर्ड सिंगल टाइटल की बात किया तो जो कि दाबोडी जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी चार सेप्टेम्बर के महीने पे 2024 के साल के साथ इसी के साथ द फोर्थ सिंगल टाइटल आयुधा पूजा जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी 26 सितंबर 2024 के साल पे इसी के साथ अलोंग विथ द फोर साउंड ट्रैक एल्बम में रिलीज़ की गई थी अब दोस्तों फिल्म की सॉन्ग्स की बात की जाए जैसे कि पाँच डब्ड वर्जन में रिलीज़ की गई लाइक जैसे फिल्म तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके साथ ही जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी ये से भी जो मतलब वर्जन्स है कनाडा ये से भी वर्जन्स में आप अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी डेप्ट वर्जन में आप अपने हिसाब से जाके इन्जॉय कर सकते हो वैसे मुझे दो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आए जहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग मैं बार बार जो कि सुन चुका हूँ ऑडियंस भी पसंद कर रहे हैं जहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग्स अड्ड किए हुए जहाँ पर धीरे धीरे जो सॉन्ग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक म्यूज़िक है बीजीएम में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्रिएट करती है जो कि एक सॉन्ग सुनने का जो एक मज़ा है वो सॉन्ग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या होता है अदरवाइज दो एक सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग का बात करूँ तो जहाँ पर दाऊदी जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई अब इसी के साथ तीसरे सॉन्ग और भी सॉन्ग है जैसे कि पानी में जो लाल रंग ऐसा खून जो समुंदर वाला गा गाना है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सॉन्ग्स जाके एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस फिल्म को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो दोस्तों ये सुदा आर्ट्स एन टी आर आर्ट्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस फिल्म को बनाई गई थी अब दोस्तों इसी के साथ फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाया जैसे कि बता दें आपको धर्मा प्रोडक्शन के और से जो कि ए फिल्म्स के और से डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी उसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स के ओर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई है के प्रोडक्शन जहाँ पर आपको पता होगा तेलंगाना का उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई है नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई इसी के साथ लक्ष्मी मूवीज़ जहां पर आपको पता होगा केरला के उनके जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ओर से भी करवाई गई थी जो कि जहां पर वे फिल्म्स की ओर से तो इसी के तरह इसी साथ पूरी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई उनकी ओर से अब दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जैसे लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ जैसे कि किस नाम के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे वही आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों एन टी रामाव जे आर इन ड्यूल रोल एज ए देवारा का रोल फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जहाँ पर वर्धा वारा जो कि देवारा इसके सन का भी रोल निभाते हैं जैसे कि लाइक इसमें एन टी रामा राव जो कि जूनियर आपको इस फिल्म में नजर आएंगे जैसे कि दो रोल में नजर आएंगे एक बेटे का एक बाप का जैसे कि सन का जो रोल है वो देवारा मतलब रोल निभाएंगे और वारदा का जो रोल है वो वारा करके फिल्म में बुलाते जो इसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी सैफ अली खान एज भैरावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भैरा करके में बुलाते हैं जहाँ पर वॉइस डब्ड उनके ऊपर की गई थी जहाँ पर पी रवि शंकर का उनका ही वॉइस सुनने को मिलेगी आपको फिल्म में इसी के साथ जानवी कपूर एज ए तंगम का रोल फिल्म प्ले करते नजर आएँगे इसी साथ आपको फिल्में देखने को मिलती है उनके ऊपर वॉइस जो कि डब्ड किया गया था आर जे स्वेता का और उसमें जो कि वारास को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इस इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है एज ए देवरास वाइफ एंड वारास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इसी के साथ उनका माँ का रोल भी निभाते हुए फिल्म में देखने को मिलेगी और जरीना व देवरास मदर और की मदर एंड वारस की ग्रैंड मदर का रोल भी में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर उनका माँ और दादी का भी रोल निभाएंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आनेंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएगी तल्लूरी रामेश्वरी एस ए जोगुला का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे प्रकाश राज सिंगप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे श्रीकांत ऐस ए रायप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आते जहाँ पर तंगम्स के फादर रहते इस फिल्म में उनका पिता का रोल निभाए हैं साइन टोम चाको एज ए कोरा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे नारायण एज ए इरफान का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर का रोल निभाते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको नजर आएंगे काले एज ए कुंजारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर कोरा के ब्रदर रहते इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ए मोर्गा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियन सी एम स्मगलर रहते इसमें उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे अजय एज ए टास्क का फोर्स जो की चीफ शिवम का रोल फिल्म

आप, बता सकता है उनकी बीवी रहते उसी के साथ सानो सना के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करेंगे अभिमानी सिंह एज ए टी एस पी तुलसी का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे गेटअप सिरनो एज ए मेथावा सिरनो का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर वारास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उनका दोस्त रहते हैं उसी के साथ हरि तेजा एज ए तांगम्स का फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी हेमा एज ए वाली का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर तांगम्स के फ्रेंड एंड सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जहाँ पर तंगम्स के दोस्त रहते हैं और उनको जैसा यहाँ पर सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ देखने को मिलेगी रोहन कन्नुमा रेड्डी एज ए वायरस के फ्रेंड रहते हैं उसी के साथ देखने को मिलेगी निहाल कोट्टाडी एज ए वायरस के गैंग मेंबर रहते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सोनाक्षी वर्मा एज ए द आपको इसी के साथ आपको फिल्म में रोल नजर आएंगे और लता विश्वानाथ लता विश्वनाथ रेड्डी एस चंद्रकला का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर भारत के मिस्टर रहते इस फिल्म में इसी के साथ ओवरऑल हर एक कास्टिंग जिस तरह से मैंने बताई उसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आने वाले तो दोस्तों देवरा पार्ट वन अब फिल्म को रिलीज की मतलब रिलीजिंग की बात की जाए तो जहां पर देवरा पार्ट थेट्रिकली रिलीजिंग की गई थी ट्वेंटी सेवन सेक्टम्बर के महीने में चूंकि सत्ताईस तारीख को इसी तरह मतलब इसी महीने के 2024 को जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जिसकी डब वर्जन में रिलीज की गई थी हिंदी तमिल मलयालम कन्नाड़ा ऐसे भी लैंग्वेज में जो आप सभी फिल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसी के साथ दी आ, फिल्म की वाज ओरिजिनली अनाउंसमेंट की गई थी विथ य रिलीज डेट जहाँ पर पाँच अप्रैल दो हज़ार चौबीस के साल पर रखा जाएगी ऐसी कोडिंग विद दी वीकेंड पे बताई जा रही थी ऑफ गाडू उसके साथ वेर वाज की गई थी उसके चलते टेन अक्टूबर 2024 को अकॉर्डिंग विद द इवन ईवी ऑफ दुशेरा के मौके पर बताई जा रही थी और ऐसे कुछ ड्यू टू द एक्शन दिन सेव पोस्ट प्रोडक्शन एंड वी एफ एक्स वर्क के चलते काम कुछ अधूरा था इसी के चलते बिफोरिंग बिगिन प्री जो कि बिग इन टू टू इट इज करंट की गई थी डेट पर प्रीव्यू uh, जो कि प्रिव्य टू दी रिलीज डेट के चलते मेकर्स बता रहे थे जहाँ पर ट्रीम सेवन मिनट की फॉरम दी हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फीथिंग सेम ऑल्सो स्लो सीन्स की ऑफ तेलुगू एक्टर इन ऑर्डर टू जो कि कैरेक्टर टू जो ब्रोडर जो कि ब्रॉडर ऑडियंस के चलते बताई जा रही थी इसी के चलते हुआ था अब दी फिल्म की वाज रिलीजिंग के चलते जहाँ पर स्टैंडर्ड पे फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पर आई मैक्स उसी के साथ फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स इसी के साथ डी बॉक्स एम एक्स फोर डी एंड आई सी ई फॉर्मेट पर दी फिल्म की हार्ड एस टी से वर्ल्ड प्रीमियम तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी फिल्म को जो देख पा रहे थे तो जब देवरा पार्ट वन फिल्म को थ्रीटिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो मिक्स टू पॉजिटिव भी रिव्यूज मिल रहा था जी हाँ दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म चल रही थी तो दोस्तों फिल्म को आई पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली है जो कि समझ सकते हैं एक मीडियम एवरेज है और इसी के साथ रोटेन टोमोट की तरफ से थर्टी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया है और गूगल की तरफ से नाइन्टी इस फिल्म को लाइक्स मिली है जो कि समझ सकते हैं नाइन्टी परसेंट कितना हद तक होता है और इसी के हिसाब से मिला था साथ ही फिल्म की बजट की बात की जाए तो एक काफ़ी हाई बजट पर फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर तीन करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दें थ्री पर तो वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए जिस हिसाब से अभी चल रहे है जहाँ पर अभी हम समझ लीजिए फिल्म को रिलीज किए हुए छः दिन ही हो रहा है छः दिन का ही सिर्फ कलेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड फोर प्लस कलेक्शन हुआ है जहाँ पर तीन सौ चार प्लस कलेक्शन हुआ है जी हाँ दोस्तों तीन सौ से चार तीन सौ चार कलेक्शन से भी ज़्यादा हुआ है इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ, मतलब चल रही है अभी थेट्रिकली थिएट्रिकल पर जिस हिसाब से फिल्म चल रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ अब आगे देखते हैं फिल्म किस तरह से क्या करेगी क्या चलेगी वो आगे जाके आपको पता चलेगी अब आपको बता दे जिस हिसाब से फिल्म रन कर पा रही है तो दोस्तों अब फिल्म की अब मतलब चल रही है जिस हिसाब से मतलब रन कर पा रही है थिएट्रिकली पर जहाँ पर जूनियर जो कि जूनियर एन आर की फिल्म एक्टर की समझ सकते हैं देवरा पार्ट वन जिस सबसे चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हाइप करे क्रिएट करेगी जहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि फिल्म को लेकर तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट जो बना के रखे थे वो उसकी वजह से रखे हुए अब देखते फिल्म आगे जाके क्या हो पाती है मुझे तो लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर जरूर बनेगी अब देखते हैं ये निर्भर करता है एक्टर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर कई सारे और मेकर्स के ऊपर तो देखते हो आने वाले समय पर क्या हो पाता है बट इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रही है तो कहीं ना कहीं फिल्म रुकेगी नहीं चलेगी ज़्यादा अब देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें फिल्म के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊँ जैसे लाइक मतलब एक्ट्रेस और एंड एक्टर जैसे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या है तो दोस्तों इस फिल्म में जैसे कि आपको बता दें एन टी आर रामा जैसे कि जूनियर इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे दो रोल में ड्यूल रोल में एक पिता का भी रोल निभाते एक बेटे का भी रोल निभाते वो खुद रोल निभाएंगे अब नज़र आएंगे वही रोल में तो वारा का जो रोल निभाए काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा हाइप क्रिएट करते हैं उसके साथ ही देवरा का भी रोल तो देवरा इस फिल्म में किस तरह से इसमें जो उनका जो डायलॉग है जिस तरह से एक्शन सीन्स है एक्शन सूक्ल्स है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट मतलब क्रिएट करते हैं कई सारे फिल्म्स में आप साउथ इंडियन की फिल्म्स में तो आप देख चुके हो उनकी किस तरह से वो मतलब बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग और जो से जिस तरह से वो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उस भी फिल्म में किए हुए अब इस फिल्म में उनकी जो चलने का स्टाइल है जिस तरह से वो हाइप क्रिएट करते एक फिल्म में जिससे लगता है कि एक डर पैदा करता है किस तरह से वो पूरा अपने अंदाज में जो एक्टिंग की पूरी की पूरी इन्होंने न्यू मानो की जाल लगा दी फिल्म में तो पूरा एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएट की हाइप में तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद कर रहे इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उनके अलावा जैसे इस फिल्म में उनका बेटा का भी रोल निभा है तो वारा का उनका भी ठीक ठाक रोल है उसी के साथ स्मिलर थोड़े बहुत नज़र आएंगे आपको बाकी उनके अदर साइड मतलब बोल सकते उनको टक्कर देने में जैसे कि सैफ अली खान इसमें भैरावा का रोल निभाया तो भैरा करके बुलाते हैं तो भैरा इसमें किस तरह से रोल निभाए जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी सॉरी बॉलीवुड हम हिंदी जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं तो इस फिल्म में उनका जो एक नेगेटिव रोल रहा जिस तरह से वो विलेन का रोल रहा किस तरह से इसमें वो हमारे सामने पेश किया डायरेक्टर और किस तरह से वो उनके साथ बैठते हैं और ये किस तरह से इनका रोल रहा किस तरह से एक्टिंग करते हैं और किस तरह से वो जो इनका जो लुक है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी मतलब वो नेगेटिव रोल मतलब रोल में लुक में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र आए तो चीज़ें इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है देखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनकी काम काफ़ी ज़्यादा एक मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा इसमें जो एक्शन सिक्कस है कहीं ना कहीं आपको भरपूर इंगेजिंग करेगी आपको फिल्म की जो रन टाइम है कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से भी बांधे रखती है फर्स्ट आपने कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत आपको चीज़ें समझने में टाइम देनी पड़ेगी जब इंटरव्यूल के बाद इनकी जो जिस तरह से वो असली मुद्दा जिसे वो देवरा के साथ जो असली में जो फाइट करते हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक जो मज़ा है फिल्म की वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने पर पता चलेगी और इनके अलावा जैसे कि आपको एक्ट्रेस की बात की जाए तो जहाँ पर जानवी कपूर इसमें तंगम का रोल तो उनका रोल में कई सीन्स में आपको पसंद आएगी कई सीन्स में उतना कुछ खास नहीं कर पाया मतलब ठीक ठाक है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं बट सीन्स में उस तरह से लिया गया गाना में कहना कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अदरवाइज सीन्स में उतना कुछ खास है नहीं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ उतना कुछ इन्होंने एक्टिंग किए हुए नहीं ऐसा लगता है तो फिल्म में यूँ मानो कि ऐसे लिया गया था ऐसा कुछ लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे बता रहे हैं बट आने वाले देखते हैं इस तरह से फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगी तो उतना कुछ खास इनका रहा नहीं इनके अलावा जैसे कि सुरती मरते इसमें एक्टिंग जिस तरह से रहा उनका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्रिएट करती है अब ये सभी अलावा चीज़ें की जैसे भी तलवरी रामेश्वरी प्रकाश राज, श्रीकांत, साइन टैम, चाको ये सभी जो रोल आर्टिस्ट निभाए काफ़ी जहाँ हद तक ठीक था ये सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आप को फिल्म में कहीं ना कहीं आपको देखने में के लिए आपको थोड़े बहुत तो रोक सकती है अब ये सभी चीज़ आप देख सकते हो अदरवाइज फिल्म की थोड़े बहुत आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए थोड़े बहुत चीज़ें कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत निराश करेगी जैसे कि फिल्म की थोड़ी बहुत तो लेंथी लगेगी फिल्म के रन टाइम कम करना चाहिए था एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एक बिलियन था काफ़ी हाई था वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं पसंद आएगी एडिटिंग में जैसे कि फोटोग्राफी सीन्स लोकेशन जो समुंदर में लाल समुंदर हो जाता है वो सभी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी तो उसमें जो एनटीआर जैसे कि इसमें जूनियर एन टी एक जो जिस तरह से उनका जो ईगो और आंखों का जो अंदाज जो वो उनका जो एक्सप्रेशन है आंखों से जो डर पैदा करता है वो फिल्म में कहीं ना कहीं हाईएप क्रिएट करती है तो वो से भी चीज कहे ना कि इनकी पसंद आएगी समुंदर पूरा लाल हो जाता है जब फाइटिंग करते सीन्स में वो सीन्स कहीं ना कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी ये से भी चीज़ में ठीक था अदरवाइज कई सीन्स थोड़े बहुत आपको निराश करेगी वो से भी माइनस की मतलब बात की जाए तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी यूनिक था थोड़े बहुत यूनिक लगता है स्क्रीन मतलब उतना कुछ खास नहीं है कमजोरी में नजर आती है फिल्म की फर्स्ट हाफ़ ठीक था सेकेंड हाफ़ जिस तरह से वो मतलब देवरा का कहानी कॉन्सेप्ट असली में पता चलता है कहीं मतलब एक समुंदर में जिस तरह से कहानी लिया गया है जहाँ पर आपको बता दें कि मतलब वो इलीगल स्मगलर की तरह से किस तरह से वो काम करते हैं तो वो जाके देवरा पता चलता है देवरा को तो उसके बाद वो अपना असली जो आ, मतलब बोल सकते असली उनका जो मतलब वो वहाँ पर गुस्सा निकालता है उसके बाद उनको बताता है कि ऐसे भी चीज़ छोड़ दो मतलब गलत है वो उसके बाद वो मानते नहीं बट उसके बाद असली चेहरा देवरा का रोल नज़र आता है उसके बाद फिल्म पूरी तरह से ठीक था वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कुछ क्रिएट करने वाले बट इंटरव्यू के बाद फिल्म उसी तरह से पूरा नीचे चली गई जहाँ पर एंडिंग तक पूरा फिल्म एकदम ढीले हो गई वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको मतलब यूँ लगेगा फिल्म को थोड़े बहुत और कुछ अच्छी करनी चाहिए था प्लॉट तो सही था कई चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है जैसे कि फिल्म की गाना तो सही है उतन, मतलब दो गाना सही है अदरवाइज गाना उतना कुछ खास नहीं है फिल्म के लिए एक्शन स्वीकस्त काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मजबूती देख देखने को मिलेगी जहाँ पर जूनियर एन टी आर का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक स्टाइल स्टाइल से वो मारते हैं उनका जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग स्क्रीन्स जो भी प्रजेंट करते हैं सामने हमारे एक हाई एप्ट क्रिएट करते एक लेयर अगर उनकी थोड़े बहुत हटा लो तो फिल्म में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत आ, उनका जो कॉमेडी है थोड़े बहुत हंसाती भी है इसमें उस तरह नहीं है आपको कई सारे फिल्म्स में देखने को मिलता है लेकिन इसमें उस तरह से नहीं है पूरा फिल्म में उनका एक जो आ, मतलब बोल सकते हो पॉजिटिवली जो आ, मतलब सीरियसली इंसान किस तरह से होता है पूरा फिल्म में वो बताते हैं कहीं ना है कि आपको एक फैमिली के साथ अगर एक मास ऑडियंस हो मतलब थोड़े बहुत वन टाइम मतलब फिल्म देखना चाहते हो वन टाइम आ, मतलब टाइम पास के लिए मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के साथ तो देवरा का ये फिल्म देवरा पार्ट वन आप अपने हिसाब से इन्जॉय कर सकते हो अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्शनल की बात की जाए तो और डायरेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है आपको पता होगा आप काफ़ी बड़े बड़े फिल्म्स को इन्होंने हिट करने में कामयाब रहे जैसे कि आपको बता दें कोरटला शिवा सर की जो कि भारत इन नाम 2018 में जो फिल्म आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही उसके बाद मिर्ची 2023 में और प्रभास की जो फिल्म थी वो भी और हाल ही में जो आचार्य 2022 में फिल्म बनाई थी उसमें उतना कुछ खास नहीं था तो इस उससे कई गुना ज़्यादा एक कदम आगे है ये फिल्म तो आप उसी हिसाब से देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों फ़िलहाल आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर फिल्म को रिलीज़ कर दी गई है देवरा पार्ट वन की बात कर करूँ जहाँ दोस्तों इसी के साथ आप फिल्म को एंजॉय कीजिए जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा हिंदी वर्जन कन्नडा वर्जन तमिल वर्जन मलयालम वर्ज़न ये सभी वर्जन भी में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस तरह से आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर इन्जॉय कीजिए बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर मजा देगी फिल्म देखने पर आप इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा आप दोस्तों थिएटरिकली रिलीज़ के बाद जैसे कि आठ वीक के बाद जैसे कि आठ हफ्ते के बाद इस फिल्म को जहां पर आपको बता दें कि लगभग दो महीने के बाद इस फिल्म को दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के नेटफ्लिक्स पर विथ इंग्लिश सेपरेटल विद सब के साथ तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्जन कनाडा वर्ज़न मलयालम वर्जन तमिल वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ पर विद सब्सक्रिप्शन जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी फिल्म को जाके देख पाओगे अदरवाइज आप फ्री में फिल्म को देख नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों अब आने वाले समय पर इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा अब दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब साथ ही सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी किस तरह से क्या किया गया था किस तरह से क्या की गई है मतलब जो भी जानकारी है फिल्म की डेवलपमेंट की वो आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों इन फरवरी के मंथ में 2020 के साल पे जहाँ पर एन टी आर रामा राव जी मतलब आर मतलब जूनियर एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास वियर रिपोर्टली बताया बताई जा रही थी कि टू बी कोलैबोरेटिंग की गई थी जहाँ पर ऑन द सेकेंड फिल्म फॉलोइंग की गई थी जहाँ पर आरुविदा समिता जो वीरा रंगावा 2018 पे आई थी उसके बाद एन टी टाइटल एन टी आर थर्टीन फिल्म बनेगी ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी दिल्म फिल्म वाज टू बी प्रोड्यूसर बाय एस राधा कृष्णा एंड मुरली कल्याण राम अंडर बैनर पे हरिका हसन क्रिएशन के अंडर एन टी आर आर्ट्स की लेटर वर्ड ये भी चीजें बताई जा रही थी जुलाई के मंथ में को, जो कि कोरटला सिवा अनाउंसमेंट किए थे अन्ना प्रोजेक्ट पर बनाई जहां पर ये ए ट्वेंटी वन विध अर्जुन की इन दीड टू बी प्रोड्यूसर बाय फॉरम डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर जो कि मिकी ने नेरली लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन स्टूडियो यहाँ पर स्टूडियो प्रोजेक्ट आर्टेर लीजेंट जो कि जहाँ पर इन अप्रैल के मंथ में 2021 में आ, साल पे जहाँ पर इट इज इट रिपोर्टली बताई जा रही थी कि दैट रामा राव एंड शिवा वेटे किए थे ऑन एन टी आर थर्टीन मार्किंग देर सेकेंड कोलोबरेशन आफ्टर जो कि जनता जो कि गराज जनता गराज 2016 में जो आई थी दे फिल्म की वाजह ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ऑन उगाडो तेरह पे अप्रैल के महीने पे 2021 में विथ युवा सुधा आर्ट के अंदर प्रोड्यूसिंग द फिल्म इन कोलाबरेशन विथ एंटी आ, आर आर्ट्स की चलते जहां पर वेयर प्रोडक्शन वाज डीले के चलते ड्यू टू सुबास की कमेंटेंट्स की गई थी टू आचार्य एंड राम राव टू ट्रिपल आर के चलते जो कि इट एज ए लार्ज सिकल प्रोजेक्ट है इसी के चलते दैट हैज मोर कमर्शली अपील इन जो कि जो कि कंप्रेशन टू uh, तो हिस डेबिट फिल्म थी मिर्ची दो हजार तेरह पे जो आई थी फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हुई थी इसी के साथ ऑफ आचार्य शिवा वांट टू फाइनल ट्यून द स्क्रिप्टिंग मेकिंग जो कि निकरसेसरी नेसेसरी चेंज बिफोर फिनल एटी सी एम ड्रॉप विच मेन्ट दैट दी कम्युनिटेट ऑफ द फिल्म की वॉजअप बिन डिले थ्रू जो कि लेटर वन बताई जा रही थी दो हजार बाईस के साल पर बाई नवम्बर शिवा एस्टेट की थी द प्रोडक्श प्री प्रोडक्शन वर्क के चलते ऑफ द फिल्म की विथ प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन अर्ली दो हजार तेईस के साल पर बताई जा रही थी इनिशियली शेड टू बिगिन प्रोडक्शन ऑन चौबीस तारीख फरवरी के मंथ में दी कमेंटेट की गई थी वाजे डीले के चलते ड्यू टू दफ़ तरक रजे विल भी रामाउस की पार्टी पोशन इन दी अवार्ड कैंपेंस के चलते जहाँ पर की चलते दी फिल्म की वाजह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन ट्वेंटी थ्री मार्च के मंथ में वित्तीय पूजा के रखा गया था फिल्म के लिए वेल इन हैदराबाद पे दी प्रेजेंस ऑफ़ का दी कास्ट एंड क्रियो एंड एस एस राजा मौरली जो कि प्रेसिडिंग वित्तीयोतम असॉर्ट की गई थी दी फिल्म की टाइटल देवरा वाज ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन नाइनटीन के जहां पर डेट पे मे के मंथ में 2023 पे दे पे देवी ऑफ रामा रावस के बर्थडे पर ऑन फोर अक्टूबर सिवा के चलते बताए जा रहे थे अनाउंसमेंट की गई थी दी फिल्म की विल बी स्क्रिप्ट इन जो कि पार्ट्स ये सभी चीज़ें जो फिल्म की डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं इसी तरह रखा गया था जो इस तरह से मैंने आपको बताई है तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया था किस तरह से क्या की है जो भी है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंट्स एक तारीख जहाँ पर अप्रैल के महीने पे 2023 के साल पे हैदराबाद में रखा गया था विथ रामा राव इन अटेंशन की गए थे विथ जानकी की अंड खान ज्वाइन हुए थे दिस सेट इन मिड अप्रैल के महीने पे बताई जा रही है इन मेड में के यहाँ पर दी टीम लुक टू वीक पे ब्रेक की गई थी फॉलोइंग रामा राव के डिपेचर के चलते फॉर द फैमिली वाक्सन के चलते फिल्मिंग रेसिंग करके जहाँ पर सात तारीख जून के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल विद विदी क्रोसिकल सिकल्स बिटवीन रामा राव खान एंड अदर कास्ट मेंबर बिगिन शूट देयर एंड वाज कंप्लीट की गई थी फोर्टीन डेज के चलते जहाँ पर सेवरलर एक्शन शिकल्स के चलते एंड बिगन शूट इन शेड्यूल इंक्लूडिंग विच ऐसे बिगन जो कि फिल्मिंग की थी इन द एक्सट्रीम लो लाइट के चलते जहाँ लुक या जो कि ब्रेक मंथ पे लॉन्ग ब्रेक की गई थी ब्रेक जो कि बिफोर रेसिविंग करके ऑन थर्टी वन डेट जुलाई के मंथ में दो हजार तेईस के साल पे टू शूट की गई थी एंड अंडर वाटर एक्शन पे शिकल्स पे जहाँ पर अमर राव जहाँ पर नेट किए गए थे विद एक्सपर्ट जो कि सिमर के चलते फ्रॉम मुंबई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वल्स इन सेप्टेम्बर के मंथ में जहाँ पर सेम ऑफ दी सीक्वल्स के चलते हैव विन शूट एट ए स्पेशली कॉन्सट्रेट किए गए थे बीच सेट इन जो कि शमशाद पर जहाँ पर वन फोर तारीख अक्टूबर के महीने पे जहाँ पर दो हजार तेईस के साल पे दी मेकर्स फाइनल फिल्म, की फिल्मिंग की गई थी दी अंडर वाटर एक्शन एंड हैदराबाद पे विच वील्ड कॉल दी शेड्यूल के चलते पोस्ट जहां पर पोस्ट कंप्लीट की गई थी जानवी कम्प्लीट की थे फिल्मिंग फॉर प्रोडक्शन और एक तारीख को नवंबर के मंथ पे जहां पर बताई जा रही थी कि दी टीम देन टूक जो ब्रेक जो जहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी दिवाली के मौके पर जहाँ पर आपको पता होगा फेस्टिवल पर बारह तारीख नवंबर के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे एंड रिज्यूम करके फिल्मिंग की टू डेज पे लेटर ऑन अनदर ब्रेविंग शेड्यूल की बातचीत चल रही थी द गोवा शेड्यूल वाजे कम्प्लीट की गई थी विथिंग ट्वेंटी नवम्बर के महीने पे जहाँ पर एंड द टीम रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम अनदर बिगिन शेड्यूल विच वाज फिल्म मेड की गई थी डूरिंग मेड डिसम्बर के मंथ में कल्याण रामा रिजिम थर्ड दट जहाँ पर एटी परसेंट ऑफ दी फिल्म की शूटिंग जहाँ पर हुई थी जहाँ पर एंड बिन कम्पलीटेड की गई थी बाई लेटर ऑन डिसम्बर के मंथ में 2023 के साल पर बताई जा रही थी ये सभी चीज़ें एंड दी फिल्मिंग की वेट भी रैपअप करके जनवरी के महीने पर दो हज़ार चौबीस के साल पर एंड ऑफ दी मंथ पे द प्रोडक्शन टीम रिवल की गई थी दैट थर्टीन प्रोजेक्ट या प्रसेंट ऑफ द फिल्म्स की शूट इन टू तो बी जो कि कंप्लीट की गई थी इसी के चलते इन मेड मार्च के मंथ पे जहां पर बताया जा रहा है दो हजार चौबीस के साल पे दी टीम मूवी टू गोवा फॉर फिल्मिंग की या सॉन्ग के लिए स्वीकेंस लिया गया था विद राम राव एंड जाह्नवी के लिए उनको लिया गया था फॉलोइंग ब्रीफ ब्रेक दी टीम फिल्मेंट की गई थी यह जो कि कॉन्ट्रेंट शेड्यूल इन मई के मंथ में 2024 के साल पे एट जहाँ पर का पटनम दियर खांस की वहां पर किया गया था प्रोडक्शन वेयर फाइनल वे फिल्म रामराव वॉज नॉट प्रेजेंट की गई थी इन द ही वाज़ फिल्मिंग फॉर वार टू 2025 में इन मुंबई में जो इन मेड जून के मंथ में, में दियर टीम के शूट के चलते एक्शन शूक सेट एटीएफ जो कि फॉरेस्ट पे इन गोवा फीतिंग रामा राव एंड खान के चलते एट दिस सेम मंथ पे किया गया था देव टीम में मूवी टू करबी थाईलैंड फ्रॉम फिल्मिंग की ऐसे भी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फीतिंग की गई थी रामाव एंड जाह्नवी को जहाँ पर चुट्टे मिले बीच वाजह केने वर्निंग की गई थी बाई बोस को मार्टिस के चलते इन जुलाई के महीने पे 2024 के साल पे दी टीम फिल्म की गई थी आनादर शेड्यूल एट ए सम में भी किया गया था डू मल्टीपल लिग के चलते थ्रू यहाँ पर दि की गई थी वेयर फिल्मिंग इन साइड क्लोज की सेट विथ दी क्रो मेम्बर जस्टिकेटेड नॉट टू तो यूज फोन्स के चलते थ्रू जहाँ पर दी शेड्यूल इन मेड इन अगस्त के महीने पे 2024 के साल पे सॉन्ग टाइटल अयोध्या पूजा वाज फिल्मिंग की गई थी इन सेट के चलते जहाँ पर चौदह अगस्त के दो हजार चौबीस के साल पर रामा राव अनाउंसमेंट की गई थी दैट दी हार्ड कंप्लीट फिल्मिंग इज प्र, के जो कि प्रोडक्शन फॉर दी फिल्म की इन इंटरटेशन विथ संदीप रेड्डी वांगा रामा राव एड दैट इन, इन इनिशियली प्लान कर रहे थे जहाँ पर टू शूट के लिए दियर अंडर वाटर के चलते श्यूक्स में एट ऑन ऑफ दी बिगेस्ट पुल पे जहाँ पर इन द कापोली बट फॉर जो पर रहा जहाँ पर री अनोन जो पर पर जहाँ डेसिकेटेड टू सेट ऑफ पुल इन द दूडियो वेयर विल्ड मूवमेंटली शूट द एक्शन शिकल्स द टीम के चलते कॉन्सेंट्रेट की गई थी यह ट्वेंटी फीट वाटर टैंक टैंक डूग फाइव जो पर कॉन्सेंट्रेट ट्वेंटी फीट वाटर टैंक जहाँ पर डूब फाइव फीट विथ टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड से लेकर जहाँ पर एक सौ पचास फीट जहाँ पर विथ इन इन जहाँ पर डिमेंशंस विच दी शूट मोस्ट ऑफ द एक्शन शुकर्स के चलते फॉर तीन सौ सॉरी थर्टी से लेकर थर्टी माइनस थर्टी फाइव डेज के चलते एडिट गई थी जहाँ पर एडिट की गई थी वी हार्ड दियर बिग जो पर डिग्रेस विच केम इन एंड क्रिएटेड आर्टिक आर्टिकल वियर हार्ड वी मशीन्स के चलते वियर हैव जो कि मोटर बोट्स की मोटर्स पे फिक्स की गई थी इन टू दाटर डू गिव स्मॉल जो कि रिपल्स इन दी पुल देअर वाजिया पुल एंड देयर वाजिया वाटर टैंक वाज एज ए विल सो इट वाज वेरी हाई ऑन एक्शन की फिल्म Film की फिल्मिंग की जो भी चीज़ें इसी तरह मतलब बताई जा रही है इसी तरह रखा गया था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब दोस्तों आखिर में फिल्म की कहानी कह लो स्टोरी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगा किस तरह से क्या रखा गया है वो आपको बताऊँगा दोस्तों फिल्म की कहानी जहाँ पर बताई गई फिल्म में एक निर्धार आदमी को पता चलता है कि उसका भाई दुश्मन बनकर घातक जो कि हथियारों के तस्कारी कर रहा है तो दोस्तों आगे वही मतलब बताई गए फिल्म कहानी में जैसे कि लाइक जूनियर एनटीआर इस फिल्म में ड्यूल रोल में नजर आए तो दो रोल में एक देवरा का रोल निभाते हैं एक वारा का भी रोल निभाते हैं जहाँ पर देवरा का सन रहते हैं मतलब बाप और बेटे का तो इसमें फिल्म में दिखाया गया कहानी जहाँ पर देवरा एक मतलब एक समुंदर में जीवन खुशहाल ज़िंदगी जीता है बट कुछ जैसे कि बताया जा रहा है कि उन समुंदर में कुछ गलत चीज़ें हो रहे हैं जैसे कि इलीगल स्मगलर के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब इस मतलब इस शहर से उस शहर में लिया जा रहा है जहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें वो सभी चीज़ें किस तरह से क्या वो चीज़ें में मतलब काम करता है जहाँ पर भैरवा भैरवा सैफ अली का खान मतलब सैफ अली खान इसमें रोल निभाए हैं मतलब सैफ अली खान भैरवा का रोल निभाए हैं तो भैरवा इसमें वो मेन गुंडा रहता है तो वही स्मगलर का काम करता है इसमें जो नदी के द्वारा जैसे कि बोट के द्वारा जैसे कि बहुत, बहुत सारे बहुत सारे शिप में शिफ्ट करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक तो किस तरह से वो सभी वो सभी चीज़ें इसमें फिल्में मतलब इस ट्रांसपोर्ट का काम करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक गलत चीज़ें लेके जाता है तो वो सभी चीज़ें आगे जाके किस तरह से देवरा को पता चलता है और देवरा उसको जाके समझाता है कि ये सभी चीज़ें मत करो मतलब गलत है वो मानता नहीं उसके बाद फिर आगे जाके उसके साथ किस तरह से वो लड़ता है फिर वो आगे मतलब उसके बाद वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है आगे जाके फिर किस तरह से दोनों फिर मतलब कौन ज्यादा इसमें मार खाता है जैसे कि लाइक देवरा इसमें जो मतलब उसको मार के आगे जाके कुछ कर पाता है कि नहीं जैसे लाइक पूरा समुंदर में जहाँ पर इलीगल स्मगलर का जो भी चीजें जैसे कि लाइक इलीगल जो भी चीजें काम हैं वो सभी स्मगलर का काम करते हैं तो उसको सुधार पाता है कि नहीं देवरा वही आपको जाके आगे पता चलने मतलब चलेगी और जानवी भी उसके बाद उनके साथ जो लव इंटरेस्ट दिखाया वो उसके बाद उनके साथ थोड़े बहुत गाने में नजर आते हैं मतलब कहानी में वही दिखाते हैं मतलब उसके बाद देवरा का जो माह है उसके बाद उनको भी पता चलता है किस हद तक ये जाके आगे जाके सुधारता है कि नहीं गाँव पूरा वहाँ पर एक छोटे से गांव में नदी किनारे बसते हैं तो उसको जाके किस तरह से सुधारती है चीज़ें कुछ चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने में अच्छी भी लगी कुछ चीज़ें आपको थोड़े बहुत निराश भी करेगी तो आप अपने से सबसे जहाँ पर जूनियर एन के आप डाइड फैन हो उनकी फिल्म देखते हो तो ये फिल्म उस हिसाब से एक बार वन टैब वन टैब जहाँ पर वन टाइम वॉचेबल मूवी है तो उसी हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों इस सब फिल्म को डायरेक्ट किए हुए कोरटला सिवा सर ने कोरोटेला सिवा सर के सर सर के डायरेक्शन के अलावा जैसे कि इस फिल्म में उनकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में ओवरऑल उनकी देखने को मिलती है फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए लाइक जैसे इस फिल्म को कौन से प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए तो सुधाकर मिक्की क्लैनी उनके अलावा जैसे कि कोसा राजू कृष्णा उनके अलावा नंद मुरली कल्याण उसके साथ ही राम आपको इस फिल्म में जो कि प्रोड्यूस करते हुए नजर आई जो कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए आप दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एन टी राव जे आर जहाँ पर सैफ अली खान जाह्नवी कपूर प्रकाश राज श्रीकांत सायन टोम चाको आपको इस फिल्म में देखने को मिलते स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात कर रहा हूँ वहीं पर तो दोस्तों इस फिल्म को टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फिल्म को आर जो कि रत्ना वेलू का इस फिल्म में जैसे कि सिनेमाटोग्राफिक उन्होंने करके दिए हुए फिल्म में पूरा उनका इरा सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलता है वहीं पर यह श्री कार प्रसाद का इस फिल्म में जो कि एडिटिंग देखने को मिलता है उन्होंने इस फिल्म को जैसे कि पूरा फिल्म को उन्होंने एडिट किए हुए तो लाइक जिस फिल्म में बोल सकते कौन सा आर्टिस्ट के ऊपर किस तरह से मतलब कौन सा डायलॉग कहाँ पर रखना चाहिए कौन सी टाइमिंग पूरा का पूरा इन्होंने एडिट करके दिए हुए सभी के सभी अच्छे के साथ जहाँ पर उन्होंने वन हंड्रेड सेवेंटी एट मिनट का रन टाइम दिए हुए थे इस फिल्म में जहाँ पर अगर इसको हिंदी में अगर बात की जाए कितना होता है तो दो घंटा अंठावन मिनट की पूरी फिल्म देख सकते हो इतने रन के इतने लेंथ के साथ जहाँ पर हाँ थोड़े बहुत तो आपको लेंथ कम भी मिलेगी जहाँ पर बारह तेरह मिनट का लेंथ फिल्म की थोड़ा से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कम हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली आप इसी लेंथ के साथ वॉच करना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनुरोध रविचंद्र का इस फिल्म में जैसे कि उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक एल्बम और वो सभी चीज़ के अलावा जैसे कि कंपोजिंग भी उनका ही रहा इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी जैसे कि बीजीएम बजती है सभी के सभी चीज़ें उनका इस फिल्म में मेहनत देखने को मिलता है तो उन्होंने ऐसे भी चीज़ें जो कि करके दिए हुए साथ ही सॉन्ग में सुनने को मिलती भी है हम सभी अगर साथी दोस्तों सॉन्ग सुनना चाहते हैं जैसे कि म्यूजिक या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से क्या रखा गया है जैसे कि टाइटल लिरिक्स सिंगर लेंथ किस तरह से कितना है वो सभी आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अनगेवा तवसी जो तेलुगु प्रोजेक्ट की बात की आफ्टर 2018 में जो फिल्म आई थी उसके साथ जर्सी 2019 में एंड नानिस की गैंग लीडर 2019 में उनके साथ आफ्टर ये सभी मतलब मतलब सिंगर में जो कि अनुरिरुद्ध रविचंदर काम करते हुए नज़र आए थे आप दोस्तों दी फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किया तो फेयर सॉन्ग वाज़ रिलीज की गई थी नाइनटीन के डेट पे जहाँ पर मे के मंथ में 2024 के साल पे उसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल रिलीज़ की गई थी जहाँ पर चुट्टम बल्ली सॉन्ग का टाइटल रखा गया था उसको रिलीज़ की गई थी पाँच अगस्त के मंथ पे जहाँ पर 2024 के साल पे इसी साल पे रिलीज़ की गई थी इसी के साथ थर्ड सिंगल टाइटल की बात की तो जो कि दाबोडी जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी चार सितंबर के महीने पे 2024 के साल के साथ इसी के साथ द फोर्थ सिंगल टाइटल आयुधा पूजा जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज की गई थी 26 सितंबर 2024 के साल पे इसी के साथ अलॉन्ग विथ दाउंड ट्रैक एल्बम में रिलीज़ की गई थी अब दोस्तों फिल्म की सॉन्ग्स की बात की जाए जैसे कि पाँच डब डॉर्जन में रिलीज की गई लाइक जैसे फिल्म तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके साथ ही जैसे कि तेलुगु मलयालम कनाडा हिंदी ये से भी जो मतलब वर्जन्स है कनाडा ये से भी वर्जन्स में आप अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी डब वर्जन में आप अपने हिसाब से जाके एंजॉय कर सकते हो वैसे मुझे दो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आए जहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग मैं बार बार जो कि सुन चुका हूँ ऑडियंस भी पसंद कर रहे जहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग्स किए हुए जहाँ पर धीरे धीरे जो सॉन्ग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक म्यूज़िक है बिजी में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्रिएट करती है जो कि एक सॉन्ग सुनने का जो एक मज़ा है वो सॉन्ग सुनने के बाद आपको पता चलेगी किस तरह से क्या होता है अदरवाइज दो एक सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग का बात करूँ तो जहाँ पर दाऊदी जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई अब इसी के साथ तीसरे सॉन्ग और भी सॉन्ग है जैसे कि पानी में जो लाल रंग ऐसा खून जो समुंदर वाला गाना है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सॉन्ग्स जाके एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस फिल्म को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो दोस्तों ये वुदा आर्ट्स एन टी आर आर्ट्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस फिल्म को बनाई गई थी अब दोस्तों इसी के साथ फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाया जैसे कि बता दें आपको धर्मा प्रोडक्शन के और से जो कि ए ए फिल्म की और से डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी उसी के साथ सितारा एंटरटेनमेंट्स की ओर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई है के प्रोडक्शन जहाँ पर आपको पता होगा तेलंगाना का उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई है नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई इसी के साथ लक्ष्मी मूवीज़ जहां पर आपको पता होगा केरला के उनके जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ओर से भी करवाई गई थी जो कि जहां पर वे फिल्म्स की ओर से तो इसी के तरह इसी साथ पूरी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई उनके ओर से अब दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जैसे लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ जैसे कि किस नाम के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे वही आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों एन टी रामा राव जे आर इन ड्यूल रोल एज ए देवारा का रोल फिल्म में प्ले करते तो नजर आएंगे जहाँ पर वर्दा वारा जो कि देवारा इसके सन का भी रोल निभाते हैं जैसे कि लाइक इसमें एन टी रामा राव जो कि जूनियर आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे जैसे कि दो रोल में नजर आएंगे एक बेटे का एक बाप का जैसे कि सन का जो रोल है वो देवारा मतलब रोल निभाएंगे और वारदा का जो रोल है वो वारा करके फिल्म में बुलाते जो इसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी सैफ अली खान एज भैरावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भैरा करके में बुलाते हैं जहाँ पर वॉइस डब्ड उनके ऊपर की गई थी जहाँ पर पी रवि शंकर का उनका ही वॉइस सुनने को मिलेगी आपको फिल्म में इसी के साथ जानवी कपूर एज ए तंगम का रोल फिल्म प्ले करते नजर आएंगे इसी साथ आपको फिल्में देखने को मिलती है उनके ऊपर वॉइस जो कि डब्ड किया गया था आर जे स्वेता का और उसमें जो कि वारास को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इस इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है सूरती माराते एज ए देवरास वाइफ एंड वारास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इसी के साथ उनका माँ का रोल भी निभाते हुए फिल्म में देखने को मिलेगी और जरीना वब एज ए देवराज मदर एंड वारस की ग्रैंड मदर का रोल भी फिल्म प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर उनका माँ और दादी का भी रोल निभाएंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आनेंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएगी तल्लूरी रामेश्वरी एस ए जोगुला का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे प्रकाश राज सिंगप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे श्रीकांत एस ए रायप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आते जहाँ पर तंगम्स के फादर रहते इस फिल्म में उनका पिता का रोल निभाए हैं साइन टोम चाको एज ए कोरा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे नारायण एज ए इरफान का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर का रोल निभाते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको नजर आएंगे कालेसन एज ए कुंजारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर कोरास के ब्रदर रहते इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ए मोर्गा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियन सी एम स्मगलर रहते इसमें उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे अजय एज ए टास्क का फोर्स जो की चीफ शिवम का रोल फिल्म

बता सकता है उनकी बीवी रहते उसी के साथ शहानु सना के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करेंगे कुंजारासिमानी सिंह टी एस पी तुलसी का रोल फिल्म करते नजर आएंगे गेटअप सिरनो एज <-SLe> ए मेथावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर वारास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उनका दोस्त रहते हैं उसी के साथ हरि तेजा एज ए तंगम्स का फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी हेमा एज ए वाली का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर तांगम्स के फ्रेंड एंड सीन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जहाँ पर तंगम्स के दोस्त रहते हैं और उनको जैसा यहाँ पर सिन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ देखने को मिलेगी रोहन कन्नुमा रेड्डी एज ए वायरस के फ्रेंड रहते हैं उसी के साथ देखने को मिलेगी निहाल कोटाडी एज ए वायरस के गैंग मेंबर रहते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सोनाक्षी वर्मा एज ए प्रोटीट आप आपको इसी के साथ आपको फिल्म में रोल नज़र आएंगे और लता विश्वामनाथ लता विश्वनाथ रेड्डी एस चंद्रकला का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भारत के मिस्ट्रेट रहते इस फिल्म में इसी के साथ ओवरऑल हरे कास्टिंग जिस तरह से मैंने बताई उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आने वाले तो दोस्तों देवरा पार्ट वन अब फिल्म को रिलीज़ की मतलब रिलीजिंग की बात की जाए तो जहाँ पर देवरा पार्ट थेट्रिकली रिलीजिंग की गई थी ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर के महीने में चूंकि सत्ताईस तारीख को इसी तरह मतलब इसी महीने के 2024 को जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जिसकी डब वर्जन में रिलीज़ की गई थी हिंदी तमिल मलयालम कन्नड़ा ये सभी लैंग्वेज में जो आप सभी फ़िल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसी के साथ दी आ, फिल्म की वाजह ओरिजिनली अनाउंसमेंट की गई थी विथ य रिलीज डेट जहाँ पर पाँच अप्रैल 2024 के साल पर रखा जाएगी ऐसी कोडिंग विद द वीकेंड पे बताई जा रही थी ऑफ उ गाडू उसके साथ ही वेयर इट वाज वोशिश की गई थी उसके चलते 10 अक्टूबर 2024 को कोडिंग विद द इवेंट ईवी ऑफ दुशहरा के मौके पर बताई जा रही थी और ऐसे कुछ ड्यू टू दी एक्शन टेन सिव पोस्ट प्रोडक्शन एंड वी एफ एक्स वर्कस के चलते काम कुछ अधूरा था इसी के चलते बिफोरिंग uh, uh, बिग इन uh, प्री प्रो uh, जो इज करंट की गई थी डेट पर प्रीव्यू जो कि प्रीवर टू द रिलीज डेट के चलते मेकर्स बता रहे थे जहाँ पर ट्रिम सेवन मिनट की फॉरम हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फी थिंग सेम ऑल्सो सोलो सीन्स की ऑफ तेलुगू एक्टर इन ऑर्डर टू जो कि कैरेक्टर टू जो ब्रोडर जो कि ब्रोडर ऑडियंस के चलते बताई जा रही थी इसी के चलते हुआ था अब दी फिल्म की वाजह रिलीजिंग के चलते जहां पर स्टैंडर्ड पर फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पर आई मैक्स उसी के साथ फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स इसी के साथ डी बॉक्स एम एक्स फोर डी एंड आई सी ई फॉर्मेट पर दी फिल्म की हार्ड एस टी से वर्ल्ड प्रीमियम तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी फिल्म को जो देख पा रहे थे तो जब देवरा पार्ट वन फिल्म को थेटिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहा था जी हाँ दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म चल रही थी तो दोस्तों फिल्म को आई पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली है जो कि समझ सकते हैं एक मीडियम एवरेज है और इसी के साथ रोटेन रोटी की तरफ से परसेंट इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया है और गूगल इस की तरफ से नाइन्टी परसेंट इस फिल्म को लाइक्स मिली है जो कि समझ सकते हैं नाइन्टी परसेंट कितना हद तक होता है और इसी के हिसाब से मिला था साथ ही फिल्म की बजट की बात की जाए तो एक काफ़ी हाई बजट पर फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर तीन सौ करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दें थ्री हंड्रेड पर तो वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए जिस हिसाब से अभी चल रहे है जहाँ पर अभी हम समझ लीजिए फिल्म को रिलीज़ किए हुए छः दिन ही हो रहा है छः दिन का ही सिर्फ कलेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड फोर प्लस कलेक्शन हुआ है जहाँ पर तीन सौ चार प्लस कलेक्शन हुआ है जी हाँ दोस्तों तीन सौ से चार तीन सौ चार कलेक्शन से भी ज़्यादा हुआ है इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मतलब चल रही है अभी थिएट्रिकल थिएट्रिकल पर जिस हिसाब से फिल्म चल रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ अब आगे देखते हैं फिल्म किस तरह से क्या करेगी क्या चलेगी वो आगे जाके आपको पता चलेगी अब आपको बता दे जिस हिसाब से फिल्म रन कर पा रही है तो दोस्तों अब फिल्म की अब मतलब चल रही है जिस हिसाब से मतलब रन कर पा रही है थेटिकली पर जहाँ पर जूनियर जो कि जूनियर एन की फिल्म एक्टर की समझ सकते हैं देवरा पार्ट वन जिस हिसाब से चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हाइप करे, क्रिएट करेगी जहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि फिल्म को लेकर तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट जो बना के रखे थे वो उसकी वजह से रखे हुए अब देखते फिल्म आगे जाके क्या हो पाती है मुझे तो लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर जरूर बनेगी अब देखते हैं ये निर्भर करता है एक्टर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर कई सारे और मेकर्स के ऊपर तो देखते हो आने वाले समय पर क्या हो पाता है बट इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रही है तो कहीं ना कहीं फिल्म रुकेगी नहीं चलेगी ज़्यादा अब देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें फिल्म के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊँ जैसे लाइक मतलब एक्ट्रेस और एंड एक्टर जैसे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या है तो दोस्तों इस फिल्म में जैसे कि आपको बता दें एन टी आर रामा जैसे कि जूनियर इस फिल्म में आपको नजर आएंगे दो रोल में ड्यूल रोल में एक पिता का भी रोल निभाते एक बेटे का भी रोल निभाते वो खुद रोल निभाएंगे अब नज़र आएंगे वही रोल में तो वारा का जो रोल निभाए काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा हाइप क्रिएट करते हैं उसके साथ ही देवरा का भी रोल तो देवरा इस फिल्म में किस तरह से इसमें जो उनका जो डायलॉग है जिस तरह से एक्शन सीन्स है एक्शन सिकल्स है काफ़ी ज़्यादा एट मतलब क्रिएट करते हैं कई सारे फिल्म्स में आप साउथ इंडियन की फिल्म्स में तो आप देख चुके हो उनकी किस तरह से वो मतलब बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग और जो से जिस तरह से वो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उस भी फिल्म में किए हुए अब इस फिल्म में उनकी जो चलने का स्टाइल है जिस तरह से वो हाइप क्रिएट करते एक फिल्म में जिससे लगता है कि एक डर पैदा करता है किस तरह से वो पूरा अपने अंदाज में जो एक्टिंग की पूरी की पूरी इन्होंने न्यू मानो की जाल लगा दी फिल्म में तो पूरा एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएट की हुई हाइप में तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद कर रहे इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उनके अलावा जैसे इस फिल्म में उनका बेटा का भी रोल नभा है तो वारा का उनका भी ठीक ठाक रोल है उसी के साथ स्मिलर थोड़े बहुत नजर आएंगे आपको बाकी उनके अदर साइड मतलब बोल सकते उनको टक्कर देने में जैसे कि सैफ अली खान इसमें भैरावा का रोल निभाया तो भैरा करके बुलाते हैं तो भैरा इसमें किस तरह से रोल निभाए जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी सॉरी बॉलीवुड हम हिंदी जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं तो इस फिल्म में उनका जो एक नेगेटिव रोल रहा जिस तरह से वो विलेन का रोल रहा किस तरह से इसमें वो हमारे सामने पेश किया डायरेक्टर और किस तरह से वो उनके साथ बैठते हैं और ये किस तरह से इनका रोल रहा किस तरह से एक्टिंग करते हैं और किस तरह से वो जो इनका जो लुक है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी मतलब और नेगेटिव रो रू, मतलब रोल में लुक में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र आए तो चीज़ें इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है देखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनकी काम काफ़ी ज़्यादा एक मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा इसमें जो एक्शन सूपल्स से कहीं ना कहीं आपको भरपूर इंगेजिंग करेगी आपको फिल्म की जो रन टाइम है कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से भी बांधे रखती है फर्स्ट आप में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत आपको चीज़ें समझने में टाइम देनी पड़ेगी जब इंटरवल के बाद इनकी जो जिस तरह से वो असली मुद्दा है जैसे वो देवरा के साथ जो असली में जो फाइट करते हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक जो मज़ा है फिल्म की वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने पर पता चलेगी और इनके अलावा जैसे कि आपको एक्ट्रेस की बात की जाए तो जहाँ पर जानवी कपूर इसमें तंगम का रोल निभाए, तो उनका रोल में कई सीन्स में आपको पसंद आएगी कई सीन्स में उतना कुछ खास नहीं कर पाया मतलब ठीक ठाक है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं बट सीन्स में उस तरह से लिया गया गाना में कहना कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अदरवाइज़ सीन्स में उतना कुछ ख़ास है नहीं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ उतना कुछ इन्होंने एक्टिंग किए हुए नहीं ऐसा लगता है तो फिल्म में यूँ मानो कि ऐसे लिया गया था ऐसा कुछ लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे बता रहे हैं बट आने वाले देखते हैं इस तरह से फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगी तो उतना कुछ खास इनका रहा नहीं इनके अलावा जैसे कि सुरती मरते इसमें एक्टिंग जिस तरह से रहा उनका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्रिएट करती है अब ये सभी अलावा चीज़ें की जैसे भी तलवरी रामेश्वरी प्रकाश राज श्रीकांत साइन टैम चाको ये सभी जो रोल आर्टिस्ट निभाए काफ़ी जहाँ हद तक ठीक था ये सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपको फिल्म में कहीं ना कहीं आपको देखने में के लिए आपको थोड़े बहुत तो रोक सकती है अब ये सभी चीज़ आप देख सकते हो अदरवाइज फिल्म की थोड़े बहुत तो आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए थोड़े बहुत चीज़ें कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत निराश करेगी जैसे कि फिल्म की थोड़ी बहुत लेंथी लगेगी फिल्म की रन टाइम कर, कर कम करना चाहिए था एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एक बिलियन था काफ़ी हाई था वो सभी चीज़ें कहना कि पसंद आएगी एडिटिंग में जैसे कि फोटोग्राफी सीन्स लोकेशन जो समुंदर में लाल समुंदर हो जाता है वो सभी से सीन्स कहना के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो उसमें जो एनटीआर जैसे कि इसमें जूनियर एनटीआर टी आर देवारा करोलिबाएँ कहीं ना कि वो एक जो जिस तरह से उनका जो ईगो और आंखों का जो अंदाज जो वो उनका जो एक्सप्रेशन है आंखों से जो डर पैदा करता है वो फिल्म में कहीं ना कहीं हाईएप क्रिएट करती है तो वो से भी चीज़ कहीं ना कि इनकी पसंद आएगी समुंदर पूरा लाल हो जाता है जब फाइटिंग करते हैं सीन्स में वो सीन्स कहीं ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये से भी चीज़ में ठीक था अदरवाइज कई सीन्स थोड़े बहुत आपको निराश करेगी वो से भी माइनस की मतलब बात की जाए तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी यूनिक था थोड़ा बहुत यूनिक लगता है स्क्रीन मतलब उतना कुछ खास नहीं है कमज़ोरी में नजर आती है फिल्म की फर्स्ट हाफ़ ठीक था सेकंड हाफ़ जिस तरह से वो मतलब देवरा का कहानी कॉन्सेप्ट असली में पता चलता है कहीं मतलब एक समुंदर में जिस तरह से कहानी लिया गया है जहाँ पर आपको बता दें के मतलब वो इलीगल स्मगलर की तरह से किस तरह से वो काम करते हैं तो वो जाके देवरा पता चलता है देवरा को तो उसके बाद वो अपना असली जो आ, मतलब बोल सकते असली उनका जो मतलब वो वहां पर गुस्सा निकालता है उसके बाद उनको बताता है कि ये सभी चीज़ छोड़ दो मतलब गलत है उसके बाद वो मानते नहीं बट उसके बाद असली चेहरा देवरा का रोल नजर आता है उसके बाद फिल्म पूरी तरह से ठीक था वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कुछ क्रिएट करने वाले बट इंटरव्यू के बाद फिल्म उसी तरह से पूरा नीचे चले गई जहाँ पर एंडिंग तक पूरा फिल्म एकदम ढीले हो गई वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको मतलब यूँ लगेगा फिल्म को थोड़े बहुत और कुछ अच्छी करनी चाहिए था प्लॉट तो सही था कई चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है जैसे कि फिल्म की गाना तो सही है उतन, मतलब दो गाना सही है अदरवाइज़ गाना उतना कुछ खास नहीं है फिल्म के लिए एक्सन शुकस काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मजबूती देख देखने को मिलेगी जहाँ पर जूनियर एनटीआर का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक स्टाइल स्टाइल से वो मारते हैं उनका जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग स्क्रीन जो भी प्रजेंट करते सामने हमारे एक हाई एप्ट क्रिएट करते एक लेयर अगर उनकी थोड़े बहुत हटा लो तो फिल्म में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत उनका जो कॉमेडी है थोड़े बहुत हंसाती भी है इसमें उस तरह नहीं है आपको कई सारे फिल्म्स में देखने को मिलता है लेकिन इसमें उस तरह से नहीं है पूरा फिल्म में उनका एक जो आ, मतलब बोल सकते पॉजिटिवली जो Uh, मतलब सीरियसली इंसान किस तरह से होता है पूरा फिल्म में वो बताते हैं कहीं ना है कहीं आपको एक फैमिली के साथ अगर एक मास ऑडियंस हो मतलब थोड़े बहुत वन टाइम मतलब फिल्म देखना चाहते तो वन टाइम मतलब टाइम पास के लिए मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के साथ तो देवरा का ये फिल्म देवरा पार्ट वन आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्शनल की बात की जाए तो और डायरेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है आपको पता होगा काफ़ी बड़े बड़े फ़िल्म को इन्होंने हिट करने में कामयाब रहे जैसे कि आपको बता दें कोरटला शिवा सर की जो कि भारत इन नाम दो में जो फिल्म आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही उसके बाद मिर्ची दो में और प्रभास की जो फिल्म थी वो भी और हाल ही में जो आचार्य 2022 में फिल्म बनाई थी उसमें उतना कुछ खास नहीं था तो इस उससे कई गुना ज़्यादा एक कदम आगे है ये फिल्म तो आप उसी हिसाब से देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों फ़िलहाल आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर फिल्म को रिलीज़ कर दी गई है देवरा पार्ट वन की बात करूँ जहाँ दोस्तों इसी के साथ आप फिल्म को एंजॉय कीजिए जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा हिंदी वर्जन कन्नडा वर्जन तमिल वर्जन मलयालम वर्ज़न ये सभी वर्जन भी में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस तरह से आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर इन्जॉय कीजिए बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर मजा देगी फिल्म देखने पर आप इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा आप दोस्तों थिएटरिकली रिलीज़ के बाद जैसे कि आठ वीक के बाद जैसे कि आठ हफ्ते के बाद इस फिल्म को जहां पर आपको बता दें कि लगभग दो महीने के बाद इस फिल्म को दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के नेटफ्लिक्स पर विथ इंग्लिश सेपरेटल विद सब के साथ तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्जन कनाडा वर्जन मलयालम वर्जन तमिल वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ पर विद सब्सक्रिप्शन जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी फिल्म को जाके देख पाओगे अदरवाइज़ आप फ्री में फिल्म को देख नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों अब आने वाले समय पर इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा अब दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब साथ ही सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी किस तरह से क्या किया गया था किस तरह से क्या की गई है मतलब जो भी जानकारी है फिल्म की डेवलपमेंट की वो आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों इन फरवरी के मंथ में 2020 के साल पर जहाँ पर एन टी आर रामा राव जी आर मतलब जूनियर एंड त्रिविक्रम सिंह निवास रिपोर्टली बताया बताई जा रही थी कि टू बी कोलैबोरेटिंग की गई थी जहाँ पर ऑन द सेकेंड फिल्म फॉलोइंग की गई थी जहाँ पर आरुविदा समिता जो वीरा रंगवा 2018 पे आई थी उसकी बात एन टी टाइटल एन टी आर थर्टीन फिल्म बनेगी ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी दी फिल्म वाज टू बी प्रोड्यूसर बाय एस राधा कृष्णा एंड नंदमुर कल्याण राम अंडर दी बैनर पे जहाँ पर हरिका हसनैन क्रेशन के अंडर एन टी आर आर्ट्स की लेटर वे की चीजें बताई जा रही थी जुलाई के मंथ में जो कि की कोरटलाए थे सुधाकर जो की मिक्की ली लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन स्टूडियो जहाँ पर स्टूडियो यूवर सुधा आर्ट सर नेदर प्रोजेक्ट मेटरलियाजेंट जो कि जहाँ पर इन द अप्रैल के मंथ में 2021 में Uh, साल पे पर जहाँ पर रिपोर्टली बताई जा रही थी कि दैट रामा राव एंड शिवा वेटी किए की ऑन एन टी आर थर्टीन में मार्किंग देयर सेकेंड कोलोबरेशन आफ्टर जो कि जनता जो कि जनता गराज दो हजार सोलह में जो आई थी दे फिल्म की वाजा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ऑन उगाडो तेरह पे अप्रैल के महीने पे 2021 में विथ युवा सुधा आर्ट के अंदर प्रोड्यूसिंग द फिल्म इन कोलोब्रेशन विथ एन टी आर आर्ट्स की चलते जहाँ पर वेयर प्रोडक्शन वाजह डिले के चलते ड्यू टू शिवास की कमेंटेंस की गई थी टू आचार्य एंड राव टू ट्रिपल आर के चलते शिवा डेस्क जो कि डिस्प्रिटेड हुए थे विथ इट एज ये लार्ज स्विकल प्रोजेक्ट है इसी के चलते दैट हैज ए मोर कमर्शली अपील इन जो कि जो कि कॉम्प्रेशन टू हिस डिबिट फिल्म थी मिर्ची दो हज़ार तेरह पे जो आई थी फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हुई थी इसी के साथ ऑफ आचार्य सिवा वांट टू फाइनल ट्यून द स्क्रिप्टिंग मेकिंग जो कि ने कर्सेजी नेसेसरी चेंज बिफोर फिनलिंग ए टी सी एम ड्रॉप विच मीट दैट दम्युनिटेट ऑफ द फिल्म की वॉजअप बिन डिले थ्रू जो कि लेटर वन बताई जा रही थी दो हजार बाईस के साल पर बाई नवंबर शिवा अस्टेट की थी द प्रोडक्श प्री प्रोडक्शन वर्क के चलते ऑफ द फिल्म की विथ प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन अर्ली दो हजार तेईस के साल पर बताई जा रही थी इनिशियली शेड टू बिगिन प्रोडक्शन ऑन चौबीस तारीख फरवरी के मंथ में दी कमेंटेट की गई थी वाजे डीले के चलते ड्यू टू दफ़ तरक रजे विल भी रामाउस की पार्टी पोशन इन दी अवार्ड कैंपेंस के चलते जहाँ पर फॉर टिप्पल आर के चलते दी फिल्म की वाजहे ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन ट्वेंटी थ्री मार्च के मंथ में वित्तीय पूजा के रखा गया था फिल्म के लिए वेल इन हैदराबाद पे प्रेजेंस ऑफ का दी कास्ट एंड क्रियो एंड एस एस राजा मुरली जो कि प्रेसिडिंग वित्तीय मोर्तम शॉट की गई थी दी फिल्म की टाइटल देवरा वाजह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन नाइनटीन के जहाँ पर डेट पे मे के मंथ में 2023 पे दे पे ऑफ रामा रोस के बर्थडे पर ऑन 4 अक्टूबर शिवा के चलते बताई जा रहे थे अनाउंसमेंट की गई दैट द फिल्म की वा विल बी स्क्रिप्ट इन टू जो कि पार्ट्स ये सभी चीज़ें जो फिल्म की डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें इसी तरह रखा गया था जो इस तरह से मैंने आपको बताई है तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया था किस तरह से क्या की है जो भी है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंस एक तारीख जहाँ पर अप्रैल के महीने पे 2023 के साल पे हैदराबाद में रखा गया था विथ रामा राव इन अटेंशन की गए थे विथ जानकी अंड खान ज्वाइन हुए थे द सेट इन मेड अप्रैल के महीने पे बताई जा रही इन मेड मे के जहाँ पर दी टीम लुक टू वीक पे ब्रेक की गई थी फॉलोइंग रामा राव डिपेचर के चलते फॉर द फैमिली वक्सन के चलते फिल्मिंग रेसिंग करके जहां पर सात तारीख जून के मंथ में जहां पर 2023 के साल पर विदी uh, क्रोसिकल स्विकल्स बिटवीन रामाव खान एंड अदर कास्ट मेंबर बिगिन शूट देयर एंड वाज कंप्लीट की गई थी फोर्टीन डेज के चलते जहां पर सेवरलर एक्शन स्वीकल्स के चलते एंड बिगन शूट इन दड्यूल इंक्लूडिंग ऑन विच ऐसे बिग इन जो कि फिल्मिंग की थी इन द एक्सट्रीम लो लाइट के चलते जहाँ लुक या जो कि ब्रेक uh, मंथ पे लॉन्ग ब्रेक की गई थी ब्रेक जो कि बिफोर रेसिंग करके ऑन थर्टी वन डेट जुलाई के मंथ में दो हजार तेईस के साल पे टू शूट की गई थी एंड अंडर वाटर एक्शन पे शिकल्स पे जहाँ पर अमर राव uh, जहाँ पर ट्राइनेट की गई थी विथ एक्सपर्ट uh, जो कि सिमर के चलते फ्रॉम मुंबई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वल्स इन सेप्टेम्बर के मंथ में जहाँ पर सेम ऑफ दी सीक्वल्स के चलते हैव है शूट एट ए स्पेशली कॉन्सेंट्रेट की गई थी बीच सेट इन जो कि शमशाद पर जहाँ पर वन फोर तारीख अक्टूबर के महीने पर जहाँ पर दो हजार तेईस के साल पर दी मेकरस फाइनल की फिल्मिट की गई थी दी अंडर वाटर एक्शन स्वीकल्स एंड हैदराबाद पर विच वील्ड कॉल लूट दी शेड्यूल के चलते पोस्ट जहाँ पर पोस्ट कंप्लीट की गई थी जान भी कंप्लीट किए थे फिल्मिंग फॉर ईयर प्रोडक्शन और एक तारीख को नवंबर के मंथ में जहाँ पर बताई जा रही थी कि दी दे टीम देन टू का जो ब्रेक टू जहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी दिवाली के मौके पर जहाँ पर आपको पता होगा फेस्टिवल पर बारह तारीख नवंबर के मंथ में जहाँ पर दो हज़ार तेईस के साल पे एंड रिज्यूम करके फिल्मिंग के टू डेज पे लेटर ऑन अनदर ब्रीविंग शेड्यूल की बातचीत चल रही थी द गोवा शेड्यूल वाजे कम्प्लीट की गई थी विद इन ट्वेंटी नवंबर के महीने पे जहाँ पर एंड द टीम रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम अनदर बिगिन शेड्यूल बिच वाजे फिल्म मीट की गई थी डूरिंग मेड दिसंबर के मंथ में कल्याण रामा रिजिम थर्ट दट जहाँ पर एटी परसेंट ऑफ द फिल्म की शूटिंग uh, जहाँ पर हुई थी जहाँ पर द एंड बिन कम्प्लीटेड की गई थी बाई लेटर ऑन दिसंबर के मंथ में 2023 के साल पे बताई जा रही थी ये सभी चीज़ें एंड दी फिल्मिंग की वेट भी रैपअप करके जनवरी के महीने पे 2024 के साल पे एवर वी एट दी एंड ऑफ दी मंथ पे द प्रोडक्शन टीम रिवल की गई थी दैट थर्टीन प्रोजेक्टेंट ऑफ द फिल्म्स की शूट इन टू तो बी जो कि कंप्लीट की, की गई थी इसी के चलते इन मेड मार्च के मंथ पे जहां पर बताया जा रहा है दो हजार चौबीस के साल पे दी टीम मूवी टू गोवा फॉर फिल्मिंग की या सॉन्ग के लिए स्वीक लिया गया था विद राम राव एंड जाह्नवी के लिए उनको लिया गया था फॉलोइंग ब्रीफ ब्रेक दी टीम फिल्मेंट की गई थी यह जो कि कॉन्ट्रेंट शेड्यूल इन मई के मंथ में 2024 के साल पे एट जहाँ पर का पटनम दियर खांस की वहां पर किया गया था प्रोडक्शन वेयर फाइन फिल्म रामराव वॉज नॉट प्रेजेंट की गई थी इन द ही वाज़ फिल्मिंग फॉर वार टू दो में इन मुंबई में जो इन मेड जून के मंथ में, में दियर टीम के शूट के चलते एक्शन सीक्वेंस सेट ए जो कि फॉरेस्ट पे इन गोवा फीतिंग रामा राव एंड खान की चलते एट दिस सेम मंथ पे किया गया था देव टीम में मूवी टू करबी थाईलैंड फ्रॉम फिल्मिंग की ऐसे भी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फीतिंग की गई थी रामाव एंड जाह्नवी को जहाँ पर चुट्टे मिले बीच वाजह के गई थी बाई बोस को मार्टिस के चलते इन जुलाई के महीने पे 2024 के साल पे दी टीम फिल्म की गई थी आना शेड्यूल एट ए संसाध में भी किया गया था डू मल्टीपल लिगस के चलते थ्रू यहाँ पर दिक्स की गई थी वेयर फिल्मिंग इन साइड क्लोज की सेट विथ दी क्रो मेम्बर नॉट टू तो यूज फोन्स के चलते थ्रू जहाँ पर दी शेड्यूल इन मेड इन अगस्त के महीने पे 2024 के साल पे सॉन्ग टाइटल अयोध्या पूजा वाजह फिल्मिंग की गई थी इन सेट के चलते जहाँ पर चौदह अगस्त के दो हज़ार चौबीस के साल पर रामा राव अनाउंसमेंट की गई थी दैट दी हार्ड कंप्लीट फिल्मिंग इज के जो कि प्रोडक्शन फॉर दी फिल्म की इन इंटरटेशन विथ संदीप रेड्डी वांगा रामा राव एड दैट इन इनिशियली प्लान कर रहे थे जहाँ पर टू शूट के लिए दियर अंडर वाटर के चलते श्यूक में एट ऑन ऑफ दी बिगेस्ट पुल पे जहाँ पर इन द कापोली बट फॉर जो पर रहा जहाँ पर री अनोन जो पर पर डेटिकेट जहाँ डेसिकेटेड टू सेट ऑफ पुल इन द दूडियो वेयर विल्ड मूवमेंटली शूट द एक्शन शिकल्स द टीम के चलते कॉन्सेंट्रेट की गई थी ये ट्वेंटी फीट वाटर टैंक टैंक डूग फाइव जो पर कॉन्सेंट्रेट ट्वेंटी फीट वाटर टैंक जहाँ पर डूब फाइव फीट विथ टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड से लेकर जहाँ पर एक सौ पचास फीट जहाँ पर विथ इन इन जहाँ पर डिमेंशंस विच डिमेंशन मोस्ट ऑफ द एक्शन शूक के चलते फॉर तीन सौ सॉरी थर्टी से लेकर थर्टी माइनस थर्टी फाइव डेज के चलते यार एडिट की गई थी जहाँ पर एडिट की गई थी वी हार्ड दियर बिग जो पर जो पर डिग्रेस विच केम इन एंड क्रिएटेड जो पर आर्टिक आर्टिकल वीयर हार्ड वी मशीन्स के चलते वीअर हैव uh, जो कि मोटर बोट्स की मोटर्स पे फिक्स की गई थी इन टू दी वाटर डू गिव स्मॉल जो कि रिपल्स इन दी पुल देयर वाज ए पुल एंड देयर वाज ए वाटर टैंक वाज एज ए विल शो इट वाज वेरी हाई ऑन एक्शन की फिल्म Film की फिल्मिंग की जो भी चीज़ें इसी तरह मतलब बताई जा रही है इसी तरह रखा गया था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब दोस्तों आखिर में फिल्म की कहानी कह लो स्टोरी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूंगा किस तरह से क्या रखा गया है वो आपको बताऊँगा दोस्तों फिल्म की कहानी जहाँ पर बताई गई फिल्म में एक निर्धर आदमी को पता चलता है कि उसका भाई दुश्मन बनकर घातक जो कि हथियारों के तस्कारी कर रहा है तो दोस्तों आगे वही मतलब बताई गए फिल्म कहानी में जैसे कि लाइक जूनियर एनटीआर इस फिल्म में ड्यूल रोल में नजर आए तो दो रोल में एक देवरा का रोल निभाते हैं एक वारा का भी रोल निभाते हैं जहाँ पर देवरा का सन रहते हैं मतलब बाप और बेटे का तो इसमें फिल्म में दिखाया गया कहानी जहाँ पर देवरा एक मतलब एक समुंदर में जीवन खुशहाल ज़िंदगी जीता है बट कुछ जैसे कि बताया जा रहा है कि उन समुंदर में कुछ गलत चीज़ें हो रही है जैसे कि इलीगल स्मगलर के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब इस मतलब इस शहर से उस शहर में लिया जा रहा है जहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें वो सभी चीज़ें किस तरह से क्या वो चीज़ें में मतलब काम करता है जहाँ पर भैरवा भैरवा सैफ अली का खान मतलब सैफ अली खान इसमें रोल निभाए हैं मतलब सैफ अली खान भैरवा का रोल निभाए हैं तो भैरवा इसमें वो मेन गुंडा रहता है तो वही स्मगलर का काम करता है इसमें जो नदी के द्वारा जैसे कि बोट के द्वारा जैसे कि बहुत थर, बहुत सारे शिप में शिफ्ट करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक तो किस तरह से वो सभी वो सभी चीज़ें इसमें फिल्में मतलब इस ट्रांसपोर्ट का काम करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक गलत चीज़ें लेके जाता है तो वो सभी चीज़ें आगे जाके किस तरह से देवरा को पता चलता है और देवरा उसको जाके समझाता है कि ये सभी चीज़ें मत करो मतलब गलत है वो मानता नहीं है उसके बाद फिर आगे जाके उसके साथ किस तरह से वो लड़ता है फिर वो आगे मतलब उसके बाद वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है आगे जाके फिर किस तरह से दोनों फिर मतलब कौन ज़्यादा इसमें मार खाता है जैसे कि लाइक देवरा इसमें जो मतलब उसको मार के आगे जाके कुछ कर पाता है कि नहीं जैसे लाइक पूरा समुंदर में जहाँ पर इलीगल स्मगलर का जो भी चीज़ें जैसे कि लाइक इलीगल जो भी चीज़ें काम हैं वो सभी स्मगलर का काम करते हैं तो उसको सुधार पाता है कि नहीं देवरा वही आपको जाके आगे पता चलने मतलब चलेगी और जानवी उसके बाद उनके साथ जो लव इंटरेस्ट दिखाया वो उसके बाद उनके साथ थोड़े बहुत गाने में नजर आते हैं मतलब कहानी में वही दिखाते हैं मतलब उसके बाद देवारा का जो माह है उसके बाद उनको भी पता चलता है कि क्या किस हद तक ये जाके आगे जाके सुधारता है कि नहीं गाँवाले पूरा वहाँ पर एक छोटे से गांव में नदी किनारे बसते हैं तो उसको जाके किस तरह से सुधारती है चीज़ें कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने में अच्छी भी लगी कुछ चीज़ें आपको थोड़े बहुत निराश भी करेगी तो आप अपने से सबसे जहाँ पर जूनियर एन के आप डाइड फैन हो उनकी फिल्म देखते हो तो ये फिल्म उस हिसाब से एक बार वन टैब वन टैब जहाँ पर वन टाइम वॉचेबल मूवी है तो उसी हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों इस सब फिल्म को डायरेक्ट किए हुए कोरटला शिवा सर ने कोरोटेला सिवा सर के सर सर के डायरेक्शन के अलावा जैसे कि इस फिल्म में उनकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में ओवरऑल उनकी देखने को मिलती है फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए लाइक जैसे इस फिल्म को कौन से प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए तो सुधाकर मिक्की क्लैनी उनके अलावा जैसे कि कोसा राजू हरिकृष्णा उनके अलावा नंद मुरली कल्याण उसके साथ ही राम आपको इस फिल्म में जो कि प्रोड्यूस करते हुए नजर आई जो कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए आप दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एन टी राव जे आर जहाँ पर सैफ अली खान जाह्नवी कपूर प्रकाश राज श्रीकांत सायन टोम चाको आपको इस फिल्म में देखने को मिलते स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात कर रहा हूँ वहीं पर तो दोस्तों इस फिल्म को टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फिल्म को आर जो कि रत्ना वेलू का इस फिल्म में जैसे कि सिनेमाटोग्राफिक उन्होंने करके दिए हुए फिल्म में पूरा उनका इरादा सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलता है वहीं पर ये श्री कार प्रसाद का इस फिल्म में जो कि एडिटिंग देखने को मिलता है उन्होंने इस फिल्म को जैसे कि पूरा फिल्म को उन्होंने एडिट किए हुए थे लाइक जैसे फिल्म में बोल सकते कौन सा आर्टिस्ट के ऊपर किस तरह से मतलब कौन सा डायलॉग कहाँ पर रखना चाहिए कौन सी टाइमिंग पूरा का पूरा इन्होंने एडिट करके दिए हुए सभी सभी अच्छे के साथ जहाँ पर उन्होंने वन मिनट का रन टाइम दिए हुए थे इस फिल्म में जहाँ पर अगर इसको हिंदी में अगर बात की जाए कितना होता है तो दो घंटा अंठावन मिनट की पूरी फिल्म देख सकते हो इतने के इतने लेंथ के साथ जहाँ पर हाँ थोड़ी बहुत तो आपको लेंथ कम भी मिलेगी जहाँ पर बारह तेरह मिनट का लेंथ फिल्म की थोड़ा से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कम हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली आप इसी लेंथ के साथ वॉच करना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनुरोध रविचंद्र का इस फिल्म में जैसे कि उनका ही म्यूज़िक साउंड ट्रैक एल्बम और वो सभी के अलावा जैसे कि कंपोजिंग भी उनका ही रहा इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी जैसे कि बीजियम बजती है सभी की सभी चीज़ें उनका इस फिल्म में मेहनत देखने को मिलता है तो उन्होंने ही ऐसे भी चीज़ें जो कि करके दिए हुए साथ ही सॉन्ग में सुनने को मिलती भी है हम सभी अगर साथ ही दोस्तों सॉन्ग सुनना चाहते हैं जैसे कि म्यूजिक या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से क्या रखा गया है जैसे कि टाइटल लिरिक्स सिंगर लेंथ किस तरह से कितना है वो सभी आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अनगेवा तवसी जो तेलुगु प्रोजेक्ट की बात की आफ्टर 2018 में जो फिल्म आई थी उसके साथ जर्सी 2019 में एंड नानिस की गैंग लीडर 2019 में उनके साथ आफ्टर ये सभी मतलब मतलब सिंगर में जो कि अनुरोध रविचंद्र काम कर करते हुए नजर आए थे आप दोस्तों दी फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किया तो फेयर सॉन्ग वजह रिलीज की गई थी नाइनटीन के डेट पे जहाँ पर मे के मंथ में 2024 के साल पे उसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल रिलीज़ की गई थी जहाँ पर चुट्टम बल्ली सॉन्ग का टाइटल रखा गया था उसको रिलीज़ की गई थी पाँच अगस्त के मंथ पे जहाँ पर 2024 के साल पे इसी साल पे रिलीज़ की गई थी इसी के साथ थर्ड सिंगल टाइटल की बात किया तो जो कि दाबोडी जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी चार सेप्टेम्बर के महीने पे 2024 के साल के साथ इसी के साथ द फोर्थ सिंगल टाइटल आयुधा पूजा जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी 26 सितंबर 2024 के साल पे इसी के साथ अलोंग विथ द फोर साउंड ट्रैक एल्बम में रिलीज़ की गई थी अब दोस्तों फिल्म की सॉन्ग्स की बात की जाए जैसे कि पाँच डब्ड वर्जन में रिलीज़ की गई लाइक जैसे फिल्म तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके साथ ही जैसे कि तेलुगु मलयालम कन्नड़ा हिंदी ये से भी जो मतलब वर्जन्स है कनाडा ये से भी वर्जन्स में आप अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी डब वर्जन में आप अपने हिसाब से जाके इन्जॉय कर सकते हो वैसे मुझे दो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आए जहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग मैं बार बार जो कि सुन चुका हूँ ऑडियंस भी पसंद कर रहे हैं जहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग्स किए हुए जहाँ पर धीरे धीरे जो सॉन्ग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक म्यूज़िक है बीजिए में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्रिएट करती है जो कि एक सॉन्ग सुनने का जो एक मज़ा है वो सॉन्ग सुनने के बाद आपको पता चले कि किस तरह से क्या होता है अदरवाइज दो एक सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग का बात करूँ तो यहाँ पर दाऊदी जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद हाँ। आई अब इसी के साथ तीसरे सॉन्ग और भी सॉन्ग है जैसे कि पानी में जो लाल रंग ऐसा खून जो समुंदर वाला गा गाना है वो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ है तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सॉन्ग्स जाके एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस फिल्म को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो दोस्तों ये वुदा आर्ट्स एन टी आर आर्ट्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस फिल्म को बनाई गई थी अब दोस्तों इसी के साथ फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाया जैसे कि बता दें आपको धर्मा प्रोडक्शन के और से जो कि ए ए फिल्म की और से डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी उसी के साथ सीतारा एंटरटेनमेंट्स की ओर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई है के प्रोडक्शन जहाँ पर आपको पता होगा तेलंगाना का उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई है नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई इसी के साथ लक्ष्मी मूवीज़ जहां पर आपको पता होगा केरला के उनके जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ओर से भी करवाई गई थी जो कि जहां पर वे वेरर फिल्म की ओर से तो इसी के तरह इसी साथ पूरी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई उनकी ओर से अब दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जैसे लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ जैसे कि किस नाम के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे वही आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों एन टी रामा राव जे आर इन ड्यूल रोल एज ए देवारा का रोल फिल्म में प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जहां पर वर्धा वारा और जो कि देवारा इसके सन का भी रोल निभाते हैं जैसे कि लाइक इसमें एन टी रामा राव जो कि जूनियर आपको इस फिल्म में नजर आएंगे जैसे कि दो रोल में नजर आएंगे एक बेटे का एक बाप का जैसे कि आ, सन का जो रोल है वो देवरा मतलब रोल निभाएंगे और वारदा का जो रोल है वो वारा करके फिल्म में बुलाते हैं जो इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी सैफ अली खान एज ए भैरावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भैरा करके फिल्म में बुलाते हैं जहाँ पर वॉइस डब्ड उनके ऊपर की गई थी जहाँ पर पी रवि शंकर का उनका ही वॉइस सुनने को मिलेगी आपको फिल्म में इसी के साथ जानवी कपूर एज ए तंगम का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे इसके साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है उनके ऊपर वॉइस जो कि डब्ड किया गया था आर जे श्वेता का और उसमें जो कि वारस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है सूरती महारे एज ए देवरास वाइफ एंड वारास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इसी के साथ उनका मां का रोल भी निभाते हुए फिल्म में देखने को मिलेगी और जरीना वब एज ए देवराज के मदर एंड वारास की ग्रैंड मदर का रोल भी फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर उनका माँ और दादी का भी रोल निभाएंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आनेंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएगी तल्लूरी रामेश्वरी एज ए जोगुला का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे प्रकाश सिंगप्पा का रोल फिल्म प्ले करते नजर आएंगे श्रीकांत ऐस ए रायप्पा का रोल फिल्म प्ले करते नजर आते जहाँ पर तंगम्स के फादर रहते इस फिल्म में उनका पिता का रोल निभाए हैं साइन टोम चाको एज ए कोरा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे नारायण एज ए इरफान का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर का रोल निभाते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको नजर आएंगे कालेसन एज ए कुंजारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर कोरास के ब्रदर रहते इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ए मोर्गा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियन सी एम स्मगलर रहते इसमें उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे अजय एज ए टास्क का फोर्स जो की चीफ शिवम का रोल फिल्म

आ, बता सकता है उनकी बीवी रहते उसी के साथ सना के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करेंगे अभिमानी सिंह टी एस पी तुलसी का रोल फिल्म करते नजर आएंगे गेटअप सिरनो एज ए मेथावा सिरनो रोल फिल्म प्ले करेंगे जहां पर वारास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उनका दोस्त रहते हैं उसी के साथ हरि तेजा एज ए तंगम्स का फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी हेमा एज ए वाली का रोल फिल्म गे। में प्ले करेंगे जहाँ पर तांगम्स के फ्रेंड एंड सीन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जहाँ पर तंगम्स के दोस्त रहते हैं और उनको जैसा यहाँ पर सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ देखने को मिलेगी रोहन कन्नुमा रेड्डी एज ए वायरस के फ्रेंड रहते हैं उसी के साथ देखने को मिलेगी निहाल कोटाडी एज ए वायरस के गैंग मेंबर रहते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सोनाक्षी वर्मा एज ए प्रोटीट आप आपको इसी के साथ आपको फिल्म में रोल नज़र आएंगे और लता विश्वामनाथ लता विश्वनाथ रेड्डी एस चंद्रकला का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भारत के मिस्ट्रेट रहते इस फिल्म में इसी के साथ ओवरऑल हरे कास्टिंग जिस तरह से मैंने बताई उसी के साथ आपको फिल्म में नजर आने वाले तो दोस्तों देवरा पार्ट वन अब फिल्म को रिलीज़ की मतलब रिलीजिंग की बात की जाए तो जहाँ पर देवरा पार्ट थेट्रिकली रिलीजिंग की गई थी ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर के महीने में चूंकि सत्ताईस तारीख को इसी तरह मतलब इसी महीने के 2024 को जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जिसकी डब वर्जन में रिलीज़ की गई थी हिंदी तमिल मलयालम कन्नड़ा इस भी लैंग्वेज में जो आप सभी फ़िल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसी के साथ दी फिल्म की वाजह ओरिजिनली अनाउंसमेंट की गई थी विथ य रिलीज डेट जहाँ पर पाँच अप्रैल 2024 के साल पर रखा जाएगी ऐसी कोडिंग विद द वीकेंड पे बताई जा रही थी ऑफ उ गाडू उसके साथ ही वेयर इट वाज कोशिश की गई थी उसके चलते 10 अक्टूबर 2024 को कोडिंग विद द इवेंट ईवी ऑफ दुशहरा के मौके पर बताई जा रही थी और ऐसे कुछ ड्यू टू दिन टेन सेव पोस्ट प्रोडक्शन एंड वी एफ एक्स वर्क के चलते काम कुछ अधूरा था इसी के चलते बिफोरिंग बिगिन प्री जो कि बिग इन टू टू इट इज करंट की गई थी डेट पर प्रीव्यू uh, जो कि प्रीवियर टू तो द रिलीज डेट के चलते मेकर्स बता रहे थे जहाँ पर ट्रिम सेवन मिनट की फॉरम हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फी थिंग सेम ऑल्सो सोलो सीन्स की ऑफ तेलुगू एक्टर इन ऑर्डर टू जो कि कैरेक्टर टू जो ब्रोडर जो कि ब्रॉडर ऑडियंस के चलते बताई जा रही थी इसी के चलते हुआ था अब दी फिल्म की वाजह रिलीजिंग के चलते जहां पर स्टैंडर्ड फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पर आई मैक्स उसी के साथ फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स इसी के साथ डी बॉक्स एम एक्स फोर डी एंड आई सी ई फॉर्मेट पर दी फिल्म की हार्ड एस टी से वर्ल्ड प्रीमियम तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी फिल्म को जो देख पा रहे थे तो जब देवरा पार्ट वन फिल्म को पर रिलीज की गई थी तो तो क्रिटिक्स का की की बात की जाए तो टू पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहा था जी हाँ जिस हिसाब से फिल्म चल रही थी तो दोस्तों फिल्म को आई पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली है जो कि समझ सकते हैं एक मीडियम एवरेज है और इसी के साथ रोटेन की तरफ से परसेंट इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया है और गूगल इस की तरफ से नाइन्टी परसेंट इस फिल्म को लाइक्स मिली है जो कि समझ सकते हैं नाइन्टी परसेंट कितना हद तक होता है और इसी के हिसाब से मिला था साथ ही फिल्म की बजट की बात की जाए तो एक काफ़ी हाई बजट पर फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर तीन करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दें थ्री पर तो वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए जिस हिसाब से अभी चल रहे है जहाँ पर अभी हम समझ लीजिए फिल्म को रिलीज़ किए हुए छः दिन ही हो रहा है छः दिन का ही सिर्फ कलेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड फोर प्लस कलेक्शन हुआ है जहाँ पर तीन सौ चार प्लस कलेक्शन हुआ है जी हाँ दोस्तों तीन सौ से चार तीन सौ चार कलेक्शन से भी ज़्यादा हुआ है इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ, मतलब चल रही है अभी थिएट्रिकल थिएट्रिकल पर जिस हिसाब से फिल्म चल रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ अब आगे देखते हैं फिल्म किस तरह से क्या करेगी क्या चलेगी वो आगे जाके आपको पता चलेगी अब आपको बता दें जिस हिसाब से फिल्म रन कर पा रही है तो दोस्तों अब फिल्म की अब मतलब चल रही है जिस हिसाब से मतलब रन कर पा रही है थेटिकली पर जहाँ पर जूनियर जो कि जूनियर एन की फिल्म एक्टर की समझ सकते हैं देवरा पार्ट वन जिस हिसाब से चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हाईअप करे, क्रिएट करेगी जहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि फिल्म को लेकर तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट जो बना के रखे थे वो उसकी वजह से रखे हुए अब देखते फिल्म आगे जाके क्या हो पाती है मुझे तो लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर जरूर बनेगी अब देखते हैं ये निर्भर करता है एक्टर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर कई सारे और मेकर्स के ऊपर तो देखते हो आने वाले समय पर क्या हो पाता है बट इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रही है तो कहीं ना कहीं फिल्म रुकेगी नहीं चलेगी ज़्यादा अब देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें फिल्म के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊँ जैसे लाइक मतलब एक्ट्रेस और एंड एक्टर जैसे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या है तो दोस्तों इस फिल्म में जैसे कि आपको बता दें एन टी आर रामा जैसे कि जूनियर इस फिल्म में आपको नजर आएंगे दो रोल में ड्यूल रोल में एक पिता का भी रोल निभाते एक बेटे का भी रोल निभाते वो खुद रोल निभाएंगे अब नज़र आएंगे वही रोल में तो वारा का जो रोल निभाए काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा हाइप क्रिएट करते हैं उसके साथ ही देवरा का भी रोल तो देवरा इस फिल्म में किस तरह से इसमें जो उनका जो डायलॉग है जिस तरह से एक्शन सीन्स है एक्शन सिक्वल्स है काफ़ी ज़्यादा एट मतलब क्रिएट करते हैं कई सारे फिल्म्स में आप साउथ इंडियन की फिल्म्स में तो आप देख चुके हो उनकी किस तरह से वो मतलब बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग और जो से जिस तरह से वो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उस भी फिल्म में किए हुए अब इस फिल्म में उनकी जो चलने का स्टाइल है जिस तरह से वो हाइप क्रिएट करते एक फिल्म में जिससे लगता है कि एक डर पैदा करता है किस तरह से वो पूरा अपने अंदाज में जो एक्टिंग की पूरी की पूरी इन्होंने न्यू मानो की जाल लगा दी फिल्म में तो पूरा एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएट की हाइप में तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद कर रहे इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उनके अलावा जैसे इस फिल्म में उनका बेटा का भी रोल नभा है तो वारा का उनका भी ठीक ठाक रोल है उसी के साथ स्मिलर थोड़े बहुत नजर आएंगे आपको बाकी उनके अदर साइड मतलब बोल सकते हैं उनको टक्कर देने में जैसे कि सैफ अली खान इसमें भैरावा का रोल निभाया तो भैरा करके बुलाते हैं तो भैरा इसमें किस तरह से रोल निभाए जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी सॉरी बॉलीवुड हम हिंदी जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं तो इस फिल्म में उनका जो एक नेगेटिव रोल रहा जिस तरह से वो विलेन का रोल रहा किस तरह से इसमें वो हमारे सामने पेश किया डायरेक्टर और किस तरह से वो उनके साथ बैठते हैं और ये किस तरह से इनका रोल रहा किस तरह से एक्टिंग करते हैं और किस तरह से वो जो इनका जो लुक है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी मतलब वो नेगेटिव रोल मतलब रोल में लुक में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिवली नजर आए तो चीज़ें इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है देखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनकी काम काफ़ी ज़्यादा एक मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा इसमें जो एक्शन सिक्कस है कहीं ना कहीं आपको भरपूर इंगेजिंग करेगी आपको फिल्म की जो रन टाइम है कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से भी बांधे रखती है फर्स्ट आपने कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत आपको चीज़ें समझने में टाइम देनी पड़ेगी जब इंटरव्यूल के बाद इनकी जो जिस तरह से वो असली मुद्दा जिसे वो देवरा के साथ जो असली में जो फाइट करते हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक जो मज़ा है फिल्म की वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने पर पता चलेगी और इनके अलावा जैसे कि आपको एक्ट्रेस की बात की जाए तो जहाँ पर जानवी कपूर इसमें तंगम का रोल तो उनका रोल में कई सीन्स में आपको पसंद आएगी कई सीन्स में उतना कुछ खास नहीं कर पाया मतलब ठीक ठाक है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं बट सीन्स में उस तरह से लिया गया गाना में कहना कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अदरवाइज़ सीन्स में उतना कुछ ख़ास है नहीं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ उतना कुछ इन्होंने एक्टिंग किए हुए नहीं ऐसा लगता है तो फिल्म में यूँ मानो कि ऐसे लिया गया था ऐसा कुछ लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे बता रहे हैं बट आने वाले देखते हैं इस तरह से फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगी तो उतना कुछ ख़ास इनका रहा नहीं इनके अलावा जैसे कि सुरती मारते इसमें एक्टिंग जिस तरह से रहा उनका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्रिएट करती है अब ये सभी अलावा चीज़ें कि जैसे भी, भी तलवरी रामेश्वरी प्रकाश राज, श्रीकांत, साइन टैम, चाको ये सभी जो रोल आर्टिस्ट निभाए काफ़ी जहाँ हद तक ठीक था ये सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आप को फिल्म में कहीं ना कहीं आपको देखने में के लिए आपको थोड़े बहुत रोक सकती है अब ये सभी चीज़ आप देख सकते हो अदरवाइज़ फिल्म की थोड़े बहुत आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए थोड़े बहुत चीज़ें कहना कि आपको थोड़े बहुत निराश करेगी जैसे कि फ़िल्म की थोड़ी बहुत लेंथी लगेगी फिल्म के रन टाइम कन कर, कर कम करना चाहिए था एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एक बिलियन था काफ़ी हाई था वो सभी चीज़ें कहना कि पसंद आएगी एडिटिंग में जैसे कि फोटोग्राफी सीन्स लोकेशन जो समुंदर में लाल समुंदर हो जाता है वो सभी सीन्स कहने के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो उसमें जो एनटीआर जैसे कि इसमें जूनियर एनटीआर देवारा का रोल करोलिबाएँ कहीं ना कि वो एक जो जिस तरह से उनका जो ईगो और आँखों का जो अंदाज जो वो उनका जो एक्सप्रेशन है आँखों से जो डर पैदा करता है वो फिल्म में कहीं ना कि हाई क्रिएट करती है तो वो से भी चीज़ कहीं ना कि इनकी पसंद आएगी समुंदर पूरा लाल हो जाता है जब फाइटिंग करते सीन्स में वो सीन्स कहीं ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये से भी चीज़ में ठीक था अदरवाइज कई सीन्स थोड़े बहुत आपको निराश करेगी वो से भी माइनस की मतलब बात की जाए तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी यूनिक था थोड़े बहुत यूनिक लगता है स्क्रीन मतलब उतना कुछ खास नहीं है कमजोरी में नज़र आती है फिल्म की फर्स्ट हाफ़ ठीक था सेकेंड हाफ़ जिस तरह से वो मतलब देवरा का कहानी कॉन्सेप्ट असली में पता चलता है कहीं मतलब एक समुंदर में जिस तरह से कहानी लिया गया है जहाँ पर आपको बता दें कि मतलब वो इलीगल स्मगलर की तरह से किस तरह से वो काम करते हैं तो वो जाके देवरा पता चलता है देवरा को तो उसके बाद वो अपना असली जो आ, मतलब बोल सकते असली उनका जो मतलब वो वहाँ पर गुस्सा निकालता है उसके बाद उनको बताता है कि ऐसे भी चीज़ छोड़ दो मतलब गलत है वो उसके बाद वो मानते नहीं बट उसके बाद असली चेहरा देवरा का रोल नज़र आता है उसके बाद फिल्म पूरी तरह से ठीक था वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कुछ क्रिएट करने वाले बट इंटरव्यू के बाद फिल्म उसी तरह से पूरा नीचे चली गई जहाँ पर एंडिंग तक पूरा फिल्म एकदम ढीले हो गई वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको मतलब यूँ लगेगा फिल्म को थोड़े बहुत और कुछ अच्छी करनी चाहिए था प्लॉट तो सही था कई चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है जैसे कि फिल्म की गाना तो सही है उतन, मतलब दो गाना सही है अदरवाइज गाना उतना कुछ खास नहीं है फिल्म के लिए एक्शन स्वीकृत काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मजबूती देख देखने को मिलेगी जहाँ पर जूनियर एन का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक स्टाइल स्टाइल से वो मारते हैं उनका जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग स्क्रीन्स जो भी प्रजेंट करते हैं सामने हमारे एक हाई एप, क्रिएट करते एक लेयर अगर उनकी थोड़े बहुत हटा लो तो फिल्म में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत उनका जो कॉमेडी है थोड़े बहुत हंसाती भी है इसमें उस तरह नहीं है आपको कई सारे फिल्म्स में देखने को मिलता है लेकिन इसमें उस तरह से नहीं है पूरा फिल्म में उनका एक जो आ, मतलब बोल सकते पॉजिटिवली जो आ, मतलब सीरियसली इंसान किस तरह से होता है पूरा फिल्म में वो बताते हैं कहीं ना है कि आपको एक फैमिली के साथ अगर एक मास ऑडियंस हो मतलब थोड़े बहुत वन टाइम मतलब फिल्म देखना चाहते हो वन टाइम मतलब टाइम पास के लिए मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के साथ तो देवरा का ये फिल्म देवरा पार्ट वन आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्शनल की बात की जाए तो और डायरेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है आपको पता होगा काफ़ी बड़े बड़े फिल्म्स को इन्होंने हिट करने में कामयाब रहे जैसे कि आपको बता दें कोरटला शिवा सर की जो कि भारत इन नाम 2018 में जो फिल्म आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही उसके बाद मिर्ची 2023 में और प्रभास की जो फिल्म थी वो भी और हाल ही में जो आचार्य 2022 में फिल्म बनाई थी उसमें उतना कुछ खास नहीं था तो इस उससे कई गुना ज़्यादा एक कदम आगे है ये फिल्म तो आप उसी हिसाब से देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों फ़िलहाल आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर फिल्म को रिलीज़ कर दी गई है देवरा पार्ट वन की बात कर रहा करूँ जहाँ दोस्तों इसी के साथ आप फिल्म को एंजॉय कीजिए जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा हिंदी वर्जन कन्नडा वर्जन तमिल वर्जन मलयालम वर्ज़न ये सभी वर्जन भी में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस तरह से आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर इन्जॉय कीजिए बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर मजा देगी फिल्म देखने पर आप इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा आप दोस्तों थिएटरिकली रिलीज़ के बाद जैसे कि आठ वीक के बाद जैसे कि आठ हफ्ते के बाद इस फिल्म को जहां पर आपको बता दें कि लगभग दो महीने के बाद इस फिल्म को दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के नेटफ्लिक्स पर विथ इंग्लिश सेपरेटल विप क्वेश्चन के साथ तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्जन कनाडा वर्जन मलयालम वर्जन तमिल वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ पर विद सब्सक्रिप्शन जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी फिल्म को जाके देख पाओगे अदरवाइज़ आप फ्री में फिल्म को देख नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों अब आने वाले समय पर इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा अब दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब साथ ही सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी किस तरह से क्या किया गया था किस तरह से क्या की गई है मतलब जो भी जानकारी है फिल्म की डेवलपमेंट की वो आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों इन फरवरी के मंथ में 2020 के साल पे जहाँ पर एन टी आर रामा राव जी आर मतलब जूनियर एंड त्रिविक्रम सिंह निवास रिपोर्टली बताया बताई जा रही थी कि टू बी कोलेबरेटिंग की गई थी जहाँ पर ऑन द सेकेंड फिल्म फॉलोइंग की गई थी जहाँ पर आरुविदा समिता जो वीरा रंगावा 2018 पे आई थी उसकी बात एन टाइटल एन टी आर थर्टीन फिल्म बनेगी ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी दिल्म फिल्म वाज टू बी अ प्रोड्यूसर भाई एस राधा कृष्णा एंड नंदमु कल्याण राम अंडर दी बैनर पे जहाँ पर हरिका क्रिएशन के अंडर आर्ट्स की लेटर और ये सभी चीजें बताई जा रही थी जुलाई के मंथ में को, जो की कोरटला अनाउंसमेंट किए थे अन्नादर प्रोजेक्ट पर बनाए जहां पर ए ए ट्वेंटी वन विद अल्लू अर्जुन की इन दीड तो टू बी प्रोड्यूसर बाय फॉरम डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर जो कि की मिक्की ली लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन स्टूडियो यहाँ पर स्टूडियो यूवर सुधा आर्ट्स अप्रैल के मंथ में दो uh, इट वा, वाज रिपोर्टली बताई जा रही थी कि दैट रामा राव एंड शिवा वेड किए की ऑन एन टी आर थर्टीन में मार्किंग दियर सेकेंड कोलोबरेशन आफ्टर जो कि जनता जो कि जनता गराज दो हजार सोलह में जो आई थी दे फिल्म की वाजा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ऑन उगाड़ो तेरह पे अप्रैल के महीने पे 2021 में विथ युवा सुधा आर्ट के अंदर प्रोड्यूसिंग द फिल्म इन कोलोब्रेशन विथ एन टी आर आर्ट्स की चलते जहाँ पर वेयर प्रोडक्शन वाजह डिले के चलते ड्यू टू शिवास की कमेंटेंस की गई थी टू आचार्य एंड राव टू ट्रिपल आर के चलते शिवा डेस्क जो कि डिस्कटेड हुए थे विथ इट एज ये लार्ज स्विकल प्रोजेक्ट है इसी के चलते दैट हैज ए मोर कमर्शली अपील इन जो कि जो कि कॉम्प्रेशन टू हिस डिबिट फिल्म थी मिर्ची दो हज़ार तेरह पे जो आई थी फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हुई थी इसी के साथ ऑफ आचार्य सिवा वांट टू फाइनल ट्यून द स्क्रिप्टिंग मेकिंग जो कि ने कर्सेजी नेसेसरी चेंज बिफोर फिनल एटीसी ड्रॉप विच मेन्ट दैट दम्युनिटेट ऑफ द फिल्म की वॉजअप बिन डिले थ्रू जो कि लेटर वन बताई जा रही थी दो हज़ार बाईस के साल पे बाई नवंबर शिवा अस्टेट की थी द प्रोडक्श प्री प्रोडक्शन वर्क के चलते ऑफ द फिल्म की विथ प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन अर्ली दो हजार तेईस के साल पर बताई जा रही थी इनिशियली शेड टू बिगिन प्रोडक्शन ऑन चौबीस तारीख फरवरी के मंथ में दी कमेंटेट की गई थी वाजे डीले के चलते ड्यू टू दफ़ तरक रजे विल भी रामाउस की पार्टी पोशन इन दी अवार्ड कैंपेंस के चलते जहाँ पर की चलते दी फिल्म की वाजहें ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ट्वेंटी थ्री मार्च के मंथ में वित्त पूजा के रखा गया था फिल्म के लिए वेल इन हैदराबाद पे दी प्रेजेंस ऑफ का दी कास्ट एंड क्रियो एंड एस एस राजा मौर्ली जो की प्रेसिडिंग वित्ती मोर्तम असॉर्ट की गई थी दी फिल्म की टाइटल देवरा वाज ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन नाइनटीन के जहां पर डेट पे मे के मंथ में 2023 पे तेईस पे दे देवी ऑफ रामा रावस के बर्थडे पर ऑन फोर अक्टूबर शिवा के चलते बताया जा रहे थे अनाउंसमेंट की गई थी दैट द फिल्म की विल बी स्क्रिप्ट इन जो कि पार्ट्स ये सभी चीज़ें जो फिल्म की डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं इसी तरह रखा गया था जो इस तरह से मैंने आपको बताई है तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया था किस तरह से क्या की है जो भी है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों प्रिंसिपल फ़ोटोग्राफी कमेंट्स एक तारीख जहाँ पर अप्रैल के महीने पे 2023 के साल पे हैदराबाद में रखा गया था विथ रामा राव इन अटेंशन की गए थे विथ जानकी की अंड खान ज्वाइन हुए थे दिस सेट इन मिड अप्रैल के महीने पे बताई जा रही है इन मेड में यहाँ पर दी टीम लुक टू वीक पे ब्रेक की गई थी फॉलोइंग रामा राव के डिपेचर के चलते फॉर द फैमिली वाक्सन के चलते फिल्मिंग रेसिंग करके जहाँ पर सात तारीख जून के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे विद विदी क्रोसिकल सिकल्स बिटवीन रामा राव खान एंड अदर कास्ट मेंबर बिगिन शूट देयर एंड वाज कंप्लीट की गई थी फोर्टीन डेज के चलते यहाँ पर सेवरलर एक्शन शिकल्स के चलते एंड बिगन शूट इन दी दड्यूल इंक्लूडिंग विच बिगन जो कि फिल्मिंग की थी इन द एक्सट्रीम लो लाइट के चलते जहाँ पर दी टीम देन लुक या जो कि ब्रेक मंथ uh, पे लॉन्ग ब्रेक की गई थी ब्रेक जो कि बिफोर रेसिविंग करके ऑन थर्टी वन डेट जुलाई के मंथ में दो हजार तेईस के साल पे टू शूट की गई थी एंड अंडर वाटर एक्शन पे शिकल्स पे जहाँ पर रामर राव जहाँ पर ट्राई नेट किए गए थे विद एक्सपर्ट जो कि सिमर के चलते फ्रॉम मुंबई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वल्स इन सेप्टेम्बर के मंथ पे जहाँ पर सेम ऑफ दी सीक्वल्स के चलते हैव विन शूट एट ए स्पेशली कॉन्सट्रेट किए गए थे बीच सेट इन जो कि शमशाद पर जहाँ पर वन फोर तारीख अक्टूबर के महीने पे जहाँ पर दो हजार तेईस के साल पे दी मेकर्स फाइनल फिल्म, की फिल्मिंग uh, की गई थी दी अंडर वाटर एक्शन एंड हैदराबाद पे विच बिल्ड कॉल लुड शेड्यूल के चलते पोस्ट जहां पर पोस्ट कंप्लीट की गई थी भी कम्प्लीट की थे फिल्मिंग फॉर प्रोडक्शन और एक तारीख को नवंबर के मंथ पे जहां पर बताई जा रही थी कि दी टीम देन का जो ब्रेक तो जहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी दिवाली के मौके पर जहाँ पर आपको पता होगा फेस्टिवल पर बारह तारीख नवंबर के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे एंड रिज्यूम करके फिल्मिंग के टू डेज पे लेटर ऑन अनदर ब्रिविंग शेड्यूल की बातचीत चल रही थी द गोवा शेड्यूल वाजे कम्प्लीट की गई थी विथ इन ट्वेंटी नवम्बर के महीने पे जहाँ पर एंड द टीम रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम अनदर बिगिन शेड्यूल विच वाज फिल्म मेड की गई थी डूरिंग मेड डिसम्बर के मंथ में कल्याण रामा रिजिम थर्ड दट जहाँ पर एटी परसेंट ऑफ दी फिल्म की शूटिंग जहाँ पर हुई थी जहाँ पर द एंड बिन कम्पलीटेड की गई थी बाई लेटर ऑन डिसम्बर के मंथ में 2023 के साल पर बताई जा रही थी ये सभी चीज़ें एंड दी फिल्मिंग की वेट भी रैपअप करके जनवरी के महीने पर दो हज़ार चौबीस के साल पर एवर बी एट दी एंड ऑफ़ दी मंथ पे द प्रोडक्शन टीम रिवल्स की गई थी दैट थर्टीन प्रोजेक्टेंट ऑफ द फिल्म्स की शूट इन टू तो बी जो कि कंप्लीट की, की गई थी इसी के चलते इन मेड मार्च के मंथ पे जहां पर बताया जा रहा है दो हजार चौबीस के साल पे दी टीम मूवी टू गोवा फॉर फिल्मिंग की या सॉन्ग के लिए स्वीकेंस लिया गया था विथ राम राव एंड जाह्नवी के लिए उनको लिया गया था फॉलोइंग ब्रीफ ब्रेक दी टीम फिल्मेंट की गई थी यह जो कि कॉन्ट्रेंट शेड्यूल इन मई के मंथ में 2024 के साल पे एट जहाँ पर विशाखापट्टनम पटनम दियर खांस की वहां पर किया गया था प्रोडक्शन वेयर फाइन वे फिल्म रामाव वॉज नॉट प्रेजेंट की गई थी इन द शेड्यूल हैज ही है फिल्मिंग फॉर वार्ड टू दो में इन मुंबई में जो इन मेड जून के मंथ में, में दियर टीम के शूट के चलते एक्शन सीक्वेंस सेट ए जो कि फॉरेस्ट पे इन गोवा फीतिंग रामा राव एंड खान की चलते एट सेम मंथ पे किया गया था देव टीम में मूवी टू करबी थाईलैंड फ्रॉम फिल्मिंग की ऐसे भी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फीतिंग की गई थी रामाव एंड जाह्नवी को जहाँ पर चुट्टे मिले बीच वाजह के वर्निंग की गई थी बाई बोस को मार्टिस के चलते इन जुलाई के महीने पे 2024 के साल पे दी टीम फिल्म की गई थी आनादर शेड्यूल एट ए सम में भी किया गया था डू मल्टीपल लिक्स के चलते थ्रू तो यहाँ पर दी इन इन की गई थी वेयर फिल्मिंग इन साइड क्लोज की सेट विथ दी क्रो मेम्बर रेस्टिकेटेड नॉट टू यूज फोन्स के चलते थ्रू जहाँ पर दी शेड्यूल इन मे इन अगस्त के महीने पे 2024 के साल पे सॉन्ग टाइटल अयोध्या पूजा वाजह फिल्मिंग की गई थी इन सेट के चलते जहाँ पर चौदह अगस्त के दो हज़ार चौबीस के साल पर रामा राव अनाउंसमेंट की गई थी दैट दी हार्ड कंप्लीट फिल्मिंग इज के जो कि प्रोडक्शन फॉर दी फिल्म की इन इंटरटेशन विथ संदीप रेड्डी वांगा रामा राव एड दैट इन, इन इनिशियली प्लान कर रहे थे जहाँ पर टू शूट के लिए दियर अंडर वाटर के चलते श्यूकल्स में एट ऑन ऑफ दी जहाँ पर इन द कापोली बट फॉर जो जहाँ पर डेसिकेटेड टू सेट ऑफ पुल इन दूडियो वेयर विल्ड मूवमेंटली शूट द एक्शन शिकल्स द टीम के चलते कॉन्सट्रेट की गई थी यह ट्वेंटी फीट वाटर टैंक डू फाइव जो uh, पर कॉन्सेंट्रेट ट्वेंटी फीट वाटर टैंक जहां पर फीट विथ से लेकर जहां पर एक सौ पचास फीट जहां पर इन शूट मोस्ट ऑफ द एक्शन शूट के चलते फॉर तीन सौ सॉरी थर्टी से लेकर थर्टी माइनस थर्टी फाइव डेज के चलते एडिट गई थी जहाँ पर एडिट की गई थी वी हार्ड दियर बिग जो पर डिग्रेस विच केम इन एंड क्रिएटेड जो पर आर्टिकल वेयर हार्ड वी मशीन्स के चलते वियर है uh, जो कि मोटर बोट्स की मोटर्स पे फिक्स की गई थी इन टू वाटर डू गिव स्मॉल जो कि रिपल्स इन दी पुल देअर वाजिया पुल एंड देयर वाजिया वाटर टैंक वाज एज ए विल शो इट वेरी हाई ऑन एक्शन की फिल्म की फिल्मिंग की जो भी चीज़ें इसी तरह मतलब बताई जा रही है इसी तरह रखा गया था जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अब दोस्तों आखिर में फिल्म की कहानी कह लो स्टोरी कह लो उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दूँगा किस तरह से क्या रखा गया है वो आपको बताऊँगा दोस्तों फिल्म की कहानी जहाँ पर बताई गई फिल्म में एक निर्धार आदमी को पता चलता है कि उसका भाई दुश्मन बनकर घातक जो कि हथियारों के तस्कारी कर रहा है तो दोस्तों आगे वही मतलब बताए गए फिल्म कहानी में जैसे कि लाइक जूनियर एनटीआर इस फिल्म में ड्यूल रोल में नज़र आए तो दो रोल में एक देवरा का रोल निभाते हैं एक वारा का भी रोल निभाते हैं जहाँ पर देवरा का सन रहते हैं मतलब बाप और बेटे का तो इसमें फिल्म में दिखाया गया कहानी जहाँ पर देवरा एक मतलब एक समुंदर में जीवन खुशहाल ज़िंदगी जीता है बट कुछ जैसे कि बताया जा रहा है कि उन समुंदर में कुछ गलत चीज़ें हो रही है जैसे कि इलीगल स्मगलर के द्वारा कुछ चीज़ें मतलब इस मतलब इस शहर से उस शहर में लिया जा रहा है जहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें वो सभी चीज़ें किस तरह से क्या वो चीज़ें में मतलब काम करता है जहाँ पर भैरवा भैरवा सैफ अली का खान मतलब सैफ अली खान इसमें रोल निभाए मतलब सैफ अली खान भैरवा का रोल निभाए तो भैरवा इसमें वो मेन गुंडा रहता है तो वही स्मगलर का काम करता है इसमें जो नदी के द्वारा जैसे कि बोट के द्वारा जैसे कि बहुत रह, बहुत सारे शिप में शिफ्ट करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक तो किस तरह से वो सभी वो सभी चीज़ें इसमें फिल्में मतलब इस ट्रांसपोर्ट का काम करता है इस शहर से लेकर उस शहर तक गलत चीज़ें लेके जाता है तो वो सभी चीज़ें आगे जाके किस तरह से देवरा को पता चलता है और देवरा उसको जाके समझाता है कि ये सभी चीज़ें मत करो मतलब गलत है वो मानता नहीं उसके बाद फिर आगे जाके उसके साथ किस तरह से वो लड़ता है फिर वो आगे मतलब उसके बाद वो दोनों एकदम से बहुत ज़्यादा दुश्मन बन जाता है वही फिल्म की कहानी बनाती है आगे जाके फिर किस तरह से दोनों फिर मतलब कौन ज्यादा इसमें मार खाता है जैसे कि लाइक देवरा इसमें जो मतलब उसको मार के आगे जाके कुछ कर पाता है कि नहीं जैसे लाइक पूरा समुंदर में जहाँ पर इलीगल स्मगलर का जो भी चीजें जैसे कि लाइक इलीगल जो भी चीजें कामें हैं वो सभी स्मगलर का काम करते हैं तो उसको सुधार पाता है कि नहीं देवरा वही आपको जाके आगे पता चलने मतलब चलेगी और जानवी भी उसके बाद उनके साथ जो लव इंटरेस्ट दिखा वो उसके बाद उनके साथ थोड़े बहुत गाने में नजर आते हैं मतलब कहानी में वही दिखाते हैं मतलब उसके बाद देवारा का जो माह है उसके बाद उनको भी पता चलता है कि आ, किस हद तक ये जाके आगे जाके सुधारता है कि नहीं गाँवाले पूरा वहाँ पर एक छोटे से गांव में नदी किनारे बसते हैं तो उसको जाके किस तरह से सुधारती है चीज़ें कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने में अच्छी भी लगी कुछ चीज़ें आपको थोड़े बहुत निराश भी करेगी तो आप अपने से सबसे जहाँ पर जूनियर एन के आप डाइड फैन हो उनकी फिल्म देखते हो तो ये फिल्म उस हिसाब से एक बार वन टैब वन टैब जहाँ पर वन टाइम वॉचेबल मूवी है तो उसी हिसाब से देख सकते हो तो दोस्तों इस सब फिल्म को डायरेक्ट किए हुए कोरटला सिवा सर ने कोरोटला सिवा सर के सर सर के डायरेक्शन के अलावा जैसे कि इस फिल्म में उनकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी आइडिया डायलॉग्स स्क्रीन प्ले ये सभी चीज़ें आपको इस फिल्म में ओवरऑल उनकी देखने को मिलती है फिल्म की प्रोड्यूसर की बात की जाए लाइक जैसे इस फिल्म को कौन से प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किए हुए तो सुधाकर मिक्की क्लैनी उनके अलावा जैसे कि कोसा राजू हरिकृष्णा उनके अलावा नंद मुरली कल्याण उसके साथ ही राम आपको इस फिल्म में जो कि प्रोड्यूस करते हुए नजर आई जो कि इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किए हुए हैं अब दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी एन टी राव जे आर जहाँ पर सैफ अली खान जाह्नवी कपूर प्रकाश राज श्रीकांत सायन टोम चाको आपको इस फिल्म में देखने को मिलते स्टार्टिंग लीड कास्ट की बात कर रहा हूँ वहीं पर तो दोस्तों इस फिल्म को टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इस फिल्म को आर जो कि रत्ना वेलू का इस फिल्म में जैसे कि सिनेमाटोग्राफिक उन्होंने करके दिए हुए फिल्म में पूरा उनका इरादा सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में देखने को मिलता है वहीं पर यह श्री कार प्रसाद का इस फिल्म में जो कि एडिटिंग देखने को मिलता है उन्होंने इस फिल्म को जैसे कि पूरा फिल्म को उन्होंने एडिट किए हुए तो लाइक जिस फिल्म में बोल सकते कौन सा आर्टिस्ट के ऊपर किस तरह से मतलब कौन सा डायलॉग कहाँ पर रखना चाहिए कौन सी टाइमिंग पूरा का पूरा इन्होंने एडिट करके दिए हुए सभी के सभी अच्छे के साथ जहाँ पर उन्होंने वन हंड्रेड सेवेंटी एट मिनट का रन टाइम दिए हुए थे इस फिल्म में जहाँ पर अगर इसको हिंदी में अगर बात की जाए कितना होता है तो दो घंटा अंठावन मिनट की पूरी फिल्म देख सकते हो इतने रन के इतने लेंथ के साथ जहाँ पर हाँ थोड़े बहुत तो आपको लेंथ कम भी मिलेगी जहाँ पर बारह तेरह मिनट का लेंथ फिल्म की थोड़ा से जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से कम हो सकते हैं जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली आप इसी लेंथ के साथ वॉच करना चाहते हो तो वॉच कर सकते हो तो दोस्तों म्यूजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अनुरोध रविचंद्र का इस फिल्म में जैसे कि उनका ही म्यूजिक साउंड ट्रैक एल्बम और वो सभी चीज़ के अलावा जैसे कि कंपोजिंग भी उनका ही रहा इसमें बैकग्राउंड स्कोर भी जैसे कि बीजीएम बजती है सभी के सभी चीज़ें उनका इस फिल्म में मेहनत देखने को मिलता है तो उन्होंने ऐसे भी चीज़ें जो कि करके दिए हुए साथ ही सॉन्ग में सुनने को मिलती भी है हम सभी अगर साथी दोस्तों सॉन्ग सुनना चाहते हैं जैसे कि म्यूजिक या फिर गाना सॉन्ग की डिटेलिंग की बात की जाए किस तरह से क्या रखा गया है जैसे कि टाइटल लिरिक्स सिंगर लेंथ किस तरह से कितना है वो सभी आपको अगर मैं बताऊं तो दोस्तों अनगेवा तवसी जो तेलुगु प्रोजेक्ट की बात की आफ्टर 2018 में जो फिल्म आई थी उसके साथ जर्सी 2019 में एंड नानिस की गैंग लीडर 2019 में उनके साथ आफ्टर ये सभी मतलब मतलब सिंगर में जो कि अनुरुद रविचंदर काम करते हुए नज़र आए थे अब दोस्तों दी फर्स्ट सिंगल टाइटल की बात किया तो फेयर सॉन्ग वजह रिलीज की गई थी नाइनटीन के डेट पे जापान पर मे के मंथ में 2024 के साल पे उसी के साथ द सेकंड सिंगल टाइटल रिलीज़ की गई थी जहाँ पर चुट्टम बल्ली सॉन्ग का टाइटल रखा गया था उसको रिलीज की गई थी पाँच अगस्त के मंथ पे जहाँ पर 2024 के साल पे इसी साल पे रिलीज़ की गई थी इसी के साथ थर्ड सिंगल टाइटल की बात किया तो जो कि दाबोडी जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज़ की गई थी चार सितंबर के महीने पे 2024 के साल के साथ इसी के साथ द फोर्थ सिंगल टाइटल आयुधा पूजा जो सॉन्ग का टाइटल है उसको रिलीज की गई थी 26 सितंबर 2024 के साल पे इसी के साथ अलॉन्ग विथ दाउंड ट्रैक एल्बम में रिलीज़ की गई थी अब दोस्तों फिल्म की सॉन्ग्स की बात की जाए जैसे कि पांच डब डॉर्जन में रिलीज की गई लाइक जैसे फिल्म तो तेलुगु ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके साथ ही जैसे कि तेलुगु मलयालम कनाडा हिंदी ये से भी जो मतलब वर्जन्स है कनाडा ये से भी वर्जन्स में आप अगर सॉन्ग सुनना चाहते हो तो टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिल जाएगी डब वर्जन में आप अपने हिसाब से जाके एंजॉय कर सकते हो वैसे मुझे दो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद आए जहाँ पर ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा वो सॉन्ग मैं बार बार जो कि सुन चुका हूँ ऑडियंस भी पसंद कर रहे जहाँ पर एक हिंदी सॉन्ग्स किए हुए जहाँ पर धीरे धीरे जो सॉन्ग हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एक म्यूज़िक है बिजी में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का एक क्रिएट करती है जो कि एक सॉन्ग सुनने का जो एक मज़ा है वो सॉन्ग सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्या होता है अदरवाइज दो एक सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग का बात करूँ तो जहाँ पर दाऊदी जो सॉन्ग का टाइटल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई अब इसी के साथ तीसरे सॉन्ग और भी सॉन्ग है जैसे कि पानी में जो लाल रंग ऐसा खून जो समुंदर वाला गाना है वो भी काफ़ी ज्यादा वायरल हुआ है तो आप अपने हिसाब से ऐसे भी सॉन्ग्स जाके एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाएगी कौन सा कंपनी ने इस फिल्म को बनाई है कौन से कंपनी के अंडर तो दोस्तों ये वुदा आर्ट्स एन टी आर आर्ट्स के बैनर के नीचे यानी कंपनी के अंडर इस फिल्म को बनाई गई थी अब दोस्तों इसी के साथ फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो जैसे कि काफ़ी सारे जैसे कि कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को जो कि डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाया जैसे कि बता दें आपको धर्मा प्रोडक्शन के और से जो कि ए ए फिल्म की ओर से डिस्ट्रीब्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी उसी के साथ सीतारा एंटरटेनमेंट्स की ओर से भी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई है के प्रोडक्शन जहाँ पर आपको पता होगा तेलंगाना का उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई है नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो डिस्ट्रीब्यूटर उनके ओर से भी कंप्लीट करवाई गई इसी के साथ लक्ष्मी मूवीज़ जहां पर आपको पता होगा केरला के उनके जो है उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनकी ओर से भी करवाई गई थी जो कि जहां पर वे वरर फिल्म की ओर से तो इसी के तरह इसी साथ पूरी डिस्ट्रीब्यूटर कंप्लीट करवाई उनकी ओर से अब दोस्तों फिल्म की कास्टिंग के बारे में बात करेंगे जैसे लाइक कौन सा एक्टर एक्ट्रेस किस रोल के साथ जैसे कि किस नाम के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे वही आपको मैं बताऊंगा तो दोस्तों एन टी रामा राव जे आर इन ड्यूल रोल एज ए देवारा का रोल फिल्म में प्ले करते हुए नजर आएंगे जहाँ पर वर्धा वारा जो कि देवारा इसके सन का भी रोल निभाते हैं जैसे कि लाइक इसमें एन टी रामा राव जो कि जूनियर आपको इस फिल्म में नजर आएंगे जैसे कि दो रोल में नजर आएंगे एक बेटे का एक बाप का जैसे कि सन का जो रोल है वो देवारा मतलब रोल निभाएंगे और वारदा का जो रोल है वो वारा करके फिल्म में बुलाते जो इसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी सैफ अली खान एज भैरावा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भैरा करके फिल्म में बुलाते हैं जहाँ पर वॉइस डब्ड उनके ऊपर की गई थी जहाँ पर पी रवि शंकर का उनका ही वॉइस सुनने को मिलेगी आपको फिल्म में इसी के साथ जानवी कपूर एज ए तंगम का रोल फिल्म प्ले करते नजर आएंगे इसी साथ आपको फिल्में देखने को मिलती है उनके ऊपर वॉइस जो कि डब्ड किया गया था आर जे स्वेता का और उसमें जो कि वारास को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलती है एज ए देवरास वाइफ एंड वारास के मदर का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर इसी के साथ उनका माँ का रोल भी निभाते हुए फिल्म में देखने को मिलेगी और जरीना व देवराज की मदर एंड वारस की ग्रैंड मदर का रोल भी में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर उनका माँ और दादी का भी रोल निभाएंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आनेंगे इसी के साथ आपको फिल्म में नजर आएगी तल्लूरी रामेश्वरी एज ए जोगुला का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे प्रकाश राज सिंगप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे श्रीकांत ऐस ए रायप्पा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आते जहाँ पर तंगम्स के फादर रहते इस फिल्म में उनका पिता का रोल निभाए हैं साइन टोम चाको एज ए कोरा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे नारायण एज ए इरफान का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहां पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर का रोल निभाते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको नजर आएंगे कालेयारा सन एज ए कुंजारा का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर कोरास के ब्रदर रहते इस फिल्म में मुरली शर्मा एज ए मोर्गा का रोल फिल्म में प्ले करते नजर आएंगे जहाँ पर पॉलिटिशियन सी एम स्मगलर रहते इसमें उसी के रोल के साथ आपको फिल्म में नजर आएंगे अजय एज ए टास्क का फोर्स जो की चीफ शिवम का रोल फिल्म

बता सकता है उनकी बीवी रहते हैं। उसी के साथ सना के वाइफ का रोल फिल्म में प्ले करेंगे अभिमानी सिंह एज टी एस पी तुलासी का रोल फिल्म करते नजर आएंगे गेटअप सिरनो एज ए मेथावा सिर्नो का रोल फिल्म प्ले करेंगे जहां पर वारास के फ्रेंड रहते इस फिल्म में उनका दोस्त रहते हैं उसी के साथ हरि तेजा एज ए तंगम्स का फ्रेंड रहते इस फिल्म में उसी के साथ आपको फिल्म देखने को मिलेगी हेमा एज ए वाली का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर तांगम्स के फ्रेंड एंड सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं इसी के साथ आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जहाँ पर तंगम्स के दोस्त रहते हैं और उनको जैसा यहाँ पर सन्नूस को लव इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और इसी के साथ देखने को मिलेगी रोहन कन्नुमा रेड्डी एज ए वायरस के फ्रेंड रहते हैं उसी के साथ देखने को मिलेगी निहाल कोटाडी एज ए वायरस के गैंग मेंबर रहते हैं इस फिल्म में उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सोनाक्षी वर्मा एज ए द आपको इसी के साथ आपको फिल्म में रोल नजर आएंगे और लता विश्वानाथ लता विश्वनाथ रेड्डी एस चंद्रकला का रोल फिल्म में प्ले करेंगे जहाँ पर भारत के मिस्टर रहते फिल्म में इसी के साथ ओवरऑल हर एक कास्टिंग जिस तरह से मैंने बताई उसी के साथ आपको फिल्म में नज़र आने वाले तो दोस्तों देवरा पार्ट वन अब फिल्म को रिलीज की मतलब रिलीजिंग की बात की जाए तो जहाँ पर देवरा पार्ट थेट्रिकली रिलीजिंग की गई थी ट्वेंटी सेवन सेक्टम्बर के महीने में चूंकि सत्ताईस तारीख को इसी तरह मतलब इसी महीने के 2024 को जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जिसकी डब वर्जन में रिलीज़ की गई थी हिंदी तमिल मलयालम कन्नड़ा ऐसे भी लैंग्वेज में जो आप सभी फिल्म को देख पा रहे थे जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसी के साथ दी आ, फिल्म की वाज ओरिजिनली अनाउंसमेंट की गई थी विथ य रिलीज डेट जहाँ पर पाँच अप्रैल दो हज़ार चौबीस के साल पर रखा जाएगी ऐसी कोडिंग विद दी वीकेंड पे बताई जा रही थी ऑफ गाडू उसके साथ ही वेयर इट वाज की गई थी उसके चलते टेन अक्टूबर 2024 को अकॉर्डिंग विद द इवन ईवी ऑफ दुशेरा के मौके पर बताई जा रही थी और ऐसे कुछ ड्यू टू द एक्शन दिन सिव पोस्ट प्रोडक्शन एंड वी एफ एक्स वर्क के चलते काम कुछ अधूरा था इसी के चलते बिफोरिंग बिगिन प्री प्रो जो कि इन टू टू इट इज करंट की गई थी डेट पर प्रीव्यू uh, जो कि प्रिव्य टू दी रिलीज डेट के चलते मेकर्स बता रहे थे जहाँ पर ट्रिम सेवन मिनट की फॉरम दी हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फीथिंग सेम ऑल्सो स्लो सीन्स की ऑफ तेलुगू एक्टर इन ऑर्डर टू जो कि कैरेक्टर टू जो ब्रोडर जो कि ब्रोडर ऑडियंस के चलते बताई जा रही थी इसी के चलते हुआ था अब दी फिल्म की वजह रिलीजिंग चलते जहां पर स्टैंडर्ड पे फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पर आई मैक्स उसी के साथ फोर डी एक्स स्क्रीन एक्स इसी के साथ डी बॉक्स एम एक्स फोर डी एंड आई सी फॉर्मेट पर दी फिल्म की हार्ड एस टी से वर्ल्ड प्रीमियम तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी फिल्म को जो देख पा रहे थे तो जब देवरा पार्ट वन फिल्म को थ्रीटिकली पर रिलीज की गई थी तो क्रिटिक्स का रेस्पॉन्स की बात की जाए तो मिक्स टू पॉजिटिव भी रिव्यूज़ मिल रहा था जी हाँ दोस्तों जिस हिसाब से फिल्म चल रही थी तो दोस्तों फिल्म को आई पर सिक्स पॉइंट सिक्स आउट ऑफ टेन रेटिंग मिली है जो कि समझ सकते हैं एक मीडियम एवरेज है और इसी के साथ रोटेन टोमोट की तरफ से थर्टी इस फिल्म को फ्रेश फिल्म माना गया है और गूगल की तरफ से नाइन्टी इस फिल्म को लाइक्स मिली है जो कि समझ सकते हैं नाइन्टी परसेंट कितना हद तक होता है और इसी के हिसाब से मिला था साथ ही फिल्म की बजट की बात की जाए तो एक काफ़ी हाई बजट पर फिल्म बनाई गई थी जहाँ पर तीन करोड़ रुपये में फिल्म को बनाई गई है जी हाँ दोस्तों जहाँ पर आपको बता दें थ्री पर तो वहीं पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए जिस हिसाब से अभी चल रहे जहाँ पर अभी हम समझ लीजिए फिल्म को रिलीज के हुए छः दिन ही हो रहा है छः दिन का ही सिर्फ कलेक्शन बता रहा हूँ जहाँ पर थ्री सॉरी थ्री हंड्रेड फोर प्लस कलेक्शन हुआ है जहाँ पर तीन सौ चार प्लस कलेक्शन हुआ है जी हाँ दोस्तों तीन सौ से चार तीन सौ चार कलेक्शन से भी ज़्यादा हुआ है इसी के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर मतलब चल रही है अभी थेट्रिकल ये थिएट्रिकल पर जिस हिसाब से फिल्म चल रही है उसी हिसाब से बता रहा हूँ अब आगे देखते हैं फिल्म किस तरह से क्या करेगी क्या चलेगी वो आगे जाके आपको पता चलेगी अब आपको बता दे जिस हिसाब से फिल्म रन कर पा रही है तो दोस्तों अब फिल्म की अब मतलब चल रही है जिस हिसाब से मतलब रन कर पा रही है थिएट्रिकली पर जहाँ पर जूनियर जो कि जूनियर एन की फिल्म एक्टर की समझ सकते हैं देवरा पार्ट वन जिस सबसे चल रही है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हाइप करे क्रिएट करेगी जहाँ पर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है जो कि फिल्म को लेकर तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फिल्म को लेकर एक एक्साइटमेंट जो बना के रखे थे वो उसकी वजह से रखे हुए अब देखते हैं फिल्म आगे जाके क्या हो पाती है मुझे तो लगता है फिल्म ब्लॉकबस्टर जरूर बनेगी अब देखते हैं ये निर्भर करता है एक्टर के ऊपर और डायरेक्टर के ऊपर कई सारे और मेकर्स के ऊपर तो देखते हो आने वाले समय पर क्या हो पाता है बट इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से चल रही है तो कहीं ना कहीं फिल्म रुकेगी नहीं चलेगी ज़्यादा अब देखते हैं क्या होता है तो दोस्तों फिल्म के बारे में हम डिस्कस करें फिल्म के बारे में मैं अगर आप सभी को बताऊँ जैसे लाइक like, मतलब एक्ट्रेस और एंड एक्टर जैसे कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस किस तरह से क्या है तो दोस्तों इस फिल्म में जैसे कि आपको बता दें एन टी आर रामा जैसे कि जूनियर इस फिल्म में आपको नजर आएंगे दो रोल में ड्यूल रोल में एक पिता का भी रोल निभाते एक बेटे का भी रोल निभाते वो खुद रोल निभाएंगे अब नज़र आएंगे वही रोल में तो वारा का जो रोल निभाए काफ़ी ज़्यादा एक तगड़ा हाइप क्रिएट करते हैं उसके साथ ही देवरा का भी रोल तो देवरा इस फिल्म में किस तरह से इसमें जो उनका जो डायलॉग है जिस तरह से एक्शन सीन्स है एक्शन सिक्वल्स है काफ़ी ज़्यादा हाई एट मतलब क्रिएट करते हैं कई सारे फ़िल्म्स में आप साउथ इंडियन की फ़िल्म्स में तो आप देख चुके हो उनकी किस तरह से वो मतलब बोल सकते हैं एक बॉडी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग और जो से जिस तरह से वो लिखा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उस भी फिल्म में किए हुए अब इस फिल्म में उनकी जो चलने का स्टाइल है जिस तरह से वो हाइप क्रिएट करते एक फिल्म में जिससे लगता है कि एक डर पैदा करता है किस तरह से वो पूरा अपने अंदाज में जो एक्टिंग की पूरी की पूरी इन्होंने न्यू मानो की जाल लगा दी फिल्म में तो पूरा एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्रिएट की हुई हाइप में तो कहीं ना कहीं ऑडियंस पसंद कर रहे हैं इनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आती है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं उनके अलावा जैसे इस फिल्म में उनका बेटा का भी रोल निभा है तो वारा का उनका भी ठीक ठाक रोल है उसी के साथ इसमेलर थोड़े बहुत नज़र आएंगे आपको बाकी उनके अदर साइड मतलब बोल सकते उनको टक्कर देने में जैसे कि सैफ अली खान इसमें भैरावा का रोल निभा तो भैरा करके बुलाते हैं तो भैरा इसमें किस तरह से रोल निभाए जैसे कि आप समझ सकते हैं हिंदी सॉरी बॉलीवुड हम हिंदी जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर हैं तो इस फिल्म में उनका जो एक नेगेटिव रोल रहा जिस तरह से वो विलन का रोल रहा किस तरह से इसमें वो हमारे सामने पेश किया डायरेक्टर और किस तरह से वो उनके साथ बैठते हैं और ये किस तरह से इनका रोल रहा किस तरह से एक्टिंग करते हैं और किस तरह से वो जो इनका जो लुक है कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी मतलब वो नेगेटिव रो मतलब रोल में लुक में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा पॉजिटिवली नज़र आए तो चीज़ें इनकी भी काफ़ी ज़्यादा फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है देखने के लिए तो कहीं ना कहीं इनकी काम काफ़ी ज़्यादा एक मुझे थोड़ा बहुत यूनिक लगा इसमें जो एक्शन सिकल्स है कहीं ना कहीं आपको भरपूर इंगेजिंग करेगी आपको फिल्म की जो रन टाइम है कहीं ना कहीं आपको इनकी वजह से भी बांधे रखती है फर्स्ट आप कहीं ना कि आपको थोड़े बहुत आपको चीज़ें समझने में टाइम देनी पड़ेगी जब इंटरवल के बाद इनकी जो जिस तरह से वो असली मुद्दा जिसे वो देवरा के साथ जो असली में जो फाइट करते हैं वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एक जो मज़ा है फिल्म की वो आपको कहीं ना कहीं आपको देखने पर पता चलेगी और इनके अलावा जैसे कि आपको एक्ट्रेस की बात की जाए तो जहाँ पर जानवी कपूर इसमें तंगम का रोल निभाएं तो उनका रोल में कई सीन्स में आपको पसंद आएगी कई सीन्स में उतना कुछ खास नहीं कर पाया मतलब ठीक ठाक है उतना कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं बट सीन्स में उस तरह से लिया गया गाना में कहना कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी अदरवाइज सीन्स में उतना कुछ खास है नहीं मतलब ज़्यादा मतलब कुछ उतना कुछ इन्होंने एक्टिंग किए हुए नहीं ऐसा लगता है तो फिल्म में यूँ मानो कि ऐसे लिया गया था ऐसा कुछ लग रहा है ऑडियंस भी ऐसे बता रहे हैं बट आने वाले देखते हैं इस तरह से फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगी तो उतना कुछ खास इनका रहा नहीं आ इनके अलावा जैसे कि सूरती मारते इसमें एक्टिंग जिस तरह से रहा उनका भी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई क्रिएट करती है अब ये सभी अलावा चीज़ें कि जैसे भी तलवरी रामेश्वरी प्रकाश राज श्रीकांत साइन टैम चाको ये सभी जो रोल आर्टिस्ट निभाए काफ़ी हद तक ठीक था ये सभी आर्टिस्ट कहीं ना कहीं आपको फिल्म में कहीं ना कहीं आपको देखने में के लिए आपको थोड़े बहुत तो रोक सकती है अब ये सभी चीज़ आप देख सकते हो अदरवाइज फिल्म की थोड़े बहुत आपको माइनस पॉइंट की बात की जाए थोड़े बहुत चीज़ें कहने के आपको थोड़े बहुत निराश करेगी जैसे कि फिल्म की थोड़ी बहुत लेंथी लगेगी फिल्म के रन टाइम करना कर, कम करना चाहिए था एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा एक बिलियन था काफ़ी हाई था वो सभी चीज़ें कहने के पसंद आएगी एडिटिंग में जैसे कि फोटोग्राफी सीन्स लोकेशन जो समुंदर में लाल समुंदर हो जाता है वो सभी सीन्स कहना के आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी तो उसमें जो एनटीआर जैसे कि इसमें जूनियर एनटीआर टी आर देवारा करोली बाएँ कहीं ना कि वो एक जो जिस तरह से उनका जो ईगो और आंखों का जो अंदाज जो वो उनका जो एक्सप्रेशन है आंखों से जो डर पैदा करता है वो फिल्म में कहीं ना कहीं हाईएप क्रिएट करती है तो वो से भी चीज़ कहीं ना कि इनकी पसंद आएगी समुंदर पूरा लाल हो जाता है जब फाइटिंग करते सीन्स में वो सीन्स कहीं ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये से भी चीज़ में ठीक था अदरवाइज कई सीन्स थोड़े बहुत आपको निराश करेगी वो से भी माइनस की मतलब बात की जाए तो फिल्म का प्लॉट काफ़ी यूनिक था थोड़ा बहुत तो यूनिक लगता है स्क्रीन मतलब उतना कुछ खास नहीं है कमज़ोरी में नजर आती है फिल्म की फर्स्ट हाफ़ ठीक था, था। सेकंड हाफ़ जिस तरह से वो मतलब देवरा का कहानी कॉन्सेप्ट असली में पता चलता है कहीं मतलब एक समुंदर में जिस तरह से कहानी लिया गया जहाँ पर आपको बता दें कि मतलब वो इलीगल स्मगलर की तरह से किस तरह से वो काम करते हैं तो वो जाके देवरा पता चलता है देवरा को तो उसके बाद वो अपना असली जो मतलब बोल सकते असली उनका जो मतलब वो वहाँ पर गुस्सा निकालता है उसके बाद उनको बताता है कि ऐसे भी चीज़ छोड़ दो मतलब गलत है उसके बाद वो मानते नहीं बट उसके बाद असली चेहरा देवरा का रोल नज़र आता है उसके बाद फिल्म पूरी तरह से ठीक था वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई कुछ क्रिएट करने वाले बट इंटरव्यू के बाद फिल्म उसी तरह से पूरा नीचे चले गई जहाँ पर एंडिंग तक पूरा फिल्म एकदम ढीले हो गई वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगी आपको मतलब यूँ लगेगा फिल्म को थोड़े बहुत और कुछ अच्छी करनी चाहिए था प्लॉट तो सही था कई चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है जैसे कि फिल्म की गाना तो सही है उत मतलब दो गाना सही है अदरवाइज गाना उतना कुछ खास नहीं है फिल्म के लिए एक्शन शुक्र काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मजबूती देख देखने को मिलेगी जहाँ पर जूनियर एनटीआर का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है एक स्टाइल स्टाइल से वो मारते हैं उनका जो लुक है बॉडी लैंग्वेज है डायलॉग स्क्रीन जो भी प्रजेंट करते हैं सामने हमारे एक हाई एप्ट क्रिएट करते एक लेयर अगर उनकी थोड़े बहुत हटा लो तो फिल्म में कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत आ, उनका जो कॉमेडी है थोड़े बहुत हंसाती भी है इसमें उस तरह नहीं है आपको कई सारे फिल्म्स में देखने को मिलता है लेकिन इसमें उस तरह से नहीं है पूरा फिल्म में उनका एक जो आ, मतलब बोल सकते पॉजिटिवली जो आ, Uh, मतलब सीरियसली इंसान किस तरह से होता है पूरा फिल्म में वो बताते हैं कहीं ना है कि आपको एक फैमिली के साथ अगर एक मास ऑडियंस हो मतलब थोड़े बहुत वन टाइम मतलब फिल्म देखना चाहते तो वन टाइम मतलब टाइम पास के लिए मास ऑडियंस के हिसाब से फिल्म के साथ तो देवरा का ये फिल्म देवरा पार्ट वन आप अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो अदरवाइज उतना कुछ खास है नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो जहाँ पर डायरेक्टर डायरेक्शनल की बात की जाए तो और डायरेक्टर तो काफ़ी बढ़िया है आपको पता होगा काफ़ी बड़े बड़े फ़िल्म को इन्होंने हिट करने में कामयाब रहे जैसे कि आपको बता दें कोरटला शिवा सर की जो कि भारत इन नाम दो में जो फिल्म आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही उसके बाद मिर्ची दो में और प्रभास की जो फिल्म थी वो भी और हाल ही में जो आचार्य 2022 में फिल्म बनाई थी उसमें उतना कुछ खास नहीं था तो इस उससे कई गुना ज़्यादा एक कदम आगे है ये फिल्म तो आप उसी हिसाब से देखना चाहते हो तो जाके फिल्म को देख सकते हो तो दोस्तों फ़िलहाल आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर फिल्म को रिलीज़ कर दी गई है देवरा पार्ट वन की बात करूँ जहाँ दोस्तों इसी के साथ आप फिल्म को एंजॉय कीजिए जहाँ पर तेलुगु लैंग्वेज के अलावा हिंदी वर्ज़न कन्नडा वर्जन तमिल वर्जन मलयालम वर्ज़न ये सभी वर्जन, वर्जन भी में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ दोस्तों इस तरह से आपके नज़दीकी सिनेमा थिएटर के लिए पर इन्जॉय कीजिए बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ पर मजा देगी फिल्म देखने पर आप इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा आप दोस्तों थिएटरिकली रिलीज़ के बाद जैसे कि आठ वीक के बाद जैसे कि आठ हफ्ते के बाद इस फिल्म को जहां पर आपको बता दें कि लगभग दो महीने के बाद इस फिल्म को तो दोस्तों इस फिल्म को कैसे देख पाओगे मैं आप सभी को बता दूं कि ओ के नेटफ्लिक्स पर विथ इंग्लिश सेपरेटल विद सब के साथ तेलुगु लैंग्वेज के अलावा जैसे कि हिंदी वर्जन कनाडा वर्जन मलयालम वर्जन तमिल वर्जन ये सभी वर्जन में आप जाके इंजॉय कर सकते हो जहाँ पर विथ सब्सक्रिप्शन जी हाँ दोस्तों इस तरह से आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए तभी फिल्म को जाके देख पाओगे अदरवाइज़ आप फ्री में फिल्म को देख नहीं सकते हो जी हाँ दोस्तों अब आने वाले समय पर इस तरह से इस फिल्म को देख लीजिएगा अब दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब साथ ही सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा तो दोस्तों फिल्म की डेवलपमेंट की बात की जाएगी किस तरह से क्या किया गया था किस तरह से क्या की गई है मतलब जो भी जानकारी है फिल्म की डेवलपमेंट की वो आपको मैं बताऊँगा तो दोस्तों इन फरवरी के मंथ में 2020 के साल पर जहाँ पर एन टी आर रामा राव जे आर मतलब जूनियर एंड त्रिविक्रम श्रीनिवास वियर रिपोर्ट रिपोर्टली बताई जा रही थी कि टू बी कोलैबोरेटिंग की गई थी जहाँ पर ऑन द सेकेंड फिल्म फॉलोइंग की गई थी जहाँ पर आरुविदा आ, समिता जो वीरा रंगवा 2018 पे आई थी उसकी बात एन टी टाइटल एन टी आर थर्टीन फिल्म बनेगी ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी दी फिल्म वाज टू बी प्रोड्यूसर बाय एस राधा कृष्णा एंड नंदमुर कल्याण राम अंडर दी बैनर पे जहाँ पर हरिका हसनैन क्रिएशन के अंडर एन टी आर आर्ट्स की लेटर और ये सभी चीजें बताई जा रही थी जुलाई के मंथ में को, जो कि कोरटला सिवा अनाउंसमेंट किए थे अन्ना प्रोजेक्ट पर बनाई जहां पर ये ए ट्वेंटी वन विद अल्लू अर्जुन की इन द लीड टू बी प्रोड्यूसर बाय फॉरम डिस्ट्रीब्यूटर सुधाकर जो कि की मिक्की ली लॉन्च की गई थी प्रोडक्शन स्टूडियो यहाँ पर स्टूडियो यूवर सुधा आर्ट्स अप्रैल के मंथ में दो uh, इट वा, वाज रिपोर्टली बताई जा रही थी कि दैट रामा राव एंड शिवा वेड किए थे ऑन एन टी आर थर्टीन में मार्किंग दियर सेकेंड कोलोबरेशन आफ्टर जो कि जनता जो कि जनता गराज दो में जो आई थी, थी फिल्म की वाजा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ऑन उगाडो तेरह पे अप्रैल के महीने पे 2021 में विथ युवा सुधा आर्ट के अंदर प्रोड्यूसिंग द फिल्म इन कोलोब्रेशन विथ एन टी आर आर्ट्स की चलते जहाँ पर वेयर प्रोडक्शन वाजह डिले के चलते ड्यू टू शिवास की uh, uh, कमेंटेंस uh, की गई थी टू आचार्य एंड राव टू ट्रिपल आर के चलते शिवा डेस्क जो कि डिस्कड हुए थे विथ uh, इट एज ये लार्ज स्विकल प्रोजेक्ट है इसी के चलते दैट हैज ए मोर कमर्शली अपील इन जो कि जो कि कॉम्प्रेशन टू हिस डिबिट फिल्म थी मिर्ची दो हज़ार तेरह पे जो आई थी फॉलोइंग द बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हुई थी इसी के साथ ऑफ आचार्य सिवा वांट टू फाइनल ट्यून द स्क्रिप्टिंग मेकिंग जो कि ने कर्सेजी नेसेसरी चेंज बिफोर फिनलिंग ए टी सी एम ड्रॉप विच मेन्ट दैट दम्युनिटेट ऑफ द फिल्म की वॉजअप बिन डिले थ्रू जो कि लेटर वन बताई जा रही थी दो हजार बाईस के साल पर बाई नवंबर शिवा अस्टेट की थी द प्रोडक्श प्री प्रोडक्शन वर्क के चलते ऑफ द फिल्म की विथ प्रोडक्शन सेट टू बिगिन इन अर्ली दो हजार तेईस के साल पर बताई जा रही थी इनिशियली शेड टू बिगिन प्रोडक्शन ऑन चौबीस तारीख फरवरी के मंथ में दी कमेंटेंट की गई थी वाजे डीले के चलते ड्यू टू दफ़ तरक रजे विल भी रामाउस की पार्टी पोशन इन दकॉडमी अवार्ड कैंपेंस के चलते जहाँ पर फॉर टिप्पल आर के चलते दी फिल्म की वाज ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई थी ट्वेंटी थ्री मार्च के मंथ में वित्त पूजा के रखा गया था फिल्म के लिए वेल इन हैदराबाद पे विद प्रेजेंस ऑफ का, दी कास्ट एंड क्रियो एंड एस एस राजा मौर्ली जो की प्रेसिडिंग वित्तीट की गई थी दी फिल्म की टाइटल देवरा वह ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी ऑन नाइनटीन के जहाँ पर डेट पे मे के मंथ में 2023 पे देवी ऑफ रामा रावस के बर्थडे पर ऑन फोर अक्टूबर शिवा के चलते बताए जा रहे थे अनाउंसमेंट की गई थी दे दे फिल्म की विल बी स्क्रिप्ट इन टू जो कि पार्ट्स ये सभी चीज़ें जो फिल्म की डेवलपमेंट की जो भी चीज़ें हैं इसी तरह रखा गया था जो इस तरह से मैंने आपको बताई है तो दोस्तों फिल्म की फिल्मिंग की बात की जाएगी किस तरह से क्या गया था किस तरह से क्या की है जो भी है एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ तो दोस्तों प्रिंसिपल फोटोग्राफी कमेंट्स एक तारीख जहाँ पर अप्रैल के महीने पे 2023 के साल पे हैदराबाद में रखा गया था विथ रामा राव इन अटेंशन की गए थे विथ जानकी की अंड खान ज्वाइन हुए थे दिस सेट इन मिड अप्रैल के महीने पे बताई जा रही है इन मेड में के जहाँ पर दी टीम लुक टू वीक पे ब्रेक की गई थी फॉलोइंग रामा राव के डिपेचर के चलते फॉर द फैमिली वाक्सन के चलते फिल्मिंग रेसिंग करके जहाँ पर सात तारीख जून के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे विद वी क्रोसिकल स्वीकल्स बिटवीन रामा राव खान एंड अदर कास्ट मेंबर बिगिन शूट देयर एंड वाज कंप्लीट की गई थी फोर्टीन डेज के चलते जहाँ पर सेवरलर एक्शन शिकल्स के चलते एंड बिगन शूट इन शेड्यूल इंक्लूडिंग ऑन विच ए बिगन जो कि फिल्मिंग की थी इन द एक्सट्रीम लो लाइट के चलते जहाँ पर टीम देन लुक या जो कि ब्रेक मंथ पे लॉन्ग ब्रेक की गई थी ब्रेक जो कि बिफोर रेसिविंग करके ऑन थर्टी वन डेट जुलाई के मंथ में दो हजार तेईस के साल पे टू शूट की गई थी एंड अंडर वाटर एक्शन पे शिकल्स पे जहाँ पर अमर राव जहाँ पर नेट किए गए थे विद एक्सपर्ट जो कि सिमर के चलते फ्रॉम मुंबई फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वल्स इन सेप्टेम्बर के मंथ पे जहाँ पर सेम ऑफ दी सीक्वल्स के चलते हैव विन शूट एट ए स्पेशली कॉन्सट्रेट किए गए थे बीच सेट इन जो कि शमशाद पर जहाँ पर वन फोर तारीख अक्टूबर के महीने पे जहाँ पर दो हज़ार तेईस के साल पे दी मेकर्स फाइनल की फिल्म, की फिल्मिंग एक्शन स्वीकल्स एंड हैदराबाद पे विच बिल्ड कॉल दी शेड्यूल के चलते पोस्ट जहां पर पोस्ट कंप्लीट की गई थी भी कम्प्लीट की थे फिल्मिंग फॉर प्रोडक्शन और एक तारीख को नवंबर के मंथ पे जहां पर बताई जा रही थी कि दी टीम देन का जो ब्रेक टू जहाँ पर सेलिब्रेट की गई थी दिवाली के मौके पर जहाँ पर आपको पता होगा फेस्टिवल पर बारह तारीख नवंबर के मंथ में जहाँ पर 2023 के साल पे एंड रिज्यूम करके फिल्मिंग की टू डेज पे लेटर ऑन अनदर ब्रीविंग शेड्यूल की बातचीत चल रही थी द गोवा शेड्यूल वाजे कम्प्लीट की गई थी विथिंग ट्वेंटी नवम्बर के महीने पे जहाँ पर एंड द टीम रिटर्न टू हैदराबाद फ्रॉम अनदर बिगिन शेड्यूल विच व फिल्म मेड the, the की गई थी डूरिंग मेड डिसम्बर के मंथ में कल्याण रामा रिजिम थर्ड दट जहाँ पर एटी परसेंट ऑफ दी फिल्म की शूटिंग जहाँ पर हुई थी जहाँ पर द एंड बिन कम्पलीटेड की गई थी बाई लेटर ऑन डिसम्बर के मंथ में 2023 के साल पर बताई जा रही थी ये सभी चीज़ें एंड दी फिल्मिंग की वेट भी रैपअप करके जनवरी के महीने पर दो हज़ार चौबीस के साल पर एवर वी एट दी एंड ऑफ़ दी मंथ पे द प्रोडक्शन टीम रिवल्स की गई थी दैट थर्टीन प्रोजेक्टेंट ऑफ द फिल्म्स की शूट इन टू तो बी जो कि कंप्लीट की गई थी इसी के चलते इन मेड मार्च के मंथ पे जहां पर बताया जा रहा है दो हजार चौबीस के साल पे दी टीम मूवी टू गोवा फॉर फिल्मिंग की या सॉन्ग के लिए स्वीकेंस लिया गया था विद राम राव एंड जाह्नवी के लिए उनको लिया गया था फॉलोइंग ब्रीफ ब्रेक दी टीम फिल्मेट की गई थी यह जो कि कॉन्ट्रेंट शेड्यूल इन मई के मंथ में 2024 के साल पे एट जहाँ पर विशाखा पट्टनम दियर खांस की वहाँ पर किया गया था प्रोडक्शन वेयर फाइन फिल्म रामाव वॉज नॉट प्रेजेंट की गई थी इन द शेड्यूल हैज ही वॉज ए फिल्मिंग फॉर वार्ड टू 2025 में इन मुंबई में जो इन मेड जून के मंथ में दियर टीम की के शूट के चलते एक्शन शूक सेट ए जो कि फॉरेस्ट पे इन गोवा फीतिंग रामा राव एंड खान की चलते एट द सेम मंथ पे किया गया था देव टीम में मूवी टू करबी थाईलैंड फ्रॉम फिल्मिंग की ये सभी रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए फिर थिंग की गई थी रामाव एंड जाह्नवी को जहाँ पर चुट्टे मिले बीच व